चलिए नमस्ते, स्वागत है आपका अड्डे में। नमस्ते। और वेदांत, आपसे स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है? बाकी हरदीप अच्छा, और अर्ज्ञा कैन वेट फॉर अ वाइल एंड ऑल दैट। बताइए आप कहाँ से हैं? मैं तो जानता हूँ, लेकिन जो दोस्त हमारे अड्डे में अभी ज्वाइन किए, तो पहले अड्डे कॉन्सेप्ट ज़रा मैं फिर से रिपीट कर दूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अड्डा जो होता है, ये वर्ड का मतलब होता है कि लोग गेट टुगेदर करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। तो ये हमारा वर्चुअल गेट टुगेदर है कि हम लोग देश के अलग अलग जगहों पे और फॉरेन में भी हो सकते हैं। अभी दिन के टाइम पे लोग फॉरेन में इतने नहीं मिलते, लेकिन जब रात को करेंगे तो काफ़ी लोग फॉरेन से होते हैं। तो हम लोग आपस में बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कभी मान लीजिए आपके घर में होगा, मेरे घर में होगा, तो एक तो हम एक नॉर्मल गेट टुगेदर एक फ्रेंडली एटमोसफेयर में होगी, जिसमें हम खुल करके एक दूसरे से बातचीत करेंगे। अगर हमें एक दूसरे से कोई सवाल जवाब करना है, पूछना है, कोई इंटरेस्टिंग बात बोलनी है, तो बोलेंगे। जैसे घरों में होती है, डिस्कशन हो रही है, आपके घर में हो रही है, मेरे घर में हो रही है, हम किसी कॉमन जगह मिल रहे हैं, किसी शादी में आपकी मेरी बातचीत हो रही है, तो वी कैन टॉक टू ईच अदर, वी कैन डिस्कस थिंग्स इन एंड एज इट गोज़ इन दिल्ली वी स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश। आई इमेजिन इट्स लाइक इन कैलकाटा यू स्पीक इन बंगाली एंड इंग्लिश, सो ऑन सो फोर्थ, एंड इवन हिंदी पीपल कैन स्पीक देयर। सो वी विल डिस्कस्ड अमंग आर सेल्फ इशूज़ पर्टेनिंग टू ऑफकोर्स माई रिसर्च एंड देन, बट इफ देर इज एनी थिंग एल्स विच यू थिंक नीड्स टू बी फ्लैग, यू आर मोस्ट वेलकम। मे बी इन फ्यूचर आई विल डिस्कस, आई विल टेक अप सम अदर इशूज। एंड इन द सेम, यू नो, इन द सेम स्पिरिट, दिस इज़ नॉट अ टेलीविजन डिबेट कि आपने मुझको चीखे मारनी है, मैंने आपको चीखे मारनी है, लड़ाई करने के लिए नहीं आए। येस, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज मी, यू डोंट एग्री विद वट आईव रिटर्न, यू आर मोस्ट वेलकम टू क्रिटिसाइज मी। और एक लिमिट में, मतलब जो एक, जैसे मान लीजिए घर में अड्डा होता है, अड्डे में आपकी हमारी तूतू में होती है, तो वो उस लिमिट में रखिए, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कोई किसी को गाली गलौच नहीं देगा, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यू आर मोस्ट वेलकम फ्री टू क्रिटिसाइज मी। अगर आपको लगता है कि हमारी थ्योरियाँ जो मैं चंद्रचूड़ में अपनी किताब में लिख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो उल्टा सीधा गाली गलौच देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आप आइए यहाँ पे, आप बातचीत कीजिए, बताइए मुझे कहाँ पे, क्योंकि मेरे को लिख करके आंसर देना प्रॉब्लम मुझे होता है कि हर आदमी को मैं लिख करके नहीं बता सकता कि चीज़ें क्या। और दूसरा ये कि मैं हर एक आदमी को एक फेसबुक की पोस्ट में सब कुछ नहीं बता सकता, ट्विटर की ट्वीट में। तो कई लोग ये समझते हैं कि साहब ट्विटर में लिख दिया हम लोगों ने, और वो कहा जी आप तो पूरी कहानी बता नहीं रहे। भैया पूरी कहानी के लिए किताब लिखी है ना, वो पढ़ो ना। अगर आपको लगता है कि मुझे उस, अगर मैंने चार वर्ड्स चार लाइन लिखी हैं फेसबुक में, तो मेरे पास में 40 लाइनें और पड़ी हुई हैं, सिर्फ मैं एक उस पॉइंट को फ्लैग कर रहा हूँ। अगर आपको उसका काउंटर करना है तो आप काउंटर कीजिए, और एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट इन ए नॉर्मल वे, ऑफकोर्स वी इंटेंशन वही है ना कि अगर हम लोग गलत हैं। और मैं आज तक चंद्रचूड़ और मैं, हमारा और मेरे सारे दोस्त मिशन नेताजी का, हमारा हम वी हैव वेरी ओपन माइंड। हम आप लोग मालूम चल रहा है हमारे बातचीत करने के स्टाइल से, हम लोग बड़े ओपन माइंडेड आदमी हैं। अगर हमने गलती की है, हमसे कोई गलत फैक्ट हमारे, इनफैक्ट हम लोगों ने अपने को स्टैंड को मॉडिफाई किया बीच बीच में। हाँ, बेसिक स्टैंड मॉडिफाई नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा 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 हमने स्टैंड मॉडिफाई किया कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जाती, तो हो सकता है आपके पास में कोई ऐसा लॉजिक हो, इन्फॉर्मेशन हो, जिसको मैं एक्सेप्ट अभी नहीं करता हूँ, लेकिन टेक इट फ्रॉम मी कि उसको मैं सुनते जरूर हम लोग, क्योंकि मेरा कोई घर की वो नहीं है कि मैंने यही साबित करना है। मैं तो एविडेंस के बेस पे ही बात करूंगा ना, जो मेरा अपना इशू है उसको लेकर के। तो यू आर फ्री टू यू नो डिस्कस विद मी वट एवर यू वॉन्ट, दिस इज़ अ नड्डा, यू कैन क्रिटिसाइज मी इफ़ यू वॉन्ट टू, यू कैन यू नो गिव योर व्यू कि मैं ऐसा सोचता हूँ करके। तो हम इस अड्डे में डिस्कस करेंगे। तो आज संडे को हम बैठे हैं, ठीक है? वेदांत कहाँ पे है बताओ आप पहले। सर, मैं तो बेसिकली हूँ लातूर से, महाराष्ट्र, और अभी बेंगलोर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बेंगलोर पढ़ रहा है। दोनों जगह अच्छी हैं। बहुत लातूर जो है वो मेरा फेवरेट स्पॉट है कि मेरा लेक्चर बहुत अच्छा हुआ था वहाँ पे, मेरे अच्छा हाईएस्ट लेक्चर बहुत बढ़िया दोनों हुए थे, नेताजी पे और शास्त्री जी पे, और कोई शास्त्री ऑलमोस्ट जी पे। जो भी रिकॉर्ड हुआ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 लोगों ने देखी होगी। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने के लिए सही दो है। हज़ार लोग आते हैं कम से कम इस तरह की गैदरिंग में। और बैंगलोर इज अ वेरी गुड सिटी, आई मीन आई आई लव बैंगलोर। इवन जैसे नामी बाबा ऑल्सो प्रेस्ड बैंगलोर, व्हाट ही सेड कि उसका वेदर सबसे बढ़िया था, एंड आई एग्री। बढ़िया एटलीस्ट जो मैंने देखा था अपनी आंखों से, जब मैं मतलब जो मैंने मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था बचपन में बैंगलोर, बैंगलोर पहले में और में बहुत फर्क आ गया। हाँ, फर्क आ गया ग्रीनरी सर, मतलब अभी बहुत, बहुत लास्ट हो गया वो कब्बन पार्क वगैरह में ग्रीनरी जो पहले देखी बचपन में, वो ग्रीनरी अब नहीं है वहाँ पर, बहुत अभी, ज़्यादा। नहीं है। हाँ, हाँ, अब वो सिचुएशन वैसे नहीं, लेकिन तब वो भी स्पॉट बैंगलोर। स्पॉट का नेचर चेंज हो गया सर पूरा, कब्बन पार्क का तो नेचर ही चेंज हाँ हो गया पूरा। हाँ 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 तो वो सिचुएशन ऐसी करके, तो लेकिन स्टिल इट इज़ लाइक इट्स अ फैंटास्टिक सिटी, एंड आई वुड लव टू यू नो कम टू बैंगलोर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट अब देखिए कोरोना के बाद सिचुएशन अभी ठीक अभी हो रही तो है, यहाँ पे तो ठीक है, मतलब नॉर्मल ही चल रहा है। दिल्ली में नॉर्मल है, दिल्ली में नॉर्मल है, सब कुछ खुला हुआ है, थिएटर खुले हुए हैं। मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि आई एम अवेलेबल फॉर लेक्चर्स, हाँ, क्योंकि देखा वो, था सर ट्विटर पे। और ये आपकी सबसे बड़ी मदद होगी
जो लोग बोलते रहते हैं कि हाँ मदद करना चाहते हैं, भैया लेक्चर करवाओ, जब तक आप फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा बात नहीं बनेगी। ऑनलाइन हम करते रहेंगे, ऑनलाइन तो होता रहेगा, अभी चंद्रचूर भी अभी कूदने वाला है और दबा के करेगा वो सारे कुछ, तो अभी हम लोग लेकिन कि लाइव में फेस टू फेस मिलना और कई बातें फेस टू फेस फेस टू फेस समझाना होना पावर पॉइंट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता अलग पड़ता है फेस टू फेस मिलने से। है, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए, तो अभी फिलहाल मुझे दो जगह से मुझे इन्विटेशन आया है, एक नागपुर से आया है, वहाँ एक लिट फेस्टिवल है नवंबर में है, और लेकिन उन्होंने बोला कि उनका एक सेशन ऑफलाइन है बाकी ऑनलाइन सेशन है, तो मैं उनको साफ बोला कि मैं ऑनलाइन में नहीं आऊँगा, अगर आपने मुझे बुलाना है तो ऑफलाइन में मुझे बुलाइए। इंदौर में दिसंबर में इट इज़ मोर लेस कन्फर्म्ड, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, लिट चौक नाम का उनका अच्छा फेस्टिवल वहाँ पे होता है, तो दे हैव आस्क मी टू कम। तो दिसंबर, लेकिन दिसंबर बहुत हो रहा है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है। मेरा मानना है कि दिवाली के बाद में आप लोगों को लेक्चर वेक्चर मेरे करवाने चाहिए, जो जो करवाना चाहते हैं। ठीक है, कब तक घर बैठे रहेंगे यार, कोरोना तो गया, अब जो हो गया सब, जिसने सर इंजेक्शन लगा लिया लाइफ बाहर निकली है, मैंने लगवा लिया तो मुझे। ठीक है वेदांत, एक बताइए, बार अब आपको बार ऑफलाइन बार स्टार्ट ये होगी रिपीट तो वो बार चलते बार ये रहते रिपीट करना पड़ेगा, ये मैसेज कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है अड्डा वाला फॉर द टाइम बीइंग, अभी इवॉल्व हो रहा है। दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर्स वगैरह मेरे फिर से हों, इस बात को मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, तो ये आप बिल्कुल में सर। से की बात को रिपीट कर रहा, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग नए और पहली बार इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। बताइए वेदांत, सर बेंगलोर। वो बुक आपने गवर्नमेंट डजंट वांट यू नो दिस बुक पब्लिश किया था, मैंने खरीदा था। वो इशू तो पूरा पता था पहले से, लेकिन वो डीएनए वाला थोड़ा नया लगा था, और आपने बोला भी था कि और डीएनए को लेकर उसमें और भी नया हमने डाल दिया उसका, गवर्नमेंट डजंट वांट यू नो दिस का हिंदी एडिशन जो है वो ऑलमोस्ट वो प्रोडक्शन में चला गया, अच्छा तो अगले साल की शुरुआत में निकाल देंगे। वहाँ हमने एक और ऐड कर दिया उसके अंदर कि डीएनए में एक फॉरेन के एक्सपर्ट ने भी बोल दिया हमारे को राइटिंग में, मतलब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा, अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड तो पांच और लोगों ने कहा है, तो एक और हाँ, एक्सपर्ट ने भी बोल दिया है कि इसमें गड़बड़ है। क्योंकि वो ज्ञानेश्वर चौबे वाला जो वीडियो था आपका, वो तो पूरा देख लिया था, उनका इंटरव्यू जो था आपने लिया था, उससे तो क्लियर हो गया था। वो बुक से और ज्यादा क्लियर हो गया, 2 दिन में बुक पढ़ लिया, मतलब पूरा एकदम क्लियर हो गया। फिर मैंने वो बुक सेम पापा को दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत आसान लैंग्वेज में था कोनंड्रम से। कोनंड्रम बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जैसे पापा को सिर्फ बेसिक इंग्लिश समझ में आती है। वो पापा ने भी पढ़ा, उनको भी इंटरेस्ट आ गया। फिर उन्होंने आपके सारे जो टॉक्स थे वो देख लिए, और उनके फिर उनके पीयर ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए। मजा अच्छा किया, यही यही आया सोचना चाहिए। सर, मतलब वो लिखना पर्पस ये था कि उसको उस किताब को ताकि सिंपल लैंग्वेज में लिखे ताकि उसको सिंपल ट्रांसलेट, लैंग्वेज में। इसलिए वो हिंदी में करवा दी हम लोगों ने। बहुत लोग सर कोनंड्रम बड़ी देख के डर जाते हैं। हाँ यार, लेकिन हमारा हमारी मजबूरी थी, और कि मजबूरी ये थी सर कि कोनंड्रम तो ऑप्शन वास्ट नहीं था हमारे रिसर्च पास, बिल्कुल, ऑप्शन नहीं था वो ना बुक क्या होनी उसको, चाहिए सर। हाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड, क्या करें और तरीका नहीं था, वो एक अलग ऑडियंस के लिए, ये एक अलग ऑडियंस के, इसलिए वो सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल दिया। मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ सकते मोटी मोटी किताबें, मैं भी नहीं पढ़ता यार, और क्या बोलूँ, लेकिन ये था कि कोई ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने सर ये, हाँ आपने ये आंसर नहीं किया, आपने वो आंसर नहीं किया, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, भैया ये सब पूछोगे तो किताब मोटी बनेगी ना। अभी भी लोग कह रहे फर्स्ट टाइम में हैं पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है बुक के लिए, लेकिन सेकंड टाइम जल्दी हो जाता है। एक एटलीस्ट 2 बार तो रीडिंग चाहिए बुक पूरी समझने के लिए कोनंड्रम। पैसा वसूल है ना, अगर आपने उसमें इतनी मोटी किताब पढ़ी है, तो इतनी मोटी अच्छी किताब अगर है तो उसको आप कम से कम लाइफ में 3-4 बार पढ़ें। मैं अगर एक एवरेज मूवी देखने जाता हूँ, फिल्म देखने जाऊँगा, तो मैं 500 रुपये खर्च करूँगा उसमें, फिल्म 2 घंटे का मुझे एंटरटेनमेंट होगा 3 घंटे का। अब यहाँ पर अगर आपने वही पैसे खर्च किए, तो आपको कम से कम लाइफ में 4-5 महीने का कम से कम आपको आपको पॉजिटिव में आपके माइंड के आपका माइंड कहीं लगा रहेगा। तो लोग को सोचना चाहिए किताब, तो आपके पास में किताब पढ़ने के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं जो शायद कोई भी किताब हो, सिर्फ हमारी किताब नहीं, लेकिन अपना लिटरेचर पढ़ना चाहिए जैसा भी हो, तो वो अच्छा सर रहता आपने है। पहले बोला था कि डीएनए को लेकर आप कोर्ट में जाने वाले थे, मतलब कुछ प्रोग्रेस हो रहा था जो कोरोना की वजह से रुक गया, उसका क्या रुक गया हुए वो, हमने थे? हमने कुछ हमने वकीलों से बात की थी अच्छा और सेशन भी किए थे, पूछा था क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कोरोना की वजह से एक तो ठप हो गया, ऊपर से फिर मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि वो लड़ाई लड़ने का पैसा हमारे में नहीं है, हमारे में पैसा नहीं है, मीडिया में कुछ हंगामा नहीं है इसको देख करके, और कोर्ट के वर्डिक्ट्स और कोर्ट भी जिस तरीके से डील कर रहा है सही है सिचुएशन को, सही है, उसका देख के डर वही लगता है, क्योंकि वही समाज, जब ये जो केस हुआ था, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, केस बहुत सारे थे, लेकिन प्रशांत भूषण वाले केस के बाद से एक बात तो समझ में आ गई कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होता, बराबर नहीं है। अगर आपने और मैंने ऐसा काम किया होता तो हमको कोर्ट जेल की चक्की पिसवाया था, क्योंकि वो बड़ा आदमी था तो उसको 2 रुपये में छोड़ दिया उन्होंने, तो ये इसमें कानून बराबर सबके लिए नहीं होता, कानून आप अगर बड़े आदमी हैं तो आपके लिए 50 रास्ते खुल जाएंगे, और अगर आप बड़े नहीं हैं तो फिर
हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग बड़े लोग नहीं हैं, हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई पैसे की पावर नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं कोर्ट कचहरी में कैसे सस्टेन करूंगा? क्योंकि मैं आप चाह रहे हो कि मैं कोर्ट में जाके बोलूं कि गवर्नमेंट ने घपलेबाजी करी है। नहीं नहीं सर, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, लोगों को कहानी रेलिवेंट है किसी कॉन्टेक्स्ट में। वो कॉन्टेक्स ये है कि 1997 में एज यू ऑल नो कि कैलकाटा हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में नेताजी के 100 साल होने वाले थे, हो गए थे 97 में, और भारत को 50 साल आज़ाद हुए हो गए थे। तो उस टाइम पे भी जैसे अभी होने वाले अगले साल में, ऐसे नेताजी और भारत की फ्रीडम स्ट्रगल दोनों के दोनों बारे में लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो किसी ने बोला कि हम लोग सुभाष बोस की जो एशेज कहते हैं रणकोजी टेम्पल में पड़ी है जापान में, उनको यहाँ लेकर आएंगे। तो उस ज़माने के रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया मुलायम सिंह यादव ने कि हम लोग ये मैं उसको लाने को राजी हूँ। तो जब वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे वो केस हैंडल करने वाले थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। उन्होंने वर्डिक्ट जो दिया वो दिया कि आप इसकी इंक्वायरी कमीशन बनाइए और गवर्नमेंट जो है वो इस पर कुछ, गवर्नमेंट का व्यू ठीक नहीं। मैं प्रभाशंकर मिश्रा जी से मिला था, अभी वो नहीं है वो, और वो बहुत अच्छे जाने माने वकील थे पहले मतलब बनने के, और इनफैक्ट वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज होने के बाद शायद उनका या तो वो या उनके सुपुत्र वगैरह वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करा करते थे। तो ही वॉज अ वेरी वेल नोन पर्सन, आई थिंक उनके लिखे करते होंगे मुझे याद नहीं, बट ही वॉज, मैंने उनको दिल्ली में जो ग्रेटर क्लैश में उनको मिला था मैं यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ के थे मेरे ख्याल से। आजकल हमारे यहाँ कस्टम है कि जो चीफ जस्टिस होता है किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का वो स्टेट का नहीं होता। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी नॉर्थ इंडिया के थे, वो वहाँ के नहीं थे। उस जमाने में जजेस का नाम आया था कि किसको सुप्रीम कोर्ट को एलिवेट करना था उनको, और प्रभाशंकर मिश्रा जी वॉज अ सीनियर मोस्ट जज, लेकिन उनको एलिवेट नहीं किया गया और उनकी जगह उनके दो नीचे जो लोग थे उनको एलिवेट कर दिया गया। इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है कि उनका नाम काटा गया था। तो अगर ये बात मुझे मालूम है तो जजों को ही मालूम होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत लफड़ा है इस केस के अंदर। इस केस में अगर आप गवर्नमेंट से पंगा लेना चाहते, अब मान लीजिए कि मैं लखनऊ चला जाऊँ, मुझे लगता नहीं लखनऊ में मुझे कोई भी ऐसा वकील मिलेगा जो हमारे कहने पे ये केस फाइल करे कि योगी गवर्नमेंट जो है इस केस को दबा रही है। कौन खड़ा, मेरे लिए कौन खड़ा होगा? मेरे पीछे कोई टिकायत खड़ा होगा जो मेरे पीछे मेरे वकील आ जाएंगे? हमारे पास में क्या पावर है, हमारे पास में क्या पैसा है, हमारे पीछे कौन से लोग बैठे हैं पैसा देने के लिए कनाडा से? तो कोर्ट में जाना इतना आसान नहीं है यार, इतने कंट्रोवर्शियल केस हैं, और कोर्ट भी जैसे जैसे जजमेंट देता है अलग केसेस में अलग अलग यार्ड से कहा आई एम सॉरी, आप सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो तो मैं क्यों ना क्रिटिसाइज करूँ? और मेरे साथ ये हो चुका, मैंने तो उल्टा अपने हाथ जलाए हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट में गया था मैं एक बार, उन्होंने जिस तरीके से मेरे केस को बाहर निकाल के देखे मारा था, और बाद में खबर कोर्ट ने बोला था कि वही जो जज थे जिन्होंने मेरे खिलाफ दिया था वर्डिक्ट वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या कीजिएगा आप? प्रॉब्लम ये है कि इस केस में कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या तो ना कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे सपोर्ट में हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी हो, तो उनके पास में इतनी ताकत होती है, उनके पास में इतना नेटवर्क होता है कि वो केसेस को बिल्डअप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम वही है कि टीएमसी ना बीजेपी दोनों गांधी भक्तों की पार्टी है, मैं किसके पास जाऊँगा? मैं तो ये फंस गया ना, तो किसको बोले, किसके पास जाए? कांग्रेस करेगी नहीं, लेफ्टिस्ट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई सुभाष बोस में, बीजेपी वाले कहते हैं इंटरेस्ट है लेकिन बेसिक इंटरेस्ट उनका गांधी जी में, और वो भी केस को दबा रहे हैं। टीएमसी वाले तो ऐसे ही गांधी में बहुत आगे, तो मैं किसके पास जाऊँ? तो हमारे लिए वो कोर्ट में केस करना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से कोर्ट में केस करने में उल्टा ही नुकसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब तक कोई कंट्रोवर्सी डेवलप नहीं होती, मेन स्ट्रीम मीडिया में इशू फ्लैग नहीं हो जाता, जो हमको लगा था फ्लैग हो जाएगा डीएनए में, हम लोगों ने जब से ये कहानी सेटलमेंट की है, लेकिन वो कोरोना ने जब पूरा हमारा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी 1.5 साल से, उसकी वजह से हम लोग अब उस झटके से निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि अगले साल में क्या ऐसा स्कोप बनता है, तो हम कोशिश करेंगे कोर्ट में जाने की, बट फिलहाल तो कोर्ट से तो उम्मीदें बहुत कम है सर, क्योंकि अभी जैसे वर्डिक्ट्स बहुत कंट्रोवर्शियल निकल के आ रहे कोर्ट के, और कोर्ट के सुओ मोटो भी अलग अलग जगह से अलग अलग वो डायरेक्शन से सुओ मोटो ले रहा है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिपेंड करता है ना मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना, उनको भी, वो भी इंसान है जजेस, वो देखते हैं टीवी में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है। चक्कर है कि हम लोग तो टीवी में खबर हमारी नहीं चलती ना कोई, अगर चलती भी है तो बहुत कम चलती है। तो वही प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग क्या करें, हमारा टीवी में तो हमारा डिबेट होगा नहीं, डिस्कशन होगा नहीं, मतलब जिनसे भी देखो सर लोग चाहते हैं कि सच बाहर निकल के आए, लेकिन जब सामने आकर बात करने की बात होती है फिर वो मुकर जाते हैं। मेरा एक केस हुआ था, मैं बोलूं छोड़िए क्यों मेरे मुंह से आप कोर्ट की बात है, एक दो केसेस हुए थे उसमें मैं उनके वर्डिक्ट से बिल्कुल एग्री नहीं करता, इनफैक्ट आई विल एंड अप क्रिटिसाइजिंग द कोर्ट, और कोर्ट जो है हमारे को तो पीछे पड़ जाएगा डंडा लेकर के वो, और उनके खिलाफ तो कुछ बोला नहीं, उनको 2 रुपये में छोड़ दिया।
वही प्रॉब्लम घूम फिर की आ रही कि जो प्रशांत भूषण ने काम किया, करो मैंने आपने किया होता तो हमको ना जेल की चक्की पिसवा दी थी इन लोगों ने। तो कानून बराबर लोगों के लिए नहीं है। और ऑन अ सेपरेट नोट, मेरे को लगता है शाहरुख खान का लक्का छूट जाएगा अगर उसको बेल, अगर छूट तो जाएगा सर, वो रहेगा नहीं जेल में। मुझे केस की डिटेल्स नहीं पता, मुझे केस की डिटेल पता नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई केस का पता नहीं, लेकिन छूट जाएगा सर, कानून क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में तो वो चलेंगे, थोड़ी देखेंगे, अगर वो लोअर कोर्ट कुछ करेगा तो अपर कोर्ट फ्री कर देता है, और फिर वहां जाके वो बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं फॉरेन कंट्रीज के, यूरोप अमेरिका के, वो चल जाता, तो वो छूट जाएगा, थोड़े दिन की परेशानी है, उसने अगर गलत काम किया तो बच्चा सीख जाएगा जाकर कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। चलो बताइए और सर, 2 अक्टूबर को इस बार थोड़ा चेंज देखा गया था सर, कि लोग शास्त्री जी की तरफ ज्यादा मुड़े हुए थे इस बार, तो मतलब इसका वो ट्वीट का डिफरेंस भी आ रहा था प्रधानमंत्री पड़ा है, उसमें उसमें बहुत बड़ा हाथ ऑफकोर्स वो अग्निहोत्री जी की फिल्म का हाथ है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। बुक का भी सर, जो अभी एंड न्यू करके फेमस चैनल है सर, उसका बुक, आपकी बुक का रेफरेंस देके उन्होंने पूरा वीडियो बनाया था। अरे कईयों ने बनाया, दो चार और ने बनाया है, मेरा माल मार के बनाया गया है, मेरे को इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है कि बेशर्मो कम से कम अगर मेरे से माल मारो, कम से कम मेरा नाम तो ले लो, मैं तो आपसे कुछ बोलूंगा नहीं, आपको इतनी तो कम से कम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि किसी आदमी का रिसर्च का माल तो मार रहे हो फ्री में, उसको पढ़ के सुना रहे हो यूट्यूब पे, तो उसका नाम तो लो कि इस आदमी ने भैया रिसर्च किया था, और लोग बता दें कि आप जाके इसकी किताब पढ़ लो जिसको इंटरेस्ट हो। तो मैंने देखे ऐसे एक दो चार वीडियो कि मेरे नहीं, से उस माल वीडियो में आपने किताब का फोटो दिखाया था सर, ठीक है, जिसने नाम लिया उससे मुझे परेशानी नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस पीपल, मैं तो खुद लोगों से इंटरव्यू देने को तैयार हूँ, मुझे आज भी किसी ने अप्रोच किया तो मैं दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मेरा कहने का मतलब ये कि मैं किसी और इंसान का, किसी और का, किसी और का रिसर्च मटेरियल को यूज़ कर रहा हूँ, तो इतनी तो कम से कम ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मैं उसका नाम यूज़ करूँ कि इसने ये लिखा, जैसे हम लोगों ने अपनी किताब में सबको क्रेडिट दिया, फुट नोट एंड नोट जहाँ हो सके हम लोग देते हैं, और गलती से रह जाएगा तो बोलेगा तो उसको दे देंगे। तो मैं तो कभी इवन फेसबुक के अंदर भी आप लोगों को दिखाओगे, मैं जो फेसबुक पर पोस्ट डालता हूँ वहाँ प्रैक्टिस नहीं है सोशल सोर्स देने की, मैं वहाँ भी सोर्स देता हूँ कोशिश जहाँ तक हो सके, तो ये ऑनेस्टी कम से कम इंटेलेक्चुअल लेवल पर होनी चाहिए। और कोई स्पेसिफिक सवाल आपके पास में आ जाए कुछ, क्या क्या सर, कोई आया स्पेसिफिक सवाल है कोई? स्पेसिफिक सवाल तो नहीं है आज। चलो अच्छा, बाकी आप आए अड्डे में आज, पहले पहले आपसे स्टार्ट किया, ठीक है, अब ठीक है मिलेंगे दोबारा, ठीक है, चलो आप इसमें से जिस जिसको मैं बाय सर, जो 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 आप में से अड्डे से निकलेगा ना, आप इसमें से अपने आप को निकाल लेना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ एक बारी में 10 लोग आ सकते हैं, तो ये होता क्या कि जैसे ही मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे लिंक को, ये अड्डा मेरा भर जाता, ये मेरा भर जाता है, और वो 10 लोग को जो बातचीत हो जाती है वो यहाँ से निकल जाए ताकि कोई और आदमी इसमें आके एंटर कर जाए, क्योंकि मेरा आइडिया है कि अलग अलग लोगों से बातचीत में करूँ, अगर घूम फिर के सारे आप ही लोग आते रहेंगे तो फिर मेरे लिए मतलब वो मतलब रिपीट में करता रहूँगा ना, तो उसमें थोड़ा सा पब्लिक को लगता है कि नए नए लोग आने चाहिए, है ना। चलो वेदांत, सी यू, बाय बाय, ठीक है, हाँ हरदीप, हाय, नमस्ते सर, नमस्ते, बताइए लोकेशन बताओ पहले कहाँ पर, लोकेशन पंजाब, पंजाब खन्ना, पंजाब खन्ना में, आपके तो बोलने से पता चल रहा है पंजाबी हो, तो पूरा आपका एक्सेंट ही पूरा अपना, ठीक है, एक्सेंट से मालूम चल रहा है, हाँ बताइए खन्ना का मौसम, मौसम ठंडा वंडा शुरू हुआ रात के टाइम पे? हाँ रात के टाइम पे हो रहा है, बाइक चलाते हैं तो पता चलता है, हाँ रात के टाइम पे हल्का 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 ठंडा हो गया, दिन में तो गर्मी, हाँ, शाम को 6 बजे बाइक चलाते हो पता चल जाता है, हाँ पता चल रहा है थोड़ा ठंडा ठंडा, दिवाली के आसपास में ठंडा हो जाएगा, दिवाली तक में मौसम, दिन में थोड़ी सी तपिश ज्यादा है, दिल में बहुत ज्यादा है, दिल में तो निकल सकते नहीं यार, हाँ मुश्किल है दिन में, हाँ सर एक लाइब्रेरियन मिले थे मुझे, हाँ उन्होंने, हाँ उन्होंने सुभाष बोस जी की बातें हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने कोई कहीं पढ़ा था, मुझे लग नहीं रहा कि ये जो उन्होंने डिटेल बताई है वो सही किसी किताब में लिखी हो, शायद आप ही का कंटेंट हो घुमा के बता रहे हो, उन्होंने कहा था कि तिब्बत साइड में ना एक उन्होंने कहीं पढ़ा था बुक में कि तिब्बत साइड में कोई लामा थे, वो चुपचाप रहते थे लेकिन जब उनसे बात की जाती थी तो उनकी आवाज ऐसी थी जैसे नेताजी थे, किसी ने डिटेल दी थी किसी बुक में, बुक का नाम को याद नहीं है, तो मुझे ऐसा ही लगा कि इन्होंने या तो आपका कंटेंट कहीं
पढ़ लिया या देख लिया? नहीं, इस तरह की बातें, इस तरह को तिब्बत की बातें, इस तरह की बातें पहले हुई थी, मतलब उस जमाने में तिब्बत में लामा थे और लोगों ने हिंदी के अंदर छोटी 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 किताबें निकाली जिसके अंदर ऐसा बोला जाता था कि तिब्बत के अंदर कुछ है करके, ये है वो करके। और मुझे अच्छा वो चेक करना पड़ेगा कि नेताजी के नेफ्यू ने जो एक बात बोली थी खोसला कमीशन के सामने, जब उसने बोला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको बोला कि नेताजी शायद जिंदा है ऑल दैट कुछ, ठीक शायद है। उसके अंदर भी रेफरेंस किसी का तिब्बत का आया था करके। तो ऐसी तिब्बत की बात तो होती आई, उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कि वो ना क्रॉस चेक वेरीफाई करना मुश्किल है। बट हाँ, मोटा मोटा गुमनामी बाबा ने ही बोला कि मैं तिब्बत में था, हाँ उन्होंने तो बोला है बोला। और अपने वो वो ऐसा ये नहीं कि मैंने देखा लोगों ने छोटी जनरल छोटी बुकलेट्स आती हैं उसमें से किसी ने कोई फोटो वोटो लगा रखी करके, लेकिन मुझे लगता नहीं वो उनकी फोटोग्राफ से जा रहा है करके, क्योंकि बिकॉज उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि मैं वहाँ पे जब भी जाऊँ बिल्कुल सीक्रेसी में था और मेरा कवर मुंह भी ढका हुआ था। तो फोटो वोटो तो उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन ये तिब्बत के बारे में है बातें हैं अब, बट इस्टेब्लिश नहीं। हम लोग तो वही लिखेंगे बताएंगे जो ठोक बजा करके मैं कन्फर्म कर सकता यानी कि ये किसी बुकलेट में भी था ये डिटेल? बुकलेट में। हाँ, बुकलेट में, बुकलेट में ये तिब्बत में होने की बात तो 70 से पहले होती आई है, बिल्कुल था बुकलेट सी इस बात इसमें सर लिखा एक, देने के बाद। हाँ एक ना 1979 के आसपास कहीं पे ये कोई मारीछापी आइलैंड भी है सुंदरवन के आसपास, हाँ जहाँ पे जो टाइगर हैं वो आदमखोर हो गए थे। टाइगर वहां के हाँ आदमखोर हैं ना बहुत हाँ ज्यादा हाँ सुंदरबन के, तो वहां पे मारे झापी में एक इंसिडेंट हुआ था, मारकाट हुई थी बहुत बंगालियों की। मैसेकर हुआ था उस पर, मेरे ख्याल से किताब भी लिखी है कि कभी एडिट जर्नलिस्ट है, टुडे के जर्नलिस्ट है, वहाँ हाँ बहुत से लोग को तो मारा गया था उनको। किसी ने यूट्यूब में कंटेंट डाला था मारी झापी के रिगार्डिंग, उन्होंने बोला था जब बंगाल से वहां पे लोगों को शिफ्ट किया गया था तो वहां पे जो नगर बसाया गया था वो लोग नेताजी के फॉलोअर थे पहले के जमाने के, उन्होंने उसे नगर का नाम ही नेताजी नगर रखा था। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी वहां पे पुलिस की हेल्प लेके मारकाट मचा दी थी उस आइलैंड में। देखो मारकाट का उसका तो पता है, वो तो अभी उसके बारे में जिक्र अभी हो रहा है वो तो कर, लेकिन ये नेताजी वाला बातचीत मुझे मालूम नहीं है। मैं ये चंद्रचूड़ को बताऊंगा जरा कि उसको कुछ आइडिया हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि तो ये हाँ किसी मैसेकर ने जो है वो यूट्यूब न्यूज़ पे में अभी है। हाँ इसी कंटेंट पे उसने किसी ने बहुत एक्चुअली एक लंबी जो चौड़ी वीडियो मैं डाली थी, वो, 2-3 महीने हो गए इस बात हाँ को। वो जो जर्नलिस्ट है जिसने ये किताब लिखी है वो ट्विटर पे है, तो मेरे ख्याल से उसको ही डायरेक्टली पूछना अच्छा रहेगा कि उन्होंने इसमें नेताजी का लिंक हाँ है। नहीं तो चंद्रचूड़ से मैं बात करूंगा तो उसे पूछूंगा कि क्या सुभाष बोस का नेताजी के बारे कोई रेफरेंस इस पूरे मैसेकर में आ रहा है कि नहीं आ रेफरेंस रहा, यही था बिकॉज कि वो लोग नेताजी के साथी थे पहले आजादी के आसपास, उन्होंने उन लोगों को वहां पे थोड़ा सा बसा दिया था जो बांग्लादेश से आए थे, लेकिन उसका जो बसाया था उसका नाम ही नेताजी नगर रख दिया था। अच्छा हाँ और काफी मारपाट हुई। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या भगवान जी के लेटर्स या उनकी बातचीत में ये कुछ नॉट नॉट टू माई जिक्र? नॉलेज बट आई विल आस्क चंद्रचूड़, नॉट टू माई नॉलेज, क्योंकि मेरे को बहुत, हमको नहीं पता बहुत सी बातें, हमें बहुत कम पता उनके बारे में। वो तो रोज़ बैठ करके घंटों घंटों बातें, पता जब भी उनसे लोग मिलने आया करते थे कलकत्ता से या जो लोकल लोग थे, वो घंटों घंटों बातें ये करते थे उनसे। इवन नेताजी को जब वो एक बार लेक्चर देने में आते तो बहुत लंबा लेक्चर दिया करते थे, तो वो काफ़ी डिटेल में उन्होंने ऐसा दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक है उन्होंने डिस्कस ना कर, खासकर बंगाल के बारे में ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने सारी बातें रगड़ी है। मतलब इवन जो आपके उनका जो घर था उसके अंदर कौन सा फोटो कमरे में क्या थी या नहीं थी, वो इवन वहाँ का जो दरबान था उसका भी हालचाल उन्होंने पूछा, तो ये डिस्कस किया होगा। वो बहुत ज़्यादा उसको क्लोज वॉच में रखे हुए थे और खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों से वो खुश नहीं थे, तो वो किया होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। तो मैं वो झूठ तो नहीं बोल सकता ना कि क्या, तो मेरी नॉलेज में नहीं है, होगा। आई विल आस्क चंद्रचूड़ अबाउट इट वेदर ही हैज़ कम अक्रॉस, बिकॉज बहुत सारे नोट्स जो हैं वो बंगला के अंदर है, वो उसने ही पढ़े हैं, मैंने नहीं पढ़े हैं, वो उसने पढ़ के मुझे पता है। तो उनके ज़्यादातर नोट्स जो थे शुरुआत के कुछ फेज़ के बाद में वो ज़्यादातर बंगाली में लिखे गए हैं, भगवान जी के जितने नोट्स हैं, सिर्फ इनिशियल फेज़ था जब वो अंग्रेजी यूज़ करते थे वो लोग, नहीं तो उसने उन्होंने बंगला में ही बातचीत करी, बंगला में ही लिखा। तो वो चंद्रचूड़ ने ही सारे नोट्स पढ़े हैं, मैंने नहीं पढ़े। तो मैं पता करूँगा बाद में कि ये वेदर इस मैसेकर के बारे में कुछ बात हुई है कि नहीं हुई है, तो देखेंगे। सर ये आप जो कन्ड्रम लिखी हुई है बुक, इस बुक में कोई काफी क्लेम्स हैं कि जो भगवान जी अपने शिष्यों को बात करते हैं वो बाद में सही साबित हुए हैं क्या? बुक लिखने के बाद छपने के बाद भी कोई ऐसा उनका क्लेम है जो साबित हुआ, जो बाद में साबित हुआ है बुक लिखने?
उन्होंने ये बात तो बोली थी कि हमारा चाइना और पाकिस्तान से इकट्ठे पंगा होगा जो अभी हो रहा एक साथ। है, चाइना पाकिस्तान इस्लामिक पंगा, ये तीनों मिला मिलू करके उनका जो उन्होंने सिचुएशन रीडिंग बताई थी उसके हिसाब से हमारे आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी अफगानिस्तान से इधर से लेकर के। बंगाल अच्छा वही यानी के कि अंदर, बंगाल में बहुत सी कम्युनल टेंशन होगी, ये बात उन्होंने बोली हुई है बंगाल के अंदर। सर बंगाल बंगाल में तो पहले भी हुई थी ना, 47 नहीं, पहले के ऐसे पहले भी कम्युनल हुई थी। टेंशन, इससे से कम्युनल टेंशन वो 46-47 में थी, वो वन साइडेड थी, लेकिन कम्युनल टेंशन अभी जो थोड़ी सी बिल्डअप होनी शुरू हुई है, बिकॉज वो कम्युनल टेंशन तब होती है जब दोनों साइड आपस में लड़ाई करें। एक ही दोनों एक दूसरे के फोर्टी खिलाफ हो। हाँ 46 में तो वन साइड थे कि एक कम्युनिटी मार रही दूसरी मार खा रही है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि भारत में दंगे कब हुए थे, स्टार्ट कब हुए दंगे, मुगलों के जाने के, मुगलों का राज जब खत्म होना शुरू हो गया तब दंगे स्टार्ट हुए। दंगे तो आप तब करोगे जब दोनों साइड लड़ने को तैयार हो जाएंगे। पहले तो एक साइड को हाँ दबा के रखा था, वो क्या लड़ाई करेगी? औरंगजेब के टाइम पे कोई दंगे थे ना हिंदू मुसलमान के, उसने तो मार मुर के साइड करना है। तो दंगों का जो हिस्ट्री है भारत में कि दंगे कब स्टार्ट हुए, दंगे आपके स्टार्ट हुए 1855-56 के बाद से, क्योंकि जब दोनों कम्युनिटी बराबर की स्टेज में आ गई तब उन्होंने मारपाट मतलब स्टार्ट किया। उससे पहले तो दंगा नहीं था ना, आपने अपोज किया तो मार के साइड पर कर दिया। मुझे याद आया कहानी, उसमें मुझे औरंगजेब के टाइम पे एक लोग उसके पास पे गए थे, जब उसने जजिया वजिया लगाया होगा तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले के सामने, उसने कुछ लोगों ने कॉन्टेस्ट किया और कुछ ब्राह्मण वगैरह थे कि आप ये जजिया वगैरह को हटाओ, तो वो जब प्रोटेस्ट में उस जमाने में गांधीन प्रोटेस्ट होगा वो जाके उनके सामने लेट गए थे मेकल से, वो हाथी में वो उसने हाथी चढ़ा दिया उनके ऊपर, उसमें क्या चलेगा? तो ये तो उस टाइम पे कोई वो दंगों का सीन नहीं था भैया, आप सिर उठाएंगे सिर काट के फेंक देंगे आपका। तो दंगा आपका जो कम्युनल टेंशन है वो तो बिल्डअप हुई है 1855-56 के बाद, जब दोनों साइड लड़ने भिड़ने को तैयार मतलब उस कंडीशन में आ गए थे, तो उन्होंने उस साइड सर टेंशन की बात करी है। तो ये हमको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो अभी हालात चल रहे हैं देश के उसका उन्होंने इंडिकेशन दिया। उन्होंने ये भी बोला था कि भारत जो है ऊपर जाएगा, और अगर आप मुझे पूछेंगे तो अगर जिस तरीके से देश में चेंजेस आ रहे हैं अभी, और जितना चेंजेस मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जो बाहर में रहते हैं उन्होंने नोएडा यूपी कब देखा है। अभी थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसी ने एडवर्टाइजमेंट बना करके यूपी का, उसमें उन्होंने बड़ा कलकत्ता का फेमस फ्लाईओवर की फोटो लगा दी थी इसमें करके, तो लोग देखिए उसे बोल रहे थे कि इन्होंने यहाँ का लगा दिया, लेकिन वो अच्छी बात है कलकत्ता में है, लेकिन नोएडा के अंदर बहुत ज़बरदस्त मतलब नोएडा में लखनऊ में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। नोएडा में जो आप जाके देखिए वहाँ की रोड्स बनाई गई हैं, उसका तो हमें पता है कि हम बचपन में नोएडा क्या चीज़ थी, और जिस दिन ये जेवर का एयरपोर्ट बन जाएगा वहाँ पे नोएडा के अंदर, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि भारत का नंबर वन स्टेट हो जाएगा यूपी। धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री पैरेलल वहाँ खड़ी कर रहे हैं ऑलरेडी, मीडिया का आपको शायद पता होगा आप लोगों के, मीडिया का हाँ हाँ सारा हब भारत में ये वो नोएडा तो में है, अभी वो चल यूपी रहा में है। है, ये सारे आपके चैनल जितने आते हैं सिवाय एनडीटीवी को छोड़ के सभी का स्टूडियो नोएडा के अंदर है। तो मीडिया का हब ऑलरेडी यूपी हो चुका है, आने वाले टाइम पे आपकी इंडस्ट्री सारी वहाँ आ रही है, फिर वो जेवर एयरपोर्ट जो दिल्ली के एयरपोर्ट से भी बहुत बड़ा होगा, इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे, और पहली भारत की इंटर सिटी रैपिड मास वो रैपिड ट्रेन जो है वो चल रही है, वो मेरठ और दिल्ली के बीच में चल रही है, पूरा नक्शा बदलने वाला है इस इलाके का भैया आने वाले 10 साल में। और ये जो हाईवे बनना, भगवंत जी ने हाईवे की बहुत बात की थी नमी बाबा ने कि हाईवे होने चाहिए, हमारे देश के अंदर नेटवर्क बहुत कम है सड़कों का, तो अब काम चल रहा है, तो कम से कम एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है वो इस गवर्नमेंट ने करी है, गडकरी ने बहुत अच्छी की है कि वो हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं हमारे देश में। अगर आप लोगों में से किसी ने नोएडा को देखा होगा आज से 15 साल पहले, तो आप जाके देखिए कि उसकी तो इतना ज़बरदस्त चेंज हो गया। और जो मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं कलकत्ता वगैरह में, कलकत्ता में जैसे आपका न्यू टाउन वगैरह में डेवलपमेंट हो रहा है, नोएडा भरा पड़ा है फ्लैट से, इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतनी स्पेस है वहाँ पे, वो जो शायद उतना स्पेस वहाँ भी नहीं होगा वो गुड़गांव के अंदर भी। तो मेरा मानना है कि आने वाले 5-10 साल में नोएडा यूपी के लेकर के यूपी का तगड़ा राइज होने वाला है। तो भारत का नक्शा हो सकता है हम सब आप हमारी जिंदगी में ही आने वाले 10-20 साल में, और ये जो कोरोना वायरस में जो हुआ है उसको लेकर के चाइना का नुकसान है, और इंडस्ट्री यहाँ मूव करनी चाहिए, जितने फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो चाइना में थी वो धीरे धीरे मूव करेंगी। तो अगर हम लोग उसको अपना उन्होंने कार्ड्स तो शुरुआत पे कर ही दी नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग चाहते नहीं, हमारे यहाँ अभी भी लेफ्टिस्ट बहुत मजबूत वो गाली गलौज करने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो उनको तो पसंद नहीं है, तो लोग चाह रहे है। हैं एक बार कि ना कोई इवन चाइना नहीं एयर चाहता। एयर देखो क्यों भारत में जो डिस्टरबेंस हो रही है उसको कराने में चाइना का
बहुत फ़ायदा है। अगर वो सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या वायलेंस हो रही हैं या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो फ़ौरन वाले यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लेके नहीं आएंगे। तो भारत के इंटरनल दुश्मनों और बाहर के दुश्मनों के ये फेवर में है कि वो यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करें। और हम लोग जो हमारा जो देश है वो चाइना के नुकसान से हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो छोटे छोटे कंट्री हैं जहाँ को जिनको बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है, जैसे आपका वियतनाम हो गया या और जगह हो गई, ताइवान हो गया। हाँ वो सब बहुत छोटे हैं ना, उनमें पोटेंशियल नहीं। हमारे यहाँ पे तो मैन पावर बहुत सस्ती है, क्योंकि इसेंशली ये लोग बाहर से क्यों, अमेरिकन एप्पल कंपनी क्यों अपने फ़ोन बनवाती है चाइना में, क्योंकि मैन पावर सस्ती है यहाँ पे, और डंडा मारे काम करवा लेंगे। अमेरिका में बड़ा महंगा पड़ेगा, मैन पावर वहाँ बड़ी महंगी है, ऊपर से फिर वो आप उनको डंडा मारेंगे तो वो कोर्ट में चले जाएंगे आपके खिलाफ में। वही हमारी खासियत है कि हमारे यहाँ मैन पावर बहुत सस्ती है, तो मैन पावर सस्ती है तो यहाँ से बनवाओ, उसमें हमारा फ़ायदा है। यही काम चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोल दी 1970s में, हम लोग पीछे रह गए। आज हालत देखो, वो कहाँ और हम कहाँ। तो अब ये है कि कोरोना के बाद से उनको कोई ट्रस्ट नहीं करता, और तो ये अगर यहाँ पे आ जाए, इसीलिए चाइना हमको पंगा ले रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बॉर्डर में तंग कर रहा है, इंटरनल वो करवा रहा है, और जो लोग चाइना के सपोर्ट में हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं भारत के बारे में, खासकर फॉरन के पेपर्स में लिख रहे हैं बार बार कि भारत जो है बड़ी बुरी हालत में है, कि यहाँ बड़ा कुछ हो रहा है, यहाँ बड़ा कुछ हो रहा है। वो तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे राजीव गांधी के टाइम पे ये हमारा दिल्ली जो था न्यूयॉर्क शहर था यहाँ पे। आपको लगता है कि दंगे बंगे पहले नहीं होते थे यहाँ पे देश के अंदर? बहुत यहाँ होते हैं। मारपीट पहले नहीं थी? हम तो दिल्ली में रहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। किसने बोला कि पहले दंगे नहीं थे यहाँ पे? पहले मीडिया नहीं था भैया, पहले सोशल मीडिया नहीं था। आजकल तो ये होता है कि कोई मारपीट करता है तो हर एक के पास फ़ोन है, वीडियो बनाया, डाल दिया। पहले क्या था किसी के पास? तो वो इसलिए अब आपकी, अब उसको लेकर के मैं अखबारों में लिखना शुरू कर दूं, अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, इधर उधर की साहब, ये तो बड़ी बुरी हालत है, ये तो भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक एजेंडा एक ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा हर एक एजेंडा है और वो रिपोर्ट किया जाना चाहिए, किसी का मरना ठीक नहीं है, लेकिन एजेंडा ये है कि भारत जो है सबसे बड़ा बेनिफिशरी है चाइना के डिक्लाइन का, तो इसलिए चाइना और चाइना के दोस्तों और भारत के दुश्मन जो हैं उनका ये उसमें एडवांटेज है कि वो भारत को बदनाम करें और हमारे यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंसेस कराएं, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आए यहाँ पे। उसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत घटना घट रही है उसको हम लोग इग्नोर करें, वो तो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी लखीमपुर में हुआ है कि वो गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर करके, तो अभी तो उसमें तो कानून अपना पूरा काम करे, किसी ने गलत काम किया तो छोड़ने का मतलब नहीं उसको। लेकिन वो एक ये गाड़ी भी तो सर डायमेंशन है, पत्थर गजे थे ना, उसके ऊपर शीशा टूट गया था, पहले ही पत्थरबाजी हो चुकी थी उसपे। हदीप बड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि पॉइंट ये कि हम लोग दोनों साइड अलग 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 कहानियां दे रहे हैं, है ना? तो उसमें बड़ा मुश्किल है हाँ बताना कि जब तक ये आपके पास पूरा डेटा ना हो ना, तो हम आप और मैं लोग क्या कर सकते हैं ना। हम लोग तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी, उसने ये बोला वो ठीक लग रहा है, उसने कहा ये ठीक बोल रहा है। अब जब तक फॉर एग्जाम्पल वो जो बात है कि जब तक आप पूरी रील नहीं देख लो कि वो गाड़ी चला के आ रहे थे, पीछे की रील क्या थी, आगे की रील क्या थी, सिर्फ बीच का एक टोटा दिखा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है बताना कि मतलब प्रॉब्लम क्या। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको पूरा देखना पड़ता है, बाकी ये बात तो बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में ध्यान रखेगा नहीं कि इन लोगों ने दिल्ली में जो हरकत की थी वो झंडा वाली, उसके बाद में इनका तो विश्वास नहीं। और ये बात भी इम्पोर्टेंट बिल्कुल है कि कनाडा में क्या माहौल चल रहा है, खालिस्तान के एलिमेंट कितने एक्टिव हैं, ये तो सभी को मालूम है, इसमें नई बात तो है नहीं कोई। यूके में एक्टिव है। लेकिन यूके से ज़्यादा कनाडा के अंदर है, अच्छा कनाडा वाले मरेंगे, कनाडा वाले ही मरेंगे इसमें, यूके वाले तो लपेटे में आ मैंने रहे हैं। उसका यूके नाम में किसी वीडियो में लंदन, देखा था, ये वहां पे भी अपने पूरे टी शर्ट वगैरह खालिस्तान लिखा हुआ होता है। लंदन बनेगा लंदनिस्तान, क्योंकि तो पाकिस्तानियों वो ने वहां बन पे गया है। बना हाँ दिया, अपने बन भी गया है, अपने बना लिए अड्डे, वहां पुलिस वाले नहीं जाते वहां पे, वो तो है बंद वो। करेंगे वहां जाकर के वो लोग। तो अब ये अगर कनाडा वाले चाहते हैं कि अपना देश बर्बाद करें और इन्हीं को ये इनको सब प्रमोट करें, तो उनका ठीक है भैया, जो जिस गड्ढा खोदेगा दूसरे के लिए वो गड्ढे में जाएगा। वो खड्डा गड्ढा जो है ना उनके ज्यादा नजदीक है, वो सबसे पहले उनको ही खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे वो, उनका पूरा खालिस्तानियों हाँ का उनकी इस्लामिस्ट के साथ आइडियोलॉजी में यही है, वो पूरा, क्लियर कट है उनका दिमाग। वो इस्लामिस्ट हैं, खालिस्तानी अलग चीज़ नहीं है, खालिस्तानी बेसिकली इसेंशली इस्लामिस्ट। ये तो कोई जिस आदमी को 2% की हिस्ट्री की नॉलेज हो, महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पाकिस्तान में लोग क्या बोलते, जाके पूछ लीजिए उनसे, लोगों से उनको कितनी खुशी होती है उनका नाम सुन करके, और उन्होंने कितना जहर उनके दिमाग में है उनके बारे में। तो सभी को मालूम है देश का इतिहास क्या है, तो कोई आपस में दोस्ती यारी इस्लामिस्ट की, खालिस्तान ये खालिस्तानी जो है इसेंशली जो है ये आपके इस्लामिस्ट के ही बता हुआ है, इसलिए वो कभी वो पाकिस्तान को ट्रेस नहीं करते, वो पीछे हाँ वो पड़े नहीं मोदी के, करेंगे। पीछे पड़े भारत के। हाँ वो कभी दे विल नेवर इज क्रिटिसाइज पाकिस्तान इस्लामिस्ट, क्योंकि ISI से तो वो तो सबको तो एजेंडा अभी को मालूम है।
तो अगर आप कनाडा में इस्लामिज्म को सपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप ही लोग लपेटे में होंगे बाद में, आप ही की वहाँ लोग फिर कल को जाएंगे उड़ा देंगे आप बम डाल के अपने आप को। ठीक है भाई, हमारा क्या कुछ। अच्छा सर एक बता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को कल बैठ के लोग गाली दें तुम बैठ के ये बोल रहे थे, मैं सर आप लोग की तरह से छोटे मोटे न्यूज़पेपर वगैरह मीडिया पढ़ता रहता हूँ, जितनी लिमिटेड नॉलेज है उससे मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टीज जो है वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस वगैरह वो सारे केस में है, लेकिन तो बाकी अड्डे में हम लोग जैसे जनरल बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा इंप्रेशन है, हो सकता है मेरा इंप्रेशन गलत हो, लेकिन जो मेरा पर्सनल इंप्रेशन कोई है तो वो आपको मैं बता रहा हूँ, विच इज़ लाइबल टू चेंज अज्यूमिंग मेरे पास में और डेटा था कि मैंने कोई इन डेप्थ स्टडी नहीं करी है उसकी। हाँ लेकिन मोटा मोटा जो मैंने खालिस्तान और इस्लामिस्ट के बारे में बात बोला उसकी मुझे अच्छी सफिशेंट मुझे आइडिया उसके बारे में, वो तो मैंने काफ़ी दुनिया देखी तो मुझे पता है कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है। सर एक आपने एक शायद बात कही थी कि अमेरिका में एक रिपोर्ट खुली थी, ओपन हुई थी, या CIA का रिपोर्ट था, उसमें ये था कि हो सकता है सुभाष बोस 1962 में नेहरू का तख्ता पलट कर दें, ये किसी CIA नहीं की वो रिपोर्ट फाइल ये में था। वो रिपोर्ट ये नहीं थी। ऐसा होता है कि किसी भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को अलग 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 किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है किसी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो लोग बताते हैं करके, तो ये उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, अब वो कितनी रिलायबल थी ये पता नहीं है, लेकिन उनको एक ऐसा आदमी एक ऐसा सोर्स जो बहुत पढ़ा लिखा था वो काफ़ी समझता था इंडिया के बारे में और जिसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे ख्याल से वो रिलायबल होगा, मैं रिपोर्ट को फिर से पढ़ूंगा उसको, उसने उनको 1964 में उनको ये खबर दी CIA को कि सुभाष बोस के बारे में जिस तरीके ये हो सकता है कि वो जीवित हों ना उधर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद की कोई और इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन तो हमको है, वो तो है रिपोर्ट अवेलेबल है हमको, हमने मिली थी, हम लोगों ने उसको अमेरिकन इन्फॉर्मेशन एक्ट से निकाला भी था उसको, उसकी कॉपी को पहले जब वो डीक्लासिफाई हुई थी 1984-85 में, तो वहाँ पे इंडियन अमेरिकन ने उसको निकाल करके उसको सर्कुलेट करवाया था, तो वो अवेलेबल थी, लेकिन रिसेंटली हमें 2-3 साल पहले मेरा दोस्त अभिषेक है अमेरिका में, उसने एक इन्फॉर्मेशन अपील फाइल करी, वो अमेरिकन है वो, तो CIA ने उसके घर में वो रिपोर्ट भेज दी उन्होंने करके, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है, कि इवन अमेरिकन सोचने वाली बात ये कि अगर अमेरिकन CIA को 1964 में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नेताजी जिंदा हो सकते हैं, अब चाहे वो इन्फॉर्मेशन ठीक हो या गलत हो अलग कहानी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भैया बिना धुएं के तो हाँ आग ऐसे नहीं लगती। इतना क्लियर तो कट मेरा नाम नहीं सवाल है मेरा मतलब। सवाल ये है कि जब उनको ये खबर मिल रही है तो हमारे IB वालों को खबर नहीं मिल रही होगी, उसके अलावा हमारे पास में और भी खबर आई है किसी और फॉरेन कंट्री की इंटेलिजेंस है, वहाँ भी वो जिंदा रहने की बातचीत कुछ कर रहे हैं, अब वो रिपोर्ट्स अपने आप में कन्फर्म नहीं है बिकॉज वो रिपोर्ट्स स्केची हैं थोड़ी सी। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर फॉरेन कंट्री के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी भारत के बारे में कि 60s में नेताजी कुड बी अलाइव, तो हाउ इज़ इट दैट IB वॉज नॉट गेटिंग सिमिलर इन्फॉर्मेशन, एंड इफ IB वॉज गेटिंग सिमिलर इन्फॉर्मेशन वेर आर दोज रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, जला दिए इन लोगों ने क्या, तो जला दिए तो जला जलाने देखा हमको रिकॉर्ड बताइए आप लोग, उसका भी रिकॉर्ड होता है, ऐसे रिकॉर्ड आप डॉक्यूमेंट नहीं जला सकते आप लोग, तो कहाँ है वो रिपोर्टें, तो वही बात घूम फिर के आ रही है कि भारत सरकार इंटेलिजेंस की फाइल्स पब्लिक नहीं कर रही है, तो उसका ये मतलब है उस रिपोर्ट के 64 की रिपोर्ट के बेस पे हम लोग ये दावा नहीं करते कि नेताजी जिंदा थे, लेकिन वो इट डज रेज लॉट ऑफ क्वेश्चन कि अगर अमेरिकन को इंटेलिजेंस को खबर मिल रही है कि सुभाष बोस कुड बी अलाइव, इंडियन इंटेलिजेंस वुड बी गेटिंग यू नो हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स अबाउट दैट मैटर, वेयर आर दोज पेपर्स, इतना बड़ा सर बवाल मच वो गया, इतना बड़ा बवाल मच गया यूपी में लखनऊ में, यूपी लखनऊ कोई जंगल थोड़ी ना है, वहाँ IB का ऑफिस है बहुत बड़ा सी लखनऊ के अंदर, इनको इनको पता नहीं है वहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया इतना बड़ा केस हो गया, वहाँ पे एक के बाद एक पॉलिटिशियंस आए वहाँ पे, जब ये फैज़ाबाद में घटना घटी है 85 में भगवंत जी की, वहाँ पे जो कांग्रेस के MP थे वो अभी भी थोड़े टाइम तक MP थे कांग्रेस के, उनको बोला गया, उसने बोला मैं दिल्ली में जा रहा हूँ राजीव गांधी से बात करने के लिए, वापस नहीं आया बात उसके बाद में, उसके बाद में हाई कोर्ट में केस लग गया, हाई कोर्ट ने छूटते ही उसका संज्ञान लिया, छूटते ही उसके फेवर में जजमेंट दिया, आपको लगता है कि ये बातें IB को नहीं मालूम, मैं कम से कम होगी सर। चार पांच लोगों से बातचीत कर चुका हूँ जो लोग यूपी में उस टाइम पे बहुत सीनियर पोजीशन में थे, एक डॉक्टर सॉरी SK दत्ता जी, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, SK दत्ता जी इज नो मोर, ही वॉज फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CBI, द डायरेक्टर,
नॉट वन ऑफ दीज, यू नो कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो एडिशनल डायरेक्टर या वो जॉइंट दट अंडर नरसिम्हा राव, जाके सीबीआई की वेबसाइट चेक कीजिए, उसमें नरसिम्हा राव के टाइम पे दत्ता सरकार वो है। मैं दत्ता जी को बहुत अच्छा जानता था, उन्होंने मेरे कहने पे उन्होंने आर्टिकल लिखे भगवंत जी के फेवर में, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारी पोस्टिंग लखनऊ में थी 84-85 में जब ये पूरी घटना घटी है, सबको मालूम था कि यह वो है। उसके अलावा मेरी बातचीत हुई एक वहाँ पे उस फॉर्मर डीजीपी ऑफ यूपी पुलिस, आपने ये बीपी सिंगल जी, ये आपके वीएचपी के जो थे अपने, उनके उनके छोटे भाई अशोक सिंगल के छोटे भाई, क्योंकि ये अशोक सिंगल के पिताजी भी बहुत बड़े गवर्नमेंट के अफसर थे। तो बीपी सिंगल वाज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट देन ही वाज फॉर्मर डीजीपी ऑफ यूपी पुलिस। उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि हाँ हमें बोला गया था नेताजी वहाँ पर हैं कुछ करके। तो पुलिस के टॉप लेवल तक लोगों को मालूम है कि नेताजी के जिंदा होने की अफवाह उड़ रही है। उसके अलावा और भी बहुत मेरे इनपुट्स हैं, अब तो ये अपने खुल करके उन्होंने डॉक्टर विक्रम सिंह जो भी सारे चैनल्स में आते हैं, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आपका रिपब्लिक हो, चाहे आपका सीएनएन आईबीएन हो, चाहे आपका टाइम्स ना हो, सारे चैनल में डॉक्टर विक्रम सिंह जी रोज दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश में हिंदी में। ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर, नोएडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जब मैं उनसे मिला था। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डीजीपी पुलिस था वो। अब उसने खुल करके बोला कि आदमी सुभाष बोस थे, उनके पिताजी को मालूम था, उनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनके उनके कॉन्टैक्ट में थे, तो सभी को मालूम है सारी बातें हो रही हैं। तो ये बातें आईबी वालों को नहीं मालूम, तो रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? रिकॉर्ड नहीं है, ऊपर से ये गवर्नमेंट वाले झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, ये बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में जाकर झूठ बोल रहे हैं ना कि हमारे पास में जितनी फाइलें नेताजी की हमने पब्लिक कर दी। अरे भैया आईबी की फाइलें कहाँ पर है? आईबी कहाँ गई? हम तो पहले दिन से बोल रहे थे ना, वो तो नेताजी की फैमिली ने पीछे हाथ खींच लिया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल पहले निकलेंगी, बाकी फाइलें बाद में। So that is how it is. सर वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में वो फोटो का क्या चक्कर है? वो चक्कर अभी बहुत लंबी छोटी कहानी, वो किसी और दिन बात करेंगे। आज इंटेलिजेंस की बात होगी ना, किसी और दिन बात करेंगे, वो लंबा थोड़ा चक्कर जाएगा। चलो हरदीप, मैं और को लूं तो वो लोग बाकी लोग भाग जाएंगे, तो सारे बर्थडे लेके करके मैं चाह रहा हूं कि सबको लेना। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। सकत हाय, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सकत, लोकेशन बताओ पहले आप। मैं एक्चुअली मैं रहता हूँ खड़गपुर में, एक्चुअली मेरा घर खड़गपुर में है, जहाँ पे हिजली डिटेंशन कैंप जो है। तो मेरा घर, मैं गया था लेक्चर, तो मैंने डिटेंशन कैंप भी देखा था। अच्छा, उस डिटेंशन कैंप का आपने म्यूजियम देखा है? नेहरू म्यूजियम के बारे में बोल रहे हो आप? नेहरू म्यूजियम की बात अलग है, वो डिटेंशन कैंप के अंदर रखा गया था रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने गोली मारी थी लोगों को, ठीक है। मेरा दोस्त तो शांतन दास गुप्ता जो है, जो विश्व नेता जी का, शांतन के दादाजी को भी हिजली में रखा गया था, उनके दादाजी का नाम वहाँ पे है, फोनी भूषण फनी उनका नाम है, फनी दास गुप्ता, तो शांतन के दादा को भी वहाँ रखा गया था। तो वो सारे जो अंडमान, वो बाद में उनको काला पानी भेज दिया था, मतलब उसके बीच की बात, तो वहाँ जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको रखा गया था हिजली डिटेंशन कैंप के अंदर। उसका म्यूजियम देखने गया मैं, मैंने उसका वीडियो बना के डाला था। वो घुसते आके चाचा नेहरू की फोटो लगा रखी है उन्होंने, बहुत बड़ी फोटो, और माउंट बैटन की लगा रखी साथ में, माउंट बैटन की, एडविन माउंट बैटन की। क्या म्यूजियम है, क्या दिमाग है बताओ, सीरियसली। आगे है, आगे जाकर के महात्मा गांधी की मूर्ति लगा रखी है उसमें। अरे गांधी जी वाज अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, लगा रहे, मतलब हिजली डिटेंशन कैंप का म्यूजियम बनाया, और म्यूजियम में तुम लगा रहे, मतलब बना के पंडित नेहरू की और अपने गांधी जी की और एडविन माउंट बैटन की लगाओगे? मतलब इनका सब जगह पे गांधी जी कमन है। आप कुछ दिन पहले जो हमारे पास, हम लोग मजबूर हैं सैकत, हम लोग ताकत नहीं है ना, अगर ताकत होती तो चप्पल निकाल करके वहां मार के ना उनका कान पकड़ के उनको सीधा कर। करेक्ट, INA म्यूजियम आप गए, वहां पे भी हर जगह पे दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे की नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी कनेक्शन, सब जगह पे जो भी एम्बेसी हो, लेट्स आयरलैंड में, यूके में, कभी कोई फंक्शन होगा, एम्बेसडर जाएगा वहां पे, तो गांधी का मूर्ति, गांधी का खाकी। अभी कल लगाया, कल उन्होंने मिसिसिपी में लगाया, अमेरिका में, अभी खबर आई है उसकी। सीरियसली, आई मीन क्या बताएं, औरों से अब प्रॉब्लम है, तुम मेरी दुखती रख पे हाथ रख रहे हो। औरों से क्या बोले, जब तुम्हारा कलकत्ता के एयरपोर्ट में उन्होंने लगा दी और कोई कंप्लेंट नहीं करा, तो हम क्या पता है क्या करें हम लोग। हम लोग तो बैठ के अड्डा ही मार सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे यहां।
किसी को समझ में नहीं आ रहा करके नेताजी के नाम का एक ही एयरपोर्ट आया देश में, उसी में तो महात्मा गांधी की गैलरी तुम लोगों ने लगा दी, क्यों सुभाष बोस की गैलरी में? वो बोले थे बॉक्सिंग, मैंने ऑफर किया कि हमें फ्री में दूंगा आपको, कोई आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो लाखों आपसे पैसे झाड़ेंगे वो लोग गैलरी के लिए, हम आपको फ्री में डेटा देते हैं, बनाइए वहां पे गैलरी। सीरियसली क्या करें, मतलब माइंडसेट पता नहीं कब चेंज होगा, माइंडसेट चेंज तो मुश्किल ही होगा, दो तीन जनरेशन से उनके केस में तो कैसे चेंज हो जाएगा एकदम। तो हम लोग तो बंगाल कलकत्ता में ही नहीं चेंज कर पा रहे, हम लोग दिल्ली में चेंज क्या करेंगे? यहाँ दिल्ली में उन्होंने पूरा एयरपोर्ट बर्बाद कर दिया, एयरपोर्ट के सामने उन्होंने चरखा लगा दिया इतना बड़ा, आपको पता था आपको दिल्ली के एयरपोर्ट में क्या हाल किया उन्होंने? इतना भद्दा लगता देखने में वो, तो वो जगह लगाने की उसको कोई एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 के सामने आप जाएंगे इतना बड़ा लकड़ी का चरखा, पता नहीं कितना पैसा फूका हुआ, बड़ा बुरा लगता है, स्पेस घेर रखता वहाँ पे, फिर उसको लगाने का मतलब नहीं, उसकी सैंक्टिटी कुछ नहीं, अंदर तुम शराब बेच रहे हो जाकर के। अगर गांधी जी का मैसेज ही कन्वे करना है तो अच्छी बात है ऊपर से, लेकिन तुम अंदर जाओ तो शराब मिलती है अंदर जाके वहाँ पे, मतलब वो तो गांधी जी के लिए भी खिलाफ है ना। लेकिन आपके ये, लेकिन गांधी बातें बड़े चालू हैं, तो उनको सब सही है, उनको अपना मार टिकाना है चाहे कहीं भी टिका दे। तो ये तो मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये चरखा वरखा आपके यहाँ भी लगा देंगे आपके, लगता है कलकत्ता एयरपोर्ट के सामने भी। हाँ हो सकता, इनकी हिम्मत है, बढ़ रही है ना, इनका हिम्मत बढ़ गई। देखो पहले उसने, उन्होंने पहले वो गैलरी गैलरी बनाने का, उन्होंने और मेगा से वहाँ पे उन्होंने कुछ वो 3D और लगाया उन्होंने वहाँ पे, वो प्राइवेट सेक्टर से आया, वो मेगा से आपके बिड़ला बिड़ला के साइड से किसी की तरफ से मेगा से अलग से आया वो। अब उन्होंने वो एक नया प्रोटोकॉल स्टार्ट किया कि कोई भी आदमी वहाँ पर आएगा डिग्निटरी तो उसको गांधी की फोटो के सामने खड़ा करके उसकी गले में मार डाल लेंगे और गांधी पे गार्लैंडिंग करेंगे। कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि नेताजी के एयरपोर्ट पर नेताजी की लगन चाहिए गार्लैंडिंग करनी चाहिए, नहीं वो तो गांधी करेंगे। अब उनकी हिम्मत बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। अब ये क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि इस गैलरी को आप अभी अभी तो ये है आपकी अराइवल लॉन्च में है जहाँ आपका बेल्ट एरिया वहाँ पे बना रखा है, ये इसको हर हालत में इसका एक्सटेंशन करके इसको डिपार्चर में लेके जाएंगे, इंटरनेशनल डिपार्चर में। इट्स ए वेरी स्टैंडर्ड फुट इन डोर पॉलिसी कि मैंने आपके कमरे में घुसना है तो मैं पहले अपना पैर घुसाऊंगा आपका। करेक्ट, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कल को उन्होंने अगर गांधी उसमें अगर डिपार्चर एरिया में बना दिया और नेताजी के परिवार को बोला कि आप आके आके इसको अनवेल करो, वो गांधी की मूर्ति अनवेल करने आ जाएंगे। वो इतने भूखे हैं पब्लिसिटी के लिए कि वो खुद आ जाएंगे वहां पे अनवेल, ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं ये। तुम लोग नेताजी की फैमिली हो, तुम गांधी की फैमिली हो, वही तो आप पहले भी बोल चुके हो कि मतलब तीन चार ये छोड़ के मोस्ट ऑफ देम they are either attached to Congress in some other way, मतलब most of them actually. But you can be attached to anybody. I am not in that's not concerned. You may be attached, I may be attached to left front, right front, whatever. But on this issue, I am also attached. I live in Delhi. जो लोग मुझे बोलते हैं आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया वो क्या, भैया वोट देता हूँ यार, स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, मुझे वोट देना मेरा राइट है और मेरे को देना चाहिए। तो आई हैव एन ओपिनियन, आई विल प्रेज माय प्राइम मिनिस्टर व्हेन आई थिंक ही हैज डन समथिंग गुड, आई विल नॉट प्रेज हिम व्हेन ही हैज नॉट डन समथिंग गुड, बट कंसर्निंग नेताजी वी हैव नो, वी हैव स्ट्रेट, जो उसमें हमारे फेवर में बात बोलेगा उसकी तारीफ करेंगे, जो फेवर में नहीं बोलेगा उसको हम उसको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो कम से कम वहाँ आपको पॉलिटिक्स नहीं दिखानी चाहिए, मतलब उसमें वहाँ पे आपको, बट देन अब पब्लिक समझने को तैयार नहीं तो हम लोग क्या करें बताइए, जो सेकंड है वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सजेशन टाइप है क्वेश्चन। मैं जो पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई एम मूविंग टू आयरलैंड नेक्स्ट मंथ, और मैं आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत केयरफुली पढ़ा हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ सिमिलरिटी, आई कुड सी सम सिमिलरिटीज बिटवीन द फ्रीडम स्ट्रगल हियर, स्पेशली जो रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है बंगाल से स्टार्ट हुआ है, एंड वी ऑल्सो हैड फ्यू कनेक्शंस विथ आयरिश एक्चुअली, सॉन फिन वगैरह जो है, एंड वहाँ पे भी कोई बंदा था जो जैसे वी स्टार्टेड INA, Subhas Bose started INA, Rasbiya. Actually, there's a declassified file in the British archives about Irish revolutionaries linked to Subhas Chandra Bose, something like that. वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरा आपसे request ये रहेगा, जब आप Ireland में जाओगे तो वहाँ जाकर के उनके आर्काइव में जाके जरा सर्च करना, जब आपको टाइम लगेगा कि हमारे रेलिवेंट वहाँ मटेरियल है कि नहीं है, उनके बहुत अच्छे आर्काइव हैं।
वहां पे सब ओपन होता है। मैं अमेरिका में गया था, अमेरिका में इनफैक्ट अभी तो उनके जो नेशनल आर्काइव है वहाँ पे, तो वहाँ पे CIA का एक रूम उन्होंने उनको दे रखा, उन्होंने CIA को, अमेरिकन इंटेलिजेंस को। सो एनी बॉडी कैन एक्सेस देयर। सो मेरे पास तो आई कार्ड नहीं था, बट मैंने उनको अपना वो मेरा कार्ड बनाया था, उन्होंने मेरे पास कहीं पड़ा होगा वहाँ पे, पासपोर्ट पर बनाया मेरा, मेरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर। देन आई गो एंड दे गिव यू अ टाइम, सो आई सैट ऑन दैट कंप्यूटर विच इज एंड साफ लिखा हुआ है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अमेरिकन CIA। उसमें से मैंने रिकॉर्ड चेक किए, निकाले, प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर बाहर आके वो चेक करते हैं, उन्होंने सारा मुझे चेक किया दे दिया। तो मतलब इट्स अ सच अ वंडरफुल थिंग कि एक फॉरनर जो एक टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पर गया है, मतलब मोरलेस वो आर्काइव में जाकर के एक स्पेशल रूम है जिसमें अमेरिकन CIA के रिकॉर्ड्स पड़े हैं डीक्लासीफाइड, वो मुझे ना केवल उन्होंने मेरे को देखने दिए, मुझे फोटो कॉपी लेने दी उठा करके। हमारे यहाँ पे मैं अगर IB के ऑफिस के पास चल जाऊँगा तो मेरे पीछे वो जासूसी करवा देंगे, शॉर्ट करा देंगे। उसमें ये सवाल यही पैदा होता है ना कि अगर छोटी छोटी बातों पर जासूसियां कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सुभाष बोस के बारे में उन्होंने जासूसी नहीं की होगी? IB ने सब कुछ देवो अपने आपका ऑडियो वीडियो बंद मत करो, अगर जो वीडियो बंद करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, बिकॉज हाँ ये लाइव जा रहा है तो अच्छा लगता नहीं कि आप में से एक बीच में उड़ जाए, एक सेकंड के लिए ठीक है, अगर आपने पानी वानी पीना तो बीच में बंद कर लो, नहीं तो हटा मत, तो मैं फिर हटा दूंगा आपको अगर आपने। हाँ, वही मेरा वो मैं पानी ही पी लिया। हाँ फिर ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आप फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा कि मुझे भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो मैं और वीडियो बंद कर दूंगा, लेकिन अच्छा लगता नहीं है, तो बीच में अगर आप लोग हो ना तो कृपया करना आप थोड़ी देर ऑन रखो, नहीं तो फिर हाँ जी एडजस्ट करने में कोई टेंशन नहीं। यस शकत। हाँ तो मैं जो बोल रहा था कि जैसे वहाँ पे भी जो आईरिस फ्रीडम स्ट्रगल IRA वो लोग स्टार्ट किए थे, और वहाँ पे कुछ लोग थे जैसे INA से हम लोग फंड रेज कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया सब जगह पे, वहाँ पे भी कोई बंदा था वो US जाके उस जमाने पे अराउंड 5.5 मिलियन रेज किया था फंड करने के लिए, उसके बाद तो उन लोगों का खुद का अंदर ही ये स्टार्ट हो गया, मतलब आफ्टर गेटिंग द ट्रीटी डन विद ब्रिटिश नॉर्दर्न आयरलैंड और यू नो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वहाँ पे उन लोगों का जो प्रो ट्रीटी थे जो एंटी ट्रीटी थे वो खुद का ही जो गृह युद्ध हम लोग बोलते हैं वो स्टार्ट हो गया। तो मुझे ये क्वेश्चन मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर लेट से कि हम लोग जिस रूट INA हम लेट्स से अराउंड अभी 60-70% भी अगर सक्सेसफुल हो जाता प्लान नेताजी का, और उस टाइम पे भी अराउंड 47-48 का अंदर ऐसे आता कि गिवस फ्रीडम और डोमिनियन स्टेटस व्हाटएवर इट इज दे आर विलिंग टू गो बैक, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो सकता था गृह युद्ध ऐसे हम लोग देखे कि 1947 के बाद जो पार्टीशन हुआ वो बहुत बड़ा ब्लड सेट हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे भी देखने को मिला। बट अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे दो जो मतलब दल थे यहाँ पे, एक थे चरमपंथी और एक नरमपंथी, तो कुछ हो सकता था यहाँ पे भी ऐसे कुछ, या व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली मैं हाइपोथेटिकल में जाता नहीं, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अच्छा। उसमें क्या कर सकते हैं, जो जो वो इस एक्सरसाइज फ्यूटिलिटी है उसमें क्या करें, जब जो जो चीज नहीं घटी वो नहीं घटी, आप जो है उसी पे लेके चलेंगे, जो हुआ ऑब्वियसली आप जो कह रहे हो ठीक है अगर वो होता, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस पूरी दुनिया की दिखनी, सेकंड वर्ल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट था, ये था वो था करके, लेकिन मोटा मोटा ये कि जो चीज़ नहीं हुई वो नहीं हुई, अब वो क्यों उसमें फिर आप उस पर स्टडी करना तो मतलब अलग कहानी है। तो मैं जो हुआ उसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसी कि वो सर्कमस्टेंसेस तो ज़्यादा हाइपोथेटिकल का इतना दिमाग मेरे में नहीं है कि हाइपोथेटिकल में क्या जाऊँ, क्यों हुआ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा सवाल पे, वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी चलता है ना।
कि काश ऐसा हो जाता हो। अब उसका सोचने का मतलब क्या उसका, काश हमारे को ये इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता आज से 20 साल पहले, हाँ। नहीं था ना, क्या करूँ अब जब 2001 में या उसके आगे में जब मेरे को जरूरत थी सस्ते टेलीफोन की, मोबाइल फोन बहुत महंगा था, एसटीडी महंगे थे करके तब उस टाइम, आजकल तो फोन वर्चुअली फ्री है हमारा, उस टाइम पे कनेक्शन अवेलेबल नहीं था, तो क्योंकि ज्यादा लोग मेरे को बाहर थे तो मैं इतनी लंबी बात करता था नहीं फोन पे उनसे। अब उस जमाने में हमको अगर फोन मिल जाता, ये नेट कनेक्शन मिल जाते तो पूरा माहौल बहुत, अब मुझे लगता कि हमारी भी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाती, कि इतना लाइफ इतने साल जो रिसर्च करने 20 साल लग गए उसको 2 साल में कर देते। लेकिन जो चीज़ नहीं वो नहीं हुई। अब नहीं था इंटरनेट उस जमाने में, क्या करें, उस जमाने में फ़ोन सस्ते नहीं थे, क्या करें, कनेक्शन नहीं था कोई, क्या करें, तो जो नहीं हुआ नहीं हुआ, अब जो है उसी पे चलते हैं। दैट इज़ माय व्यू, जो चीज़ नहीं हुई वो नहीं हुई, क्या कर सकते हैं इसको सोच के क्या दिमाग लगाना। हाँ, ये कि जो हुआ है उसी को इंटरप्रेट करिए, उसी को स्टडी कीजिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में मैं कर सकता हूँ कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोपेगेंडा है स्टैंडर्ड, और ये आपके नेहरू है ट्विटर, अभी मुझे मिला था ट्विटर में, वो भी जो स्टैंडर्ड नेहरू के सपोर्टर पंडित जी के, गांधी जी के, वो हमारे को देख के मारते हैं हर जगह कि अगर नेताजी अगर जीत जाते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापान वाले आके हमको रगड़ देते, इट वुड हैव बीन फॉर वर्स देन यू नो द ब्रिटिश एंड ऑल दैट। पहली बात, ये टेक्निकली एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है, और ये जो जमाने के चमचे हैं अंग्रेजों के, उनको प्रमोट अभी भी कर रहे हैं, इससे इनकी आपको इनकी औकात मालूम चल जाएगी कि इसेंशली दे आर टुडे, इवन टुडे दे आर प्रमोटिंग द प्रोपेगेंडा व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। करेक्ट, और ये बिल्कुल अव्वल नंबर के दोगलेबाज लोग हैं। आज इंग्लैंड वाले अगर आपको कोरोना का सर्टिफिकेट आपका नहीं मानते हैं तो आप उनको गाली दे रहे हैं ट्विटर में कि ये लोग बड़े रेशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये वाइट मैन उस तरह का करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों को जब उन्होंने रगड़ा है तो वो क्या चीज़ थी, वहाँ पे रेशल एलिमेंट नहीं था क्या? आपको लगता है कि जो बातें जापान के बारे में बोल रहे हैं वो सच थी क्या? तो जापान का कोई इंडिया को ओवरटेक करने का प्लान कभी नहीं था। दूसरा ये कि चलो मान लिया जाए कि अगर वो ओवरटेक, ये हमने किताब में मेंशन किया कि अगर वो आते यहाँ पे ओवरटेक करते तो सुभाष बोस ने बात बोली थी कि हम फिर उनसे लड़ेंगे, कम से कम आपके पास लड़ने का स्कोप तो था ना, आपके हाथ खुले थे। लेकिन जो गांधी जी के दिखाया रास्ते पे, ये जो बातें चलने की बात कर रहे हैं, जो मोदी कर रहा है, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और ये कांग्रेस ही तो पहले से करते आए हैं, अगर गांधी के दिखाया रास्ते पे हम लोग चलते और उन्हीं के सपनों का देश हम बना देते तो आपका देश खत्म हो जाता 1948 के अंदर ही, पाकिस्तान टेक ओवर कर जाता अगर पूरी कंट्री को, आप हम लोग सारे बैठ के बैठे होते इस्लामाबाद के अंदर। करेक्ट, क्योंकि ये तो फौज को डिसबैंड करने के चक्कर में थे कि फौज ही खत्म कर दो, इनको मिल जाएगा नोबेल प्राइज, वो भाग जाएंगे अमेरिका यूरोप में, हम लोग मरेंगे पाकिस्तान के अंदर जाकर के फिर। तुम ये बताओ सुभाष बोस में उंगली उठाने वाले कि तुम्हारे अगर रास्ते पे चले हैं गांधी के रास्ते पे तो तुम्हारा देश बचेगा क्या एक सेकंड के लिए? हम तो कम से कम जापान से लड़ लेंगे अगर ऐसी नौबत आती है तो, हाथों खुले हमारे। ऐसे थोड़ा जापान टेक ओवर कर लेगा, अंग्रेजों को भी टेक ओवर करने में 100 साल लगे थे भैया, इतना आसान, और उनका इरादा नहीं था, ये बात अंग्रेज खुद मान रहे हैं कि जैपनीज नेवर हैड एनी प्लान टू ओवरटेक इंडिया। फिर बोलते नहीं, नहीं वो तो चाइना को मार रहे थे। अब तुम्हें बड़ी टेंशन है चाइना के बारे में, उनको मार रहे थे, हमें तो ना मार रहे थे, उनका हमारा आंकड़ा अलग है, उनकी कहानी अलग है, हम तो वैसे ही मार खा रहे थे, तो वैसे ही मार खा रहे थे ना, तो हमें क्या मतलब। तो ये बैठ के ये बातें इसलिए बोलते हैं, उनका एडवांटेज ये है कि ये बातें यूरोप अमेरिका में चल जाती है, इनका सबसे बड़ा डिफेंस यही है इन लोगों के पास में कि इनकी बातें यूरोप अमेरिका में एक्सेप्टेबल है, क्योंकि गांधी ब्रांड अमेरिका यूरोप में चलता है, क्योंकि एसेंशियली गांधी जी वाज नॉट अपोज्ड टू देम, वो वहाँ चलता है, तो ठीक है। अब ये उसी का फायदा उठा रहे हैं कि सारी आपकी हमारी अपर क्लास है उसको यूरोप में अमेरिका में फिट होना, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा एक बड़ा चेंज आ रहा है। वो चेंज ये आया था कि पहले हमारी जो फौज होती थी देश के अंदर उसमें सारे अपर मिडिल क्लास के लड़के लोग जाया करते थे दिल्ली के, बॉम्बे के, कलकत्ता के, और उनको ऑलरेडी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा वेस्टर्नाइज था करके। अब पिछले बस 20 सालों से हो रहा है कि फौज में लोगों ने बड़े शहरों में जाना छोड़ दिया। कारगिल में जब बॉडीज घर में आई हैं तो लोगों ने कहा भैया हम तो मल्टीनेशनल में नौकरी करेंगे, मरना थोड़ा ना कोई, लोग ये बोलते हैं कुछ लोग। तो देश में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है फौज में जाने की वो काफ़ी कम हो, मतलब फौज में अफसर जो है वो नहीं, बहुत कम जा रहे हैं। अब वो जो आ भी रहे हैं वो शहरों से नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं छोटे छोटे मेरठ से आ गए या आसनसोल से आ गए, उस जगह से आ गए, लेकिन दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास के लड़के ज़्यादातर पसंद करते हैं कि मल्टीनेशनल में नौकरी करें, ठीक है।
इसीलिए वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा इंडियनाइज हो रही है, क्योंकि वो ज्यादा एंग्लिकाइज नहीं है वो लोग। एक बहुत बड़ा चेंज जो मैंने खुद अपने आप देखा है, क्योंकि मैंने अमेरिका बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ गई है मोटा मोटा, उसमें बहुत से लोग मेजोरिटी में वो जा रहे हैं जो अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे, और वो बहुत बड़ी करेक्ट फैमिली के लोग नहीं है। या तो वो लोग हैं जो जिनका बाप यहाँ 30 मार खाए, कि मेरा बाप फॉरेन सेक्रेटरी है, मैं अमेरिका में सेटल हो गया, ठीक है, तो वो तो उसको तो सारी एडवांटेजेस होंगी। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं आईआईटी वाले खासकर, जो अच्छा पढ़ करके अपनी अपनी मेरिट के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर वो वहाँ जा करके अच्छी अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं बड़ी कंपनीज में। ये लोग जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और वो लोग आपके और मेरे जो वर्ल्ड व्यू को शेयर करते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि मुझे खुली छूट यही बातें वो बोलते हैं। मेरे दोस्त जिनके पास में अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम कोई अपना देश, अपनी एंसेस्टर को डिसोन कर देंगे, हम अमेरिकन बने हैं, बट मैं अपनी हिस्ट्री को डिसोन नहीं करूंगा अपना। मैंने जैसे उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा अपना, और उनको कोई कह भी नहीं रहा कि आप अमेरिकन सिटीजन लोगे तो आप हिंदू धर्म छोड़ दोगे, हाँ तो बॉबी जिंदल जैसे लोग बहुत कम है। बाकी लोग तो फिर हमसे ज़्यादा वो लोग, मतलब वो अपने कल्चर में, अपने कंट्री से ज़्यादा उनकी उनकी ज़्यादा उनकी 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 ज़्यादा वो है। तो करेक्ट जैसे जैसे इन लोगों का दबदबा वहाँ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हमारा नैरेटिव वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, तो चेंज आएगा, चेंज आएगा। लेकिन जो छोटे से छोटा सा क्लास है, जो बहुत अल्ट्रा रिच है, जिनके बाप दादाओं ने उनको अंग्रेजों के पैर चाटे थे, जो जिन्होंने बच्चों को सेट कर दिया वहाँ पे, वो लोग थोड़े अभी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी है, या बड़ा नंबर इंडियंस का है जो वहाँ गए हैं, वो हाँ नीचे से निकल के आए, नीचे यूजुअली से वो अभी बढ़ रहा है। मेहनत से, जब अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे, वो लोग सारे के हाँ सारे इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के बारे में बहुत सेंसिटिव है, करेक्ट, वो हमको सपोर्ट कर, तो हम चेंज लेकर आएंगे। चेंज आए ना, मैं गया हूँ ना लेक्चर में सुभाष बोस के बारे में अमेरिका में, किसने, यू थिंक इट इज पॉसिबल कि MIT बॉस्टन में लेक्चर दूंगा सुभाष बोस की डेथ पे, ठीक है, कहने को 20 लोग आए, लेकिन आप समझ लीजिए कि वहाँ 20 लोग ही आते हैं, चाहे मैं जाऊँ, अरविंद केजरीवाल जाए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो मेरे लेक्चर्स हुए हैं वहाँ पे 20-25 लोग आते हैं, बट बिलीव मी इवन बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं, उनके 20-25 लोग भी नहीं आते। एक जगह मैं गया था कंटैकी में, लुईविल में, मेरा जहाँ प्रोग्राम हुआ था वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का प्रोग्राम हुआ था, हम दोनों को अच्छा बराबर लोग मिले, सिर्फ मोदी जी हैं जो वहाँ पे 5-5 हज़ार लोग खींच लेते हैं, बाकी कोई भी बड़ा आदमी वहाँ जाएगा उसको 25 लोग मिलने, क्योंकि तो लोग बहुत दूर दूर से गाड़ी चला के आते हैं, हाँ। वो है, वो मुझे नहीं मिले थे, मतलब स्वामी जी को तो उनके खा कि वो स्वामी जी खुद बहुत बड़े हैं इसलिए मिले, मेरे को तो हाँ मेरे इशू के बारे में मिले, लोगों को मुझ में इंटरेस्ट नहीं, मेरे इशू में इंटरेस्ट है। तो चेंज आ रहा है, चेंज आएगा, चेंज आ रहा है, करेक्ट, चेंज आएगा, हम लोग चेंज करेंगे। द ओनली थिंग कि टाइम इज पासिंग बाय, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसको ढंग से यूज कर सकें। करेक्ट। अच्छा, मैं अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन और कुछ सजेशन है मैं देना चाहता हूँ। जैसे अभी मिशन नेताजी का खुद का वेबसाइट था, बहुत पहले ही वेबसाइट था, ठीक है, और अभी मैं देखा हूँ कि मैं सर्च करके देखा हूँ बहुत बार, कल भी देखा हूँ कि नहीं यार, वो अभी पॉसिबल नहीं, वो उसको बन उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, वो हमारे पास पैसा पूसा टाइम नहीं है, और इनसे बहुत अच्छा, अच्छा। मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, देखिए कि जो मिशन नेताजी या जो भी हम फॉलोअर हैं, सबका कोर कॉम्पिटेंसी होता है, ठीक है, कोई बंदा आईटी पे है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, आपका प्रोफाइल में भी बहुत है जो यूएस पे सेटल्ड है, डॉक्टर है वो, जो लॉयर है, तो अगर मतलब कोई, देखिए सब तो जैसे आप भी बात किए थे, जैसे अभिषेक बोस के साथ अब जब गए थे वाकन ने, जो वीडियो आपने डाले थे ना कि अगर मूवमेंट स्टार्ट करना है बंगाल से ही स्टार्ट करना है, हाँ हम लोग फॉरेन से सब जगह से कलेक्ट कर सकते हैं डोनेशन, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, कोर्ट जाना, फाइल करना, बट जो मूवमेंट है वो बंगाल से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपको सपोर्ट आप देखते हो, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तो मतलब सोशल मीडिया का दौर है, अभी डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है वो बहुत थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, तो ऐसा जो टीम है मिशन नेताजी का या हम लोग का जो टीम है, कोई थोड़ा जो कंटेंट क्रिएटर हो, सब खुद का वर्क शेड्यूल ये करके थोड़ा थोड़ा टाइम देके, ठीक है, जैसे वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, जैसे मेरा खुद का वेबसाइट है, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, मैं 9 to 5 जॉब भी करता हूँ, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क टू मेंटेन, और इट्स वेरी इवन नॉट इवन कॉस्टली अफेयर टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है, मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ, तो जैसे आपका भी कोई वेबसाइट हो सकता है, anuj.com अभी अवेलेबल है, मैं कल ही सर्च किया था डोमेन, तो मैं ये बता सकता, मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे
मतलब डिजिटल प्रेजेंस पे अगर कुछ काम किया जाए और इशू को नया ब्लॉग पोस्ट या यू नो थ्रू अदर सोशल मीडिया चैनल जो होता है यूट्यूब चैनल जो कंटेंट है तो ज्यादा स्प्रेड करने के लिए बहुत लोग है जो डिजिटल सर वो पॉसिबल अभी तो नहीं, अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल पोटेंशियल जो बहुत अच्छा अपने इसका इसका है मतलब यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियोस का है जिसमें हम अब डायरेक्ट लोगों से बातचीत कर सकते हैं कनेक्शन कर सकते हैं करके। इसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं पैसे के लिए बोलते हैं पे बॉल में या और चीज़ों में करके जो मुझे समझ में नहीं आता। मैं देखूंगा बाद में अगर ऐसा कि मैं लोगों से बोलूंगा कि आप डोनेशन आप ऑनलाइन दीजिए यहाँ से करके, क्योंकि मेरी खुद की प्रॉब्लम है कि मोबिलिटी नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं आता नहीं और जाने के लिए वो है कि एक बार हम लोग क्योंकि पहला पर्पज़ तो ये है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यस यूर करेक्ट कि हमें कलकत्ता में कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा कि वहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सपोर्टर्स मिलता है कि वहीं पर ही, लेकिन वहाँ आना जाने का मतलब मैं कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, वहाँ आने जाने का मतलब ही ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार तो टिकट लग जाएगा आने जाने, उसके फिर रहना है खाना करके, तो एक ही थोड़ा पैसा खुला होना चाहिए और वो कि डायरेक्टली अगर पैसा मेरे पास में होगा तो अपने सबसे जाऊँगा फिर मैं, क्योंकि ना कि वो ट्रस्ट वर्स्ट बनाते हैं करके उसमें सारा हिसाब किताब करना ये करना वो करना वो चलता नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग आई शुड बी एबल टू मूव अराउंड, आई शुड बी एबल टू मूव अराउंड थी पहले ये उम्मीद थी कि लोग बुलाएंगे लेक्चर्स के लिए बुलाएंगे और चीज़ें बुलाएंगे तो हम लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं। यार मेरा एसी बंद हो गया, मेरी जान निकल गई गर्मी में तो है कि वो क्या नाम है तो उसमें ये है कि पर वो हो नहीं पा रहा, लोग बुलाते नहीं लेक्चर के लिए तो कैसे जा, मतलब कोशिश मैं कर लेता हूँ। तो वो ये कि हो सकता है शायद हम लोग पैसे डायरेक्टली लोगों से लें कि आप हमारे को दो, दैट इज अ थिंग बिटवीन यू, मैं पब्लिक से मांग रहा हूँ कि मुझे पैसे दिया जाए और वो पैसा मैं अपन लूँ और उसके बाद में फिर उस कम से कम मैं खुला होकर के फिर मैं अपना काम कर सकूँ जाऊँ निकलूँ। अच्छा। जब तक मैं लोगों से नहीं मिलूंगा ना यहाँ वहाँ पर तब तक काम चलेगा नहीं, तो मुझे एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए कम से कम कलकत्ता जाने का रहने का वो चाहिए होगा, तो वो चक्कर है। तो लेट्स सी अभी पैसे की बात में कम है, एक काम करूंगा किसी अड्डा मारेंगे उस अड्डे में हम लोग बात इसी ही करेंगे पैसे की कि पैसे को कैसे लिया जाए, क्योंकि मुझे एक चिंता और भी है, एक तो मैं पैसे कमाने में बहुत वीक आदमी हूँ, ऊपर से ये कि वहाँ लोग एक आदमी 5 रुपये देगा 5 आदमी आपको गाली देंगे कि पैसे खा रहा है और वो ट्रस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि ट्रस्ट में डालने का फर्क पड़ता नहीं है, वो ट्रस्ट में फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं नहीं उसमें, एक एक चीज़ का मतलब बिल दिखा, अब आप बताइए बिल जहाँ की बात होती है हाँ इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमने बहुत पैसा खर्च किया मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलकर के हाँ हम लोग फॉर एग्जांपल और वहाँ जाकर के हम लोगों ने मीडिया में खबर डालनी है पेपर में, ठीक है। अब वो डालने का तरीका कि किसी पत्रकार को जर्नलिस्ट को आप पकड़ो दोस्त बनाओ उसको फिर खाने के लिए बुलाओ, जैसे कि एक जगह मैं एक शहर में मैं गया था, मेरे दोस्त ने एक 5-star होटल में एक खाने का प्रोग्राम रखा और उनको बुलाया जर्नलिस्ट को कि आओ मिलने के लिए आओ वहाँ पे लंच पे और करके, और तो एक पैसा खर्च हुआ लेकिन स्टोरी छप गई। अगर मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ कोई तो ये पैसा मैं वसूल नहीं सकता ट्रस्ट में, ये कैसा, ये लॉबिंग का खर्चा है, लॉबिंग का खर्चा मैं नहीं दिखा सकता। वो कहेगा आप लोग को ट्रस्ट पे पैसा दिया है नेताजी की बात करने के लिए, आपने हमने अपने बिल डाला है आपने कि आप किसी 5-star में खाना खाने का, मैं खाना खाने नहीं गया था भैया, मैं जर्नलिस्ट को खिलाने गया था वहाँ पे उसको पटाने के लिए गया था। बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं जैसे कलकत्ता आता हूँ मैं कलकत्ता में बहुत जगहों पर रहता हूँ, मतलब हाँ बहुत बहुत जगहों पर मेरा रहना वहना होता है। एक बार मुझे याद है कि मैं कलकत्ता में आया तो मैं किसी 3rd class जगह में रह रहा था, तो किसी को फ़ोन किया जर्नलिस्ट को कि यार मेरा यहाँ पर आया हूँ कोई बातचीत करनी है कुछ करना है करके करके, तो उसने फ़ोन सुना अच्छा हाँ ठीक है ये करके सेटल कर दिया। अगली बार आया तो मेरे साथ में कोई बड़ा आदमी था, उसने मुझे वो ग्रैंड होटल कौन सा आपका वो जो चौरंगी पे उसमें ठहराया हुआ था। अच्छा आई कॉल्ड अप द जर्नलिस्ट एंड कि मैं यहाँ पे हूँ कहाँ पे ग्रैंड के अंदर है, उसको लगा यार कि तो बड़ा आदमी है, तो ये तो बहुत बड़ा ऑथर है साहब, आदमी है कि ग्रैंड में आकर ठहरा हुआ 7-star होटल है भैया वहाँ का ठहर रहा है, तो इतनी इंप्रेशन चेंज पब्लिक का हो जाता है एकदम से कि अगर मैं आके किसी 2 टके के होटल में रहूँगा तो मुझे आदमी नहीं समझेगा, और वही आदमी आकर के अगर किसी बड़े 5-star में जाकर ठहरेगा तो बोलेगा ये तो बड़ा आदमी है आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी।
तो लाइफ में चीज मैटर करती है। लेकिन इसको मैं अपने किसी अगर मैं ट्रस्ट में लोगों से पैसा ले रहा हूँ, लोग तो मुझे बोलेंगे ना कि आप तो नेताजी के नाम पर पैसा दे रहे हैं लेकिन आपका बिल तो आपका इसमें इसका आ रहा है। अरे भैया मैं जर्नलिस्ट, मुझे स्टोरी छपवानी है कहीं पे मीडिया में, वो करने के लिए मुझे थोड़ा सा लॉबिंग करनी पड़ेगी, और लॉबिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है ये, दूसरे भाई को बुला के खाना पीना खिला दिया उसको, वो करेगा सॉरी करिए मेरी हुई है, लेकिन वो पैसा कहाँ तो, लेकिन ये पैसा हुआ खर्च, मेरे दोस्तों ने खर्च किया, हमने भी खर्च किया, मेरे दोस्तों ने खर्च किया मेरे लिए, लेकिन वो तो प्राइवेट खर्चा था, मैंने पब्लिक से नहीं लिया कभी पैसा। हाँ तो उससे अच्छा है, मेरा मानना ये है कि हम लोग डायरेक्टली पब्लिक से पैसा ले लें, तो मेरी मर्जी, मेरे आपका अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं आप लोग, मैं उसको जैसे मर्जी खर्च करूँ, मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा इनकम टैक्स अगर बनता होगा उसका तो, और उस पर लेकिन जैसे मेरा मन करे कि आज मुझे लगे कि हाँ यार मुझे अभी भोपाल जाने में मेरा इंटरेस्ट है, मैं भोपाल चला लोगों से मिल लिया, आपने बोला कि नहीं वहाँ एक प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग हो रही है, मेरे एक जानने वाले बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, आप आके उनसे मिलो, ज़्यादा तो लोग बुलाते हैं ना आपको, आप आके मिलो, तो मेरे यहाँ चाचा जी की मेरी एजेंसी खोल रखी है मैंने कि मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, आई नीड मनी टू गो देयर ना, आई नीड मनी टू स्टे देयर, और एक चक्कर है कि छोटी उम्र में आदमी जो है ना वो उबड़ मतलब कुछ भी कर लेता है, हम तो बचपन में लिफ्ट लेके हिचकिंग करके निकल जाते थे, अब वो एक उम्र बढ़ने के बाद में आदमी को शर्म आती है कि आपको ढंग की जगह बनाना चाहिए। आई कैन नॉट स्टे इन रन डाउन प्लेस नाउ, आई एम नो लॉन्गर यूज टू दैट थिंग, जो बचपन में करता था बीच में कर लिया, अब जाऊंगा तो एक स्टैंडर्ड मुझे एक मिनिमम मेंटेन करना है अपना, आफ्टर ऑल मैंने इतने लेक्चर्स दिए वर्ल्ड में सब जगह जाके घूम के आता हूँ, मैं किसी थर्ड क्लास जगह पे ना जाता हूँ ना, थर्ड क्लास में उनको साफ बोलता हूँ तुमने पैसा तो मैं तुमसे मांग नहीं रहा, वो अलग कहानी है लेक्चर का, लेकिन कम से कम मेरा रहने का इंतजाम ठीक होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, बिकॉज यू आर शोइंग यू नो, मुझे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आके किसी छोटे छोटे शहर में लेक्चर करूँ, मैंने दुनिया भर में लेक्चर किया है। सो दैट इज हाउ व्हाट इज लाइक, सो एनीहाउ वी विल व्हाट विल डू सेकंड वी विल डू वी विल हैव हैव एन अड्डा ओनली ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू जनरेट मनी एंड ऑल दैट, ठीक है ना, ठीक है। एंड आई एम सॉरी मैं आपसे बात करते करते आई वाज फिडलिंग विद माय रिमोट, ये मेरा एसी बंद हो गया है। नो नो दैट्स फाइन, दैट कंप्लीटली फाइन, अभी बहुत मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी दिल्ली में मौसम इतना गर्म है कि आप बिना एयर कंडीशनिंग के बैठ सकते हो, यहां पे भी थोड़ा बहुत दिसंबर में देखूंगा अगर कोई कोशिश कोई इवेंट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखता हूँ दिसंबर में, अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि पूजा का पीरियड निकल जाए तो कोई इवेंट वहाँ हो जाए लोगों से, मैं उस पर सेशन अड्डा मारूंगा उस पर, अगर आना होगा अगर मुझे पैसे पूसे खर्च करके आना था मैं लोगों से पूछ के आऊंगा कि वहां आने का कुछ पर्पस होना चाहिए। ठीक है, हां वो तो है, ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय। हाउ आर यू, हाय नमस्ते, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते, लोकेशन बताओ सर, मैं वेस्ट बंगाल से, कुछ बिहार, किधर वेस्ट बंगाल की कुछ बिहार, अरे हां कुछ बिहार, जिंदाबाद, कुछ बिहार तो पहाड़ बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है ना आपके, हां सर बिल्कुल बॉर्डर पे है वो तो काफी, हाँ हाँ बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ, थोड़ा माउंटेन माउंटेन है सुना, पहाड़ वहाड़ वहाँ पे है, हाँ है ना, सिलीगुड़ी पे है, अच्छा। अलीपुर द्वार पे है, कुछ बिहार के साइड में, हाउ फार आर यू फ्रॉम सिलीगुड़ी, मैं सिलीगुड़ी तो गया हूँ, सिलीगुड़ी से बहुत 100 किलोमीटर दूर है मेरा घर, तो मतलब इसका मतलब आप पहाड़ के काफी पास में हो, पास ही कह सकते हैं उसे, पास ही है, और तो सर दिल्ली में कोरोना का क्या हालचाल, दिल्ली में कोरोना का हालचाल जो है दिल्ली में कंट्रोल में है बहुत टाइम से, हमारे इधर तो कोरोना नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को कोरोना हो गया, मेरे फैमिली को भी, कब हुआ, कब, 15 दिन पहले, अभी तो नेगेटिव है सारे, चलो ठीक, अच्छी बात है, अब जो आपको वो खाने वाने में जो डॉक्टर वॉक्टर बोलता है वो सारे के सारे आपको सब खाना पीना वो करके और वो सब करते रहो, ठीक है, वो ठीक हो जाओगे, ज्यादातर लोगों को हल्का सा होता है वो ठीक हो जाता है, 97 नहीं, वैक्सीन लगा हुआ है मेरे को, दोनों ही वैक्सीन लगा हुआ है मेरे को, कौन सा लगा हुआ, कोविशील्ड, कोविशील्ड के दोनों शॉट लग गए थे, तो फिर भी हो गया, उसी वजह से आप बच गए, नहीं तो कवर नहीं लगवा तो शायद बढ़ जाता ना, तो ये वही तो कहते हैं कि एक बार इसको कोविशील्ड लग जाती है दो, तो वो यही बोलते हैं कि लगने के बाद में आपको अगर हो भी जाएगा तो काफी कम हॉस्पिटल, कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन में ही ठीक हो गया बस, वो दैट इज व्हाई इट इज देयर कोविशील्ड, चलो खुशी की बात है, नहीं आपको अच्छा, वो तो अच्छा, तो सर कोनानरम का जो बंगाली वर्जन है वो कब तक अवेलेबल होगा, वो हमें उम्मीद है कि हम लोग उसको इस साल के एंड तक, अगले साल की शुरुआत में, उसका तो बेसब्री से इंतजार है मेरे को, हाँ वो हमारे को भी इंतजार है, क्योंकि लेकिन सरकार
सरकमस्टेंसेस हमारी ऐसी खराब होगी ना, सरकमस्टेंसेस ऐसी होगी तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमको भी उसका इंतजार है कि एक बार हो जाए। क्योंकि सर इतना मोटी किताब इंग्लिश में पढ़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है लगभग, तो बंगाली वर्जन मेरे को चाहिए। हम लोग उसी में कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसमें तो सर कोचबिहार में हाँ बहुत गर्मी भी है हमारे इधर। तो सर कोचबिहार में जो कोचबिहार में शोलमारी जो है, नाम तो सुना ही होगा आपने, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि उधर नेताजी थे जो, तो हमने जो कैलेंडर में डिटेल में लिख दिया पूरी डिटेल में शोलमारी के बारे में लिख दिया। और शोलमारी का एडवांटेज ये है कि इसमें आपके काफी फाइलें अवेलेबल है उसकी, तो डिटेल में हम लोगों ने उसको डाल दिया किताब में, तो चैप्टर डाल दिया, उसे ज़्यादा डिटेल कोई दे नहीं पाएगा, वो भी बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट है, तो वो तो हमने कर दिया कि वो तो शोलमारी मेरे घर से करीब करीब 55 किलोमीटर दूर है। हाँ कुछ बिहार में ही है वो, कुछ बिहार में। मुझे भगवान जी के पास में कुछ लेटर मिले थे भूप बहादुर के, अब वो देखना पड़ेगा, वो भूप बहादुर जो है वो कोच बिहार के राजा थे। भूप बहादुर नहीं सर, वो तो राजा नहीं थे, लेकिन वो रॉयल फैमिली में थे क्या? रॉयल फैमिली में ये भी मेरे को नहीं पता, लेकिन राजा नहीं थे कंफर्म है सर। नहीं था, लेकिन एक मिनट रुको मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने या तो मैं नाम भू बहादुर, क्योंकि सर कोचबिहार के जो फैमिली मेंबर्स थे उनके सरनाम नारायण होता था, जैसे कि नीपेंद्र नारायण, या फिर मैं नाम गलत, कि वो उनका नेपाली से भी, उनका नाम नेपाली रॉयल फैमिली से भी लिंक था, तो या तो ये नेपाली रॉयल फैमिली का था, लेकिन तो ये मैं चेक करूंगा, मुझे भी याद नहीं रहा कि वो कुछ बिहार का कोई। हाँ वही है, महाराजा ऑफ कुछ बिहार। हाँ इनका नाम है, को नहीं पता था सर, इनका नाम है जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर। हाँ हाँ अच्छा, और 1970 में इनकी डेथ हुई है करके, ठीक है ना, ही वाज अ ऑफिसर इन द ब्रिटिश। जगदीपेंद्र नारायण, यस बहादुर, उनका नाम आगे भूप बहादुर है, अब ये पता नहीं। और ये मेरे ख्याल से इनमें से रिलेशन भी रहा ना, ये आपकी मेरे ख्याल से वो फिल्म एक्ट्रेस थी, कौन सी नाम भूल गया उनका, उनकी फैमिली से शादी वादी इनकी हुई थी कुछ करके। तो सर चंद्रचूर सर ने, I'll check, हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, but there is a connection, there is a possibility कि one of the king was also in touch, but we cannot confirm because we have not seen those letters, but there is certain भूप बहादुर जिसने लेटर लिखा था वहाँ पे हमको, अब वो कौन था वो मुझे उस लेटर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन whatever we have already mentioned in the book कि there is some connection, क्योंकि भगवान जी ने ये क्लेम किया, गुमनामी बाबा ने ये दावा किया कि उन्होंने ही उसको प्लांट किया, मतलब स्टोरी को यूज किया, इफ नॉट प्लांट एट लीस्ट ही यूज्ड दिस एंटायर स्टोरी टू हिज बेनिफिट, एंड आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो खुद वहां पे गए थे एक दो बार। ओके ओके, आई कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ दो चार लोग हैं जिन्होंने पब्लिकली बोला कि हमने सुभाष बोस को वहां देखा, तो उनका रिकॉर्ड इतना खराब तो नहीं, वो झूठ क्यों बोल रहे थे, तो झूठ बोलने का इस तरह का तो या तो गवर्नमेंट उनसे बुलवा रही है या कोई और बुलवा रहा है, और उनका काफी मतलब मेजर सत्य गुप्ता क्यों पब्लिकली बातें बोलेगा, he was pretty loyal to सुभाष बोस। लेकिन सर भगवान जी से मिले हुए बहुत सारे लोग भी तो इधर आए थे, लेकिन वो सब तो कहते थे कि नेताजी ये नहीं हो सकते, पवित्र मोहन राय ने, पवित्र मोहन राय, हाँ हाँ, तो लेकिन भगवान जी ने उनको लिखा है ना कि मैंने, तुम भगवान जी ने चिट्ठी लिखी पवित्र मोहन राय को, पवित्र मोहन राय गया था वहाँ पे, वापिस आ गया था कि सुभाष बोस नहीं है, लेकिन जब पवित्र मोहन राय का कॉन्टेक्ट उनके साथ हुआ है तो भगवान जी ने चिट्ठी में उनको लिखा है कि मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया है, वो काफ़ी खुश हैं आपसे, बात की बात है, तो देर इज सम लिंकेजेस, देर इज सम लिंकेजेस। तो अभी तो मेरे को वो बंगाली वर्जन बहुत ज़्यादा चाहिए, देखो वो अब मैं अभी वो चंद्रचूर कैन टेल बेटर, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगले साल की शुरुआत में हिंदी का तो हम लोग इसका तो निकाल देंगे, वो तो मैंने डाल दिया, वो तो चला गया उसमें, मतलब प्रोडक्शन में चला गया, सिर्फ मुझे कवर डिज़ाइन जो है उसका फाइन करना है, वो प्रोडक्शन में चला गया, तो वो तो हम लोग निकाल देंगे जनवरी में हिंदी वाला छोटी, उसका गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस का, लेकिन कनंड्रम का बंगाली एडिशन जो है चंदूचूर उस पर काम कर रहा है, तो अभी
देखते हैं वो हम लोग जनवरी में उसको अगले साल तक, हाँ जो भी निकाले अगले साल, हिंदी का मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ इस महीने के अंदर, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, ये साल खत्म हो गया ना तो अगले साल निकालेंगे, ये साल महीने की इस अक्टूबर नवंबर में किताबें तो निकाली जाती हैं, तो अगले साल जो जो निकाला जनवरी में निकलेगा, हम लोग रेडी कर देंगे लेकिन किताब को जनवरी में निकालेंगे, ठीक है। ओके सर, एक और सवाल था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फैमिली से ही आता है वो चंद्र कुमार बोस, वो कहते थे कि मुखर्जी कमीशन में कुछ खामियां थी, जैसे कि प्लेन की हाइट, ये सब बता रहा था कि प्लेन की हाइट गलत बताया था मुखर्जी कमीशन में, तो ये क्या है सर? ऐसा एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था शायद, हाँ बता, ऐसा है कि सुभाष बोस के ऊपर ये डीक्लासिफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसमें से फाइलें बाहर निकली, वो करवाने वाले हम थे, चंद्रा बोस भी उसमें इन्वॉल्व हो गए करके, तो हमारी वजह से वो फाइलें डीक्लासिफाई हुई, ठीक है। जो फाइल निकल के आई तो उस फाइल में से वो फाइल निकली जहाँ पे गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमीशन को रिजेक्ट करने के कुछ रीज़न गिना रखे, तो चंद्रा बोस दादा का अब स्टैंड चेंज हो चुका है, पलटा मार लिया उन्होंने, उनको बेसिकली घबराहट और की गुमनामी बाबा से, तो उन्होंने पलटा मार के यहाँ पर आ गए। अब बोस फैमिली में कुछ कम्युनिस्ट एलिमेंट है, उन्होंने कम्युनिस्ट को हायर मतलब अपने साथ में रखा हुआ है, वो कम्युनिस्ट क्या करता है कि उसको पहले तो कुछ कोई मालूम था नहीं केस के बारे में, अब वो बुढ़ापे में एक्टिव हो गया इसमें, अब वो फाइलें पढ़ रहा है जो फाइलें डीक्लासीफाई हमने करवाई है। हम जब डीक्लासिफिकेशन की बात करते थे तो हमारा मजाक उड़ाता था कि मोदी फाइल पब्लिक नहीं करेगा, मोदी ने फाइल पब्लिक करी, हमने बोला कि ममता गवर्नमेंट के पास में बंगाल में 64 फाइल हैं, उसने कहा कोई फाइल नहीं है, तो वो लगातार इस बात को अड़ंगा ले रहा था, हमारा मजाक उड़ा रहा था। आज हमारी वजह से जो फाइल पब्लिक हुई हैं उसको पढ़ करके वो ज्ञान बांट रहा है scroll.in में और जगहों के अंदर, ठीक है। आपको पूरे केस की समझ नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है बाहर क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, मेरे और उनमें बहुत फ़र्क है। जिस आदमी ने, जिस गवर्नमेंट के ऑफिसर ने, अंडर सेक्रेटरी मिस्टर गोस्वामी ने वो नोट लिखा है, मैं उस गोस्वामी से मिल चुका हूँ, ये वही गोस्वामी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे टक्कर में भेजा था जब हमने सूचना का अधिकार के अंदर हमारी लड़ाई हुई थी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमीशन में, तो मैं उसका कैलिबर जानता हूँ, कितना जानता है, मेरे घर से बहुत दूर नहीं जाता, रिटायर हो गया भैया, तो मैं चाहूँ तो उस पूरे नोट का पॉइंट बाय पॉइंट बना के उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाएगा। पहली बात ये कि हाइट, जहाज की हाइट 12,000 फीट थी, 13,000 फीट थी, अगर उसमें गलती, ये सभी बता रहे थे, उसका मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के जजमेंट से कोई लेना नहीं है, इट्स अ मिस्टेक। फॉर एग्जांपल जस्टिस मुखर्जी ने 12,000 के बेसिस पे अपना कंक्लूजन नहीं दिया, और अगर आप गलतियां निकालने में निकला हो तो मैं आपको गलतियां निकालता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, टोपोग्राफिकल एरर हो जाती है छोटी मोटी, तो 12,000 की हाइट से उसने ये डिसाइड नहीं किया जस्टिस मुखर्जी ने, हाइट 12,000 हो सकती है, मैं वो भी साबित कर दूंगा आपको कि जहाज 12,000 फिट गया था ऊपर, लेकिन अगर वो ना भी हो, उसको अगर गलत भी मान लो, तब भी इसके बेसिस पे जस्टिस मुखर्जी की जो रीजनिंग है कि क्यों प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उसमें ये 12,000 फीट का इशू नहीं है, वो तो उन्होंने मिस्टेक पकड़ ली उसमें गलती से। मैं अगर बैठ जाऊँ कि मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइलों में गलतियाँ पकड़ दी है, मैं तो 50 गलती निकालूंगा, क्योंकि सुभाष बोस के स्पेलिंग गलत है हर जगह, नेताजी की स्पेलिंग है SUBHAS, आपने कभी HAS लिखा, कई जगह आपने HASH लिखा हुआ है, और आपको मालूम है कि एक एक्स्ट्रा लेटर डालने का मतलब क्या होता है। मेरे अभी माता पिता चले गए हैं, डेथ सर्टिफिकेट मैंने नहीं आता, भैया 1000 बार पढ़वाते हैं आपसे, पढ़ो ढंग से, एक बिंदी भी यहाँ पे होगी तो मारे जाओगे, आपके नाम घोष में अगर एक ई लगा दूं मैं एक्स्ट्रा, घोष के स्पेलिंग अलग अलग होते हैं GOHSH या GOSH, ठीक है, आपका नाम अगर GOSH घोष है और आपको टिकट मिलती है ई के नाम पे, आपको एयरपोर्ट में घुसने नहीं देंगे वो लोग, आप जो मर्जी कर लो उसके बाद में, ले आओ एक किसी फॉरेन कंट्री का वीज़ा जिसमें आपका नाम है घोष के स्पेलिंग जो अलग हो, और मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा कैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने देते हैं वो लोग तुम्हारे, तो अगर मैं गलतियाँ निकालना शुरू कर दूँ कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है वो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे क्या, तो 12,000 फीट के जो गलती हुई इनसे हुई है मुखर्जी से, मान भी लो गलती है, वो एक अलग कहानी कि हम उसको साबित कर सकते हैं कि 12,000 फीट पर गया था वो, उसका कोई मतलब, उसकी जो रीजनिंग है कि वाई देर वॉज नो प्लेन क्रैश, वाई नेताजी डिड नॉट डाई, इट इज़ बेस्ड ऑन एंटायरली डिफरेंट रीजनिंग, ये सिर्फ उन लोगों का काम है जिन लोगों को समहाउ मुखर्जी को बदनाम करना है, और वो सरकारी फाइलें पढ़ के बदनाम कर रहे हैं उनको, उनकी टक्कर करने के लिए वो बैठे हैं ना,
मैं कभी काम करूंगा, मैं वो निकाल करके ना 12,000 फीट का मैं कभी आंसर दूंगा, डिटेल में आंसर दूंगा, अभी नहीं। तो यही कुछ बात सर, सिंपल आंसर मैं दे रहा हूँ कि 12,000 फीट का होने का नहीं होने का, गलती है नहीं है, उसका कमीशन के कंक्लूजन से कोई लेन देन नहीं। अगर आप ये भी मान लो मिस्टेक है, चलो मिस्टेक है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। जिस ग्राउंड्स पे उसने मुखर्जी कमीशन, जैसे मुखर्जी ने उसको रिजेक्ट किया है, वो ग्राउंड्स स्टैंड, उस ग्राउंड्स का कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया अपनी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उन्होंने सिर्फ नेट एंड पिक एंड चूज है कि चार उन्होंने आर्गुमेंट अपने डाल दिए, लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छे आर्गुमेंट मुखर्जी कमीशन के। बाकी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, जैसे मुखर्जी की बहुत गलतियां थी, मैं बोल रहा हूँ गलतियां उन्होंने करी हैं बहुत सारी। उनकी सबसे बड़ी गलती ये कि जब उनको मालूम था कि डीएनए में घपलेबाजी हुई है तो उन्होंने क्यों नहीं प्राइवेट से एक्सपर्ट उन्होंने टेस्ट करवाया। उन्होंने बहुत गलतियां उनकी, मैं बता रहा हूँ गलतियां बहुत उनसे हुई हैं। जब उनको मालूम था कि इसमें ये गड़बड़ हुई है, उन्होंने क्यों उसको मेंशन नहीं किया किताब में अपनी रिपोर्ट पे? प्राइवेटली हमको बताया उन्होंने कि फोन आया था कि डीएनए टेस्ट मैच हुआ है। तो उनकी मिस्टेक्स हैं एवरी बार, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस टाइम स्पेस कुछ और था ना। तो मेरा ये कहीं दावा नहीं है कि जस्टिस मुखर्जी जो बोलते हैं सारी किताब बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सर उनका तो एक प्राइवेट वीडियो भी लीक हुआ था कि वो प्राइवेटली कह रहे थे कि वही वो है। मैं वही कहना कि जब उनको बात का मालूम था तो उनको ये मेंशन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं। तो मैं भी उनकी बहुत गलतियां निकाल सकता हूं, लेकिन ये सारी गलतियां अपनी जगह पे हैं। लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल ये कि मुखर्जी कमीशन ने जैसे नेताजी की जो ऑफिशियल व्यू की थ्योरी को रिजेक्ट किया है, उसको रिजेक्ट करने के जो उन्होंने 10 कारण गिनाए हैं, उसमें से 7-8 जो हैं बहुत बढ़िया हैं और उसके बेसिस पे वो रिजेक्ट होती है। तो अगर वो 7-8 में आप 2-3 को आप निगेट भी कर सकते हो, तब भी वो वेट ऑफ एविडेंस इज गोइंग इन फेवर ऑफ जस्टिस मुखर्जी। ये सिर्फ ये वही लोग कर रहे हैं जिनके इंटरेस्ट में ये है कि प्लेन क्रैश थ्योरी को सस्टेन किया जाए, और चंद्र कुमार दादा का इनका इंटरेस्ट अब ये है कि ये लोग घबरा गए कि गुमनामी बाबा की थ्योरी आ रही है सामने बढ़कर। तो सर इसमें उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? ये उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये थ्योरी इस थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ईगो आ रही बीच में। ईगो ये तो बात है, क्यों सपोर्ट नहीं करते वो लोग? ईगो एक तो ईगो का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फैमिली को मालूम था यहाँ पे थे, और फैमिली को मालूम है कि उन्होंने इनको घासी डाली है इन लोगों को। तो कल को ये बात निकल के आती है बाहर कि वो यहाँ पे थे, उन्होंने एरे गेरे नथू खैरों से बातचीत की, लेकिन अपनी फैमिली के लोगों में बातचीत नहीं की, एक दो को छोड़कर की, तो इनकी मट्टी पलीद होगी। और इनको लगता है कि नेताजी का नाम, जिस तरह से जो उनकी इमेज है, उस इमेज से उनको फायदा पहुंचता है, शायद इस इमेज से उनको फायदा नहीं पहुंचेगा कि वो साधु वेश में बैठे हुए थे यूपी में, ये शायद उनको सपोर्ट नहीं करेगा उनको। फिर सुभाष बोस के परिवार में कम्युनिस्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, वो जरा ये हिंदू धर्म वगैरह से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट उनको है नहीं इसमें करके। तो उनको लगता है कि उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये उनके फेवर में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हमें कितना एडवांटेज उस इमेज से मिलता है। फैमिली को मालूम था वहाँ पे थे, तो अपने शर्म को छिपाने के लिए, अपने झेप को छिपाने के लिए ये लोग जो पिछले 50-50 साल से प्लेन क्रैश की थ्योरी को अपोज कर रहे थे, आज मुखर्जी कमीशन में गलतियाँ निकाल रहे हैं। आपको पहले नजर नहीं आया ये गलतियाँ थी 12,000 फीट की, उधर उधर की? अब फाइलें पढ़ के आप समझदार हो गए। तो मुखर्जी कमीशन के जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग है। छोटी मोटी गलतियाँ यहाँ, मैं भी गलती निकाल दूंगा उसमें, और कम से कम गोस्वामी के नोट की गलती मैं भी निकाल सकता हूँ। मैं गोस्वामी जी को जानता हूँ, मतलब मैं उनसे मिल चुका हूँ, मुझे मालूम होगा कैलिबर क्या उनका। हम लोग उनसे बहुत आगे हैं। ये लोग जो बैठ के आज नेताजी के एक्सपर्ट बन गए और आर्टिकल लिख रहे हैं school.in में, जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई थी ना, तो मैं बाहर खड़ा था पार्लियामेंट हाउस के। आई हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड देन। आप जो आज गवर्नमेंट की फाइल पढ़ के गवर्नमेंट का वर्जन एम्पलीफाई कर रहे हैं जाके पेपर्स में हर जगह, बट मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हम उनसे बहुत आगे हैं, उनकी ऑडियंस बहुत कम है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं। मेरी ऑडियंस जो है वो है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, चाहे हमारा व्यू जो है और हमारी जो फिल्म बन गई गुमनामी फिल्म बनने के बाद में हमारा व्यू हो चुका है, तो हम लोग उनसे बहुत आगे। हम जो मर्जी बनाते रहे वीडियो अपने छोटे मोटे बना करके, इंदिरा चाहे अनीता को लेकर आए, किसको लेकर आए, हम उनसे आगे हैं और आने वाले टाइम में हम उनसे आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा हमको सिर्फ कोरोना ने रोक के रखा हुआ है। कितने इलेक्शन में लोग इनको बुलाते हैं, हमको तो लोग बुलाते हैं, यहाँ से बातचीत होती है। कोरोना का चक्कर था, अब थोड़ा ठीक हो रहा, आप देखना आने वाले महीनों में हम लोग क्या करते हैं, है ना। और जैसे मैं बैठ करके यहाँ पे एक ओपन सेशन कर सकता हूँ, किसी को भी, मैं किसी आपको नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, मैं रेंडमली लोग पिकअप करके उनसे सवाल के जवाब ले रहा हूँ, ये करके दिखाते हैं ऐसे ना, लोग इनकी खाल नोच लें इनकी ऑनलाइन सेशन पे, करके दिखाएं। मैं तो आपको किसी को नहीं जान, आप में से कई लोग अब जानना शुरू किया, जैसे आज आपसे बातचीत, तो आपको जानता हूँ मैं, लेकिन मैं कोई भी ऐसा आदमी दिखा दो जो मेरे से रेंडमली लोगों को
अपना लिंक पब्लिक करके और रेंडमली आपको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछो, मुझे क्रिटिसाइज करो, ये लोग करके दिखाएं। मैं तभी कर रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है ना कि जो मर्जी बोलेगा पूरे पूरे आंसर मेरे पास पड़ेगा उस चीज़ के। वही तो हिम्मत नहीं है ना सर उनमें। हाँ, और अगर ये मैं सेशन चार लोगों के बीच में कर दूँ तो मैं आपके सारे आंसर 12,000 फीट में देना चाहता नहीं, मेरे पास आर्गुमेंट है उसके, आई हैव वेरी गुड आर्गुमेंट, बट आई डोंट वांट टू गिव राइट नाउ, दिस इट्स नॉट द राइट टाइम ना, हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। वो आर्गुमेंट मैं दूंगा आपको, मेरे पास आर्गुमेंट है कि 12,000 फीट जहाज कैसे गया था, अभी नहीं दूंगा, फिर मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं वेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा छोटे मोटे सेशन में बता दूंगा या बता दूंगा, कल को ये लोग समझ जाएंगे कि सारे को पता है, वो चुप हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अपना गुब्बारा फुलाते रहे ताकि मैं तुम्हारे को राइट टाइम जब आएगा मैं तुम्हारे को वहाँ दिखाऊंगा तुम्हारी औकात। पिछले 20 साल से बोल रहे थे कि डीएनए टेस्ट मैच, हैंडराइटिंग डीएनए टेस्ट मैच कर नहीं करा, इससे सुभाष बोस नहीं है, हमने हैंडराइटिंग को काटा तो कहते जी डीएनए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो डीएनए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब डीएनए को काट दिया तो कहते गवर्नमेंट की रिपोर्ट ठीक है। अरे भैया गवर्नमेंट की रिपोर्ट ठीक थी तो तुम्हारी फैमिली 50 साल से गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रही थी फिर। आप किसी भी आदमी को पूछ लो, साइंटिफिक आदमी को, बिना इलेक्ट्रोफेरोग्राम की कौन सी रिपोर्ट डीएनए की होती है मुझे दिखा दीजिए वर्ल्ड में, नोबेल प्राइज मिल जाएगा तुम्हारे को उसका, फिजिक्स उसका, केमिस्ट्री का। तो सर आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोफेरोग्राम का क्या किया उन लोगों ने? क्या क्या मुझे क्या लगता है, मुझे पता है उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर रिपोर्ट चेंज किए बैठे, हम लोग पागल है जो उस पर हमने उंगली उठाई है, हमने जो उनकी नबस पकड़ी है, हमने कैसे पकड़ ली, हमें अंदर से खबर मिली है, मुझे क्या मालूम इलेक्ट्रोफोरम, मैं को डीएनए का आदमी सुनाऊंगा, मुझे क्या मालूम इलेक्ट्रोफोरम क्या होता है, मैंने सवाल क्यों पूछवाया है आरटीआई के अंदर, कि हमें अंदर से खबर लगी कि इन्होंने टेम्परिंग करी है और आप इनसे ये पूछो इलेक्ट्रोफोरम का, क्योंकि उसमें से डाटा निकल के आएगा उसकी, उन्होंने रिमूव कर दिया उसको। विनो हमारे आदमी सब जगह बैठे हैं यार, लोग खबर देते रहते हैं अंदर से। तो सर एक और सवाल था कि सहाय कमीशन में जो बुलबुल नाम की एक छोटी बच्ची का एक लेटर के लेटर में लिखा हुआ था कि आप अगर नेताजी के जन्मदिन में हमारे इधर आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसी बात के मुताबिक तो कह दिया गया था कि वो भगवान जी नेताजी नहीं थे, तो बाद में क्या बुलबुल का कोई स्टेटमेंट आया था? हाँ हाँ, उनका उन्होंने कुणाल को इंटरव्यू दिया, कुणाल बोस को, उनका स्टेटमेंट छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में, तो वो तो कह रही है इतनी इतनी अगर मेरे 1980 में लिखे गए मेरे लेटर की इतनी इंपॉर्टेंस थी तो जस्टिस है ने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया, वो तो घर बैठे बैठे अपने वहाँ पे लखनऊ में रिपोर्ट लिख दी उसने, उनका माइंड ऑलरेडी मेकअप था कि मैं ये लिखूंगा तो वो लिख दिया, वो हमने हिंदी वाली किताब में उनको रगड़ा उसको लेकर के उस बात को, हिंदी वाली किताब में एग्जाम्पल दिया, बुलबुल का एग्जाम्पल दिया, पवित्र मोहन का एग्जाम्पल दिया, और कोई एग्जाम्पल दिया हम लोगों ने कि तुमने इतना बड़ा जजमेंट डाल दिया, और ये लोग कैसे अपना धीरे धीरे गोल अपना पोस्ट चेंज करते हैं, शिफ्ट स्टैंड चेंज कर लेते हैं, कभी राइट टाइम आएगा तो इनसे स्ट्रक्चर डिस्कशन डिबेट कराएंगे, मैं इनकी बहुत इच्छा है ना प्लेन क्रैश की, मैं प्लेन क्रैश के डिस्कशन करने को तैयार हूँ, इनकी मैंने पॉइंट्स अब देख लिए, मैं काउंटर करूँगा एक पॉइंट को, चिंता मत करो हमारे डाटा बहुत सॉलिड है, लेकिन ये कि शिफ्ट कर कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ जाएंगे मैं डीएनए की बात करूँगा तो यहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ करूँगा तो वहाँ नहीं, आप सिर्फ डीएनए की बात करो, आप सिर्फ प्लेन क्रैश की थ्योरी की बात करो, आप सिर्फ रशियन एंगल की बात करो, मैं उसी की बात करूँगा, और मेरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता है, मैंने अपनी किताब में क्या लिखा, 2000 मेरी किताब 11 में इंडियाज बिगेस्ट करप आई थी, मैंने उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम लोग डी क्लासिफिकेशन चाहते हैं, और अगर ये डी क्लासिफिकेशन होने के बाद अगर ये भी रिजल्ट निकलता है कि प्लेन क्रैश में ही उनकी मौत हुई थी तो मुझे खुशी होगी कि मेरे वैसे पूरे केस में क्लोजर आ गया। आप मेरे मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो कि हम लोग प्लेन क्रैश को अपोज करते हैं इसलिए हम डी, भैया हम लोग बड़े खुले किस्म के लोग हैं, हम लोगों ने कोशिश की डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालने की, हमने कहा हमारा व्यू काउंट नहीं करता, और अगर यही भी मेरे से उल्टा निकलेगा तभी मुझे खुशी कि हमने क्लोज करवा दिया केस को, इस तरह का हमारा ये एटीट्यूड, हमारा इस तरह का हमारा तरीका काम करने का। आप उस बात को आपने पढ़ा नहीं, मैंने किताब में क्या लिखा, आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी, मेरी किस किताब में मैंने ये लिखा कि बीजेपी इस केस को फॉलो करे, मुझे बता दीजिए, मैं आपको उल्टे पैसे दिखाता हूँ, मेरी कौन सी किताब बैक फ्रॉम डेड में या व्हाट हैपेंड टू नीरा जी में या इंडियाज बिगेस्ट कॉरप्ट में मुझे पैसेज दिखाई है जिस पैसेज मैंने ये लिखा कि मोदी आगे फाइल पब्लिक कर देगा, जो आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो सुबह शाम की, ये बीजेपी ने अगर फाइल पब्लिक नहीं करी तो मेरी हार है, मैंने कब बोला बीजेपी फाइल पब्लिक करेगी, मैंने साफ लिखा कि ये लोग राम से नहीं करेंगे, मैं तो लॉबी कर रहा हूँ उन लोगों के साथ में कि इनका निकालने में इंटरेस्ट है,
अजीब अजीब किस्म के, वो पहले अज्यूम कर लेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है, तो उसके बेसिस पर अपनी किताबें लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं लिखा, हम लोगों ने, हम तो ट्रुथफुली हम लोग को ये पता लगा रहे हैं कि उनको क्या हुआ था। और मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि मेरे वजह से, हमारे मुशन नेता जी की वजह से, हमारे दोस्तों की वजह से सारी चीज़ बाहर निकल के आ जाती है। और अगर साबित हो जाता है वो प्लेन क्रैश में मर गए थे, तो कम से कम हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमारी वजह से ये पूरा केस क्लोज्ड हो गया। दैट इज़ व्हाट आई रिटन माई बुक इन प्लेन इंग्लिश इन इंडियाज बिगेस्ट कॉरप्ट। ऑफकोर्स दैट हैज़ नॉट हैपन। आप ये मेरा अपने स्टैंड कहीं अपने किसी आर्टिकल वर्टिकल में कहीं नहीं लिखा आप लोगों ने कि ये इसका स्टैंड ये था कि ही वॉज ओनली सीकिंग अ क्लोजर टू दिस केस डीक्लासिफिकेशन, कि केस खुलकर क्या है, केस क्लियर होना चाहिए। और मैंने डीक्लासिफिकेशन का मेंशन किया कि कैसे होना चाहिए, मैंने वो भी उसके 8 स्टेप बताए हैं। इंटेलिजेंस की फाइल पब्लिक हुई, नहीं पब्लिक हुई। आज आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने फाइल पब्लिक नहीं की, तो इसका मतलब आप लोग हार गए। मैंने तो कभी नहीं बोला मोदी गवर्नमेंट, मैंने मोदी गवर्नमेंट से लॉबी की है, मैंने दीदी से गवर्नमेंट से लॉबी की है, मैं लेफ्ट पार्टी वालों के पास में गया हूँ, मैं कांग्रेस से भी लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। दैट डजंट, तो ऑब्वियसली आई एम अगेंस्ट गवर्नमेंट। इंडियाज बिगेस्ट कवरअप का किताब का नाम ही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर अप कर रही है। मैं आज कह रहा हूँ गवर्नमेंट कवर कर रही है, चाहे वो मोदी की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो अजीब अजीब से है ना, तो वही उसी कॉन्टेक्स्ट में वो वाली कहानी है कि 12,000 फीट वाली कहानी को टैकल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें। दैट इज नॉट अ रीजन टू रिजेक्ट मुखर्जी कमीशन फाइंडिंग, कि जस्ट बिकॉज वो 12,000 की गलती हुई थी, अगर मान लो गलती भी है तो अलग कहानी। वही तो बात है आपको, जहाज तो सर ठीक है, सुनो जहाज उड़ता है ना, जहाज में बैठे हैं आप लोग? जी नहीं, अभी तक तो नहीं बैठे। जहाज में बैठोगे, जहाज की स्पीड जो होती है उड़ने की, कोई 200-250 की स्पीड पे जहाज टेक ऑफ करता है। सारे जहाज 200-250 की, मेरा दोस्त था पायलट, उससे पूछा था मैंने एक बार से जेट एयरवेज में, उसने कहा 250 में उड़ जाता है, वो टेक ऑफ कर जाते हैं। अब यू कैन नाउ सर्च वीडियोस, यू कैन फाइंड देम। 200-250 के बीच में अगर ठंडा मौसम होगा तो 200 में उड़ जाएगा, मेरे ख्याल से 250 होगा तो गर्मी में 250 में उड़ जाएगा। सो यूजली 200-250 में टेक ऑफ जहाज कर जाता है, और वो फिर उसके बाद में 1-2 मिनट में 400-500 की स्पीड पकड़ लेता हो। अभी भी हारे सेकेंड वर्ल्ड में ये काम था। जिस जहाज में नेताजी बैठे थे, उस जहाज की क्लाइम रेट थी मेरे ख्याल से पता नहीं कितने हजार फीट कुछ मिनट में कुछ करके, वो मैं भूल गया, मुझे दिखना पड़ेगा। और वो जहाज अकॉर्डिंग टू द मेन विटनेस ऑफ द प्लेन क्रैश वाज एयरबॉर्न फॉर 5 मिनट्स। 250 पे उसने टेक ऑफ किया, 5 मिनट तक एयरबॉर्न था, तो आपको लगता है कितनी हाइट पे टेन पहुंच गया होगा? इट विल बी वेरी वेरी हाई, फेयरली हाई। दैट इज रिकॉर्ड विच दे देमसेल्फ आर साइटिंग। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है कि वो जब प्लेन क्रैश हुआ तो आदमी के सिर नीचे और टांगे ऊपर थी। तो भैया अगर आपका जहाज ऐसे गिर रहा है तो इट मस्ट बी अ फेयरली बहुत ऊंची हाइट पे हुआ, और इतनी डिस्टेंस से आदमी नहीं बच सकता। दैट इज दी बेसिक आइडिया। वो 12,000 फीट है कि 13,000 है कि 8,000 है, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो इवन इफ यू अज्यूम कि 12,000 की फिगर जो है वो वैसे गलत नहीं है, वो क्लाइम रेट से आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल ठीक फिगर है वो, बट इट डज नॉट डाइल्यूट दी आर्गूमेंट्स गिवन बाय जस्टिस मुखर्जी। इफ ही हैज गिवन 10 आर्गूमेंट्स, ऑफ दीज 10 आर्गूमेंट्स 7-8 बिल्कुल ठीक है। 1-2 से मैं भी डिसग्री कर सकता हूँ, ह्यूमन आदमी है, हर एक की लिमिटेशन होती है, मेरी भी गलती हो सकती है, और सरकार के नोट्स की मैं गलतियाँ निकाल सकता हूँ। जो आदमी बैठ के वो गोस्वामी साहब गलतियाँ निकाल रहे हैं, मैं उसकी गलतियाँ निकालूंगा 50, कि तेने ये गलती की, तेने वो गलती की। तुम होते कौन है गलती निकालने वाले? सरकार वाले गलती निकालने वाले मुखर्जी कमीशन में होते कौन है? उनको बोलो तुम्हारा वकील, आपको मालूम है सरकार के मुखर्जी कमीशन के सामने सरकार के वकील ने क्या बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ? तो साले तुम्हारा खुद का वकील जब ये बोल रहा है प्लेन क्रैश नहीं हुआ, तूने ये बात क्यों नहीं अपने लिखी नोट के अंदर? ये कोर्ट कचहरी का मामला है, क्लियर कट। सरकार का वकील मुखर्जी कमीशन, और कब बोला? ये बीजेपी की बात नहीं है, इट इज मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर। सरकार का वकील कमीशन के सामने ये आर्गूमेंट दे रहा है, उस साले को जानता था मैं, सरकारी वकील को, साथ बैठ के चाय पानी पी सकता उसके। तो उसने जब बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये बात आपने क्यों नहीं टैकल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नोट में, कि आपने कमीशन को क्यों झूठ बोला? आप लोगों ने आपने मिसलीड किया कमीशन को आप लोगों ने। अब आप कह रहे हैं कि 12,000 फीट ये दिखाई दे रहा है, अबे तुम्हारा वकील तो तुम बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। सो प्लीज अंडरस्टैंड वेरी फेयरली डिटेल्ड। मैं उस पर जाऊँगा तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी होगी, मुझे इनकी डायरेक्ट नॉलेज है। सरकारी वकील के साथ बैठ कर मैंने चाय पानी पिया हुआ मुखर्जी कमीशन के सामने। जब रिपोर्ट आई है तो मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर में था, ये बैठ के मुझे सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन ना बताएं कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। जिस गोस्वामी ने नोट लिखा उस गोस्वामी को भी जानता हूँ मैं, मिल चुका हूँ उनसे मैं। अभी रिटायरमेंट कर, मेरे घर से बहुत दूर घर नहीं है उनका, ढूंढूंगा तो ही मिल जाएंगे अभी रिटायरमेंट के बाद। तो आई नो फेयरली वेल, वी नो फेयरली वेल व्हाट हैपेंड। सो आई एम टेलिंग यू मुखर्जी कमीशन के अगर 10 पॉइंट हमारे फेवर में है,
तो उसमें से 7-8 पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप उनसे पूछ लो चोरा कोरा का नाम का डेथ सर्टिफिकेट कैसे आ गया ये बता दो पहले, नेताजी की फैमिली, जब उसका नाम सुभाष चंद्र बोस था उसका डेथ हुई है तो उसका नाम डेथ सर्टिफिकेट में चोरा कोरा कहाँ से आ गया ये बता दो मुझे। अरे पंडित नेहरू खुद उसका इस बात पर कंप्लेन कर रहा था पंडित जी के ऑफिस ने, तुम कौन होते हो, पंडित जी के ऑफिस ने खुद कंप्लेन किया कि ये गलत है गड़बड़ है। तो सर रेणुका जी टेम्पल में जो छाई है तो उसका डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता ना, वो जो एशेस है आज शाम को हो जाएगा, आप करवाने को सरकार कराएगी तो आज शाम को हो जाएगा, वो नहीं करवाएंगे, वो करवाएंगे नहीं, और ये लोग उस पर दबाव फैमिली वाले दबाव में डालेंगे, नहीं पता है कि भैया करवाएंगे तो फंसेंगे सारे के सारे, करवाओ आप धरना दो, नेताजी की लड़की को बोलो धरना दे दे वहाँ बैठ जाए, वो तो फॉरनर है जाए उसके सामने, प्रेशर करने का टेक्निक्स होती है, जब बैठ जाओ वहाँ पे अपने एम्बेसी के सामने कि मेरे बाप की अस्थियाँ या तो मुझे तो या उसका वो करवाओ डीएनए करवाओ आप लोग के हाथ में, वो नहीं करेगी, वो प्रेशर नहीं डालेगी, ये प्रेशर उनको मालूम है हड्डी उनकी नहीं है, सरकार को मालूम है हड्डी उनकी नहीं है इसलिए वो टेस्ट नहीं करवा रहे, जस्ट सिंपल इज दैट। कुछ कुछ लोग तो कहते हैं वो कुत्ते बिल्ली का हड्डी है, नहीं 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 वो ऐसा ऐसा नहीं, वो ऐसा वो बेकार की बात है, आदमी का हड्डी है उनका, वो तमीज रखे वो इचोरो कोरो का हड्डी है, जबानी इतने ऐसे ऐसा गलत काम को नहीं करता, वो इज्जत से रखा तो वो इचोरो कोरो का हड्डी है, जबानी सोचो का हड्डी है उनका सही हड्डी। चलो तो सर आगे का प्लान क्या है, आगे का प्लान अभी जब करते करते बता देंगे यार, बहुत लंबा हो गया, अब आपसे बहुत लंबी बात होगी, मेरे बाकी दोस्त वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके सर ओके सर बाय बाय, चलो बाय बाय, सी यू। देवा प्रतिम हाउ यू, नमस्ते, आप देवा प्रतिम आप बताओ हो कहाँ, त्रिपुरा से हूँ सर, त्रिपुरा में कहाँ पे, त्रिपुरा से किधर, त्रिपुरा में धर्मनगर एक सिटी है, धर्मनगर एक सिटी है, अच्छा मैं तो आपने वो कैपिटल कैपिटल में गया था, मैं वहाँ पे बस कैपिटल सिटी में गया था, अच्छा तब तो पता नहीं था, तो अगर पता होता तो चले आता, देखा वो 2-3-4 साल पहले की बात है, बताओ। अच्छा मेरा वो एक दो सवाल था, जो गवर्नमेंट डजंट कंट्रीब्यूट टू नो दिस में आपने लिखा कि दैट भगवान जी हैड सेड सम फेवरेबल थिंग्स अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन लेकिन उनके नेताजी के फॉलोअर्स ने वो पहले फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मतलब सर फोड़ दी थी या ऐसा कुछ हुआ था, तो वो दो कंट्राडिक्ट करते वो ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ में ना दीदी, हाँ 1902 वाजपेयी की गवर्नमेंट में कौन था, हाँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी दीदी सपोर्ट कर रही थी ना, उसका हिस्सा थी ना वो, तो वही दीदी तब बीजेपी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ नहीं है, तो लाइफ में चेंज होता रहता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का और टीएमसी का आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई थी वो बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हो रहे कि नहीं हो रहे, तो जो पहले हुआ वो पहले हुआ, वो सर्कमस्टेंसेस थी वो थी, लेकिन वो था वहाँ पे एक लोकल लेवल में पॉलिटिकल इश्यूज थे, उसमें ये बातें हुई थी डिस्कशन हुए थे, लेकिन श्याम प्रसाद मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की तारीफ ही करी है उसके बावजूद भी अपने टाइम में, उस डायरी का जिसका लोग जिक्र करते हैं कि ऐसा हुआ था घटना घटी थी उसमें उन्होंने नेताजी का तारीफ ही किया, उन्होंने उनके बारे में खराब नहीं बोला, अच्छा ही बोला उनके बारे में, तो ही हैड अ गुड इंप्रेशन अबाउट हिम, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई हैं, तो जो इनपुट मिल रहे हैं वो फेवरेबल थे, बाकी जो पहले हुआ था अगर उसको मैं लेके चलूँ तो जो दीदी ने वाजपेयी जी के बारे में बोला है बीजेपी के बारे में बोला है जब वो बीजेपी का हिस्सा थी उनकी पार्टी उनकी गवर्नमेंट के अंदर, आज उसको मैं आज कोट करूँ, आज टाइम चेंज हो गया, दीदी का क्वेश्चन अच्छा था वाजपेयी जी के ज़माने में बीजेपी के साथ में, दीदी का क्वेश्चन आज अच्छा नहीं है, आज उनका उनके रास्ते अलग अलग हैं, तो जो पहले हुआ पहले हुआ पहले में और बाद में सर्कमस्टेंसेस के बाद जब चेंज हो जाती है तो सर्कमस्टेंसेस सब चेंज हो जाते हैं, इन एनी केस उनकी आपस में कोई दुश्मनी वैसे नहीं थी पर्सनल, बाकी पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है ऊपर नीचे का, हिंदू महासभा का और सुभाष बोस की जो पॉलिटिक्स थी वो उस टाइम पे उन सर्कमस्टेंसेस में उस टाइम में वो एक दूसरे के फेवर में नहीं थे, उनका दोनों का वो था, इवन श्याम प्रसाद मुखर्जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग सपोर्ट कर रहे थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, अच्छा आप बताइए मेरे को श्याम प्रसाद मुखर्जी के फॉलोअर सारे बीजेपी में है ना, हाँ, ज्यादा वो पंडित जी को अटैक करते हैं सुबह शाम,
पंडित जी को अटैक करते हैं, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, पंडित जी गवर्नमेंट थे ना, फिर इन लोगों का टाइप मुस्लिम लीग के साथ भी था, बीच में इनका था, मुसलमानों के साथ था, बीच में गवर्नमेंट उन्होंने बनाई बंगाल में, हमने किताब में लिखा हुआ। तो प्लीज अंडरस्टैंड सिचुएशन जो बिल्डअप हुई है ना वो खराब, 46 से पहले का भारत और बंगाल और 46 के बाद 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, दे आर टू डिफरेंट एरर्स। इफ नेताजी सेड समथिंग और डिड समथिंग बिफोर 46, इट वुड हैव बीन व्हाट एवरीबॉडी वाज सेइंग इन द मेनस्ट्रीम। बट इफ नेताजी वर टू से और डू द सेम थिंग आफ्टर 1946, इट वुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज 46 में डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह हो गया था और मारपीट स्टार्ट हो गई थी। 46 से पहले तो कोई भी, बहुत लोग सीधी बात करते थे, खून खराबा नहीं हुआ था ना, खून खराबा आपके बंगाल में स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ था, लाहौर वार के अंदर। आज बैठ के लोग हमको लेक्चर दे रहे हैं वहाँ से इंटेलेक्चुअल सारे, भैया मारधाड़ बंगाल ये लाहौर में स्टार्ट नहीं, रावलपिंडी के अंदर मारधाड़ स्टार्ट हुई है आपके बंगाल में, आप लोगों ने मारपीट किया तभी जाके यहाँ पे लोग, यहाँ पे आग लगी फिर। तो अब अनफॉर्चुनेटली नेताजी 45 के बाद चले गए, वो थे नहीं, ही वॉज गुमनामी बाबा। अब गुमनामी बाबा के तौर पर उनके जो व्यूज़ हैं वो हमने डाल दिए किताब के अंदर। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जो इनका क्वेश्चन था वो आपको उस सर्कमस्टेंसेस और टाइम के हिसाब से देखना चाहिए, उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस क्या थी, आप लोग क्या कर रहे हैं, आज के सर्कमस्टेंसेस को वहाँ पे चेप रहे हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं कि बिकॉज टुडे यू नो प्रॉब्ली यू नो हिंदू महासभा हैज दिस काइंड ऑफ यू नो इमेज, तो आप उसमें बढ़ाओ। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मैं दीदी के जो स्टेटमेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी के फेवर में उसको मैं आज कोट करूँ, और अटल जी जब दीदी के पास है, दीदी की माँ का पैर छुआ, तमीज से बात करिए फिर। तो वो टाइम दूसरा था, दीदी का क्वेश्चन अच्छा था मन अटल जी के साथ में, वो टाइम और था, आज टाइम दूसरा है, आज ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो टाइम के साथ में लोग चेंज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल गई हैं, जो 2001 में सर्कमस्टेंसेस थी वो सर्कमस्टेंसेस आज नहीं है 20 साल बाद। सेम थिंग अप्लाई टू सुभाष चंद्र बोस एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी एंड एवरीथिंग एल्स। हाँ, बट टेक वन यार्ड से की है कि अगर 46 से पहले लोग चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो, और बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीडर भी नहीं चाहते थे, और मार्क कौन करबा वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन 46 के बाद से जो मुस्लिम लीग ने करा है, जो हमारे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है, उसके बाद से तो देश का माहौल बदल गया। फिर तो फिर हम लोग, अगर उसके बाद सुभाष बोस जिंदा होते और उन्होंने वही स्टेटमेंट दी होती जो उन्होंने पहले दी होती, तो आई वुड हैव बीन नॉट हैप्पी विद इट। भगवान जी ने वो तो पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब खिलाफत से, खिलाफत के बाद एक तरफ से कुछ देखो उसका बड़ा लंबी चौड़ी कहानी होगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नेताजी की जो पूरी मूवमेंट थी उसको, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो किस टाइम में हो रही थी, उनके पास में कितना टाइम था, उनके पास में क्या रिसोर्सेज थे। जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे यूजली आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो नेटवर्क सिस्टम था वहाँ पे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है पहले से काम कर रही थी, और उसमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर कांग्रेस पार्टी के और महात्मा गांधी जी के थे। सुभाष बोस का एम था कि फॉरेन कंट्री में है, सबको साथ लेकर के पहले कॉमन एनमी को भगाया जाए, सो दैट वॉज दैट एजेंडा, एंड ही डिड नॉट हैव मच टाइम अवेलेबल टू हिम, उसने उस हिसाब से वो काम किया। अब उसके पास में अगर पंजाब रेजिमेंट के फौजी हाथ में आए, जिसमें 60% मुसलमान हो, तो वहाँ जाके तो वो बजरंग दल के लेक्चर तो देगा नहीं उनको जाकर के। तो लोग जो इस तरह के स्नैप जजमेंट्स देते हैं नेताजी के बारे में, खासकर राइट विंग के साइड से, कि सुभाष बोस ने ये किया था वो किया था, यार वही बात तो सावरकर पर आप लोग को, आप उनको फंसवाने वाली बात कर रहे हो कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। वो माफ़ी वाला आप पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में कब क्यों कहाँ गया था, दैट इज देन यू अंडरस्टैंड कि वट वॉज द मीनिंग ऑफ इट, देन यू अंडरस्टैंड कि नो सावरकर वॉज डूइंग राइट थिंग्स। लेकिन अगर ऐसा ही स्नैप जजमेंट अगर आप अपने बारे में नहीं चाहते हो, तो दूसरों के बारे में ऐसे एलिगेशन मत। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम एंड प्लेस। सुभाष बोस जब ऑपरेट कर रहे थे और वो भारत के बाहर थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, तब उन्होंने, उन्होंने जो काम किया बिल्कुल ठीक किया उस टाइम पे। और एज गुमनामी बाबा ही हैज एक्सप्लेन थिंग्स विच वी हैव रिटन इन अ बुक्स, उन्होंने ही बोला कि जो सर्कमस्टेंसेस थी, टाइम थी, उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कोई अपीजमेंट नहीं किया, नेताजी अपने हाथ में गीता लेके चलते थे। आपके बंगाल में, आप तो त्रिपुरा में, बंगाल के पूछना कि कौन से लोग नेता गीता साथ में लेके चलते हैं, आधे तो वो लेके चलते होंगे कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो। उसने अपने तो, अपना तो उसने डाइल्यूट नहीं किया स्टैंड कभी। इस टू सबको पता है आईएनए में क्रिश्चियंस ने लिखा उनके बारे में
कि रोज रात को वो अपने सिंगापुर में, वो उनका आरके मिशन में जा करके सेफ्रन कपड़ा पहन करके वो ध्यान में बैठा करते थे, सबको मालूम है आईएनए में। तो उन्होंने कब छुपा, तो वो सर्कमस्टेंसेस, टाइम, प्लेस सभी को लेके चलना है। और देश 1942-43 में एक अलग उस पर था, देश की हालत बिगड़ी है आपके डायरेक्ट एक्शन डे के बाद नहीं, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो जब एक और लॉजिक देते हैं आपके, मतलब नेताजी ने ट्रेड वाले ट्रेडिशनलिस्ट जो वो नेताजी को अपोजिशन में एक लॉजिक देते हैं कि वो नेताजी ने बहादुर शाह के मतलब जो उनके जो वो उसको क्या बोलते हैं मतलब ग्रेवियर्ड है उसमें कुछ चादर चढ़ाई थी, मतलब तो वो भी अपीसमेंट करते थे नेताजी। आपको मालूम है कि इस देश में आपको मालूम है इस देश में एक बहुत टाइम से एक डिमांड है कि बहादुर शाह जफर की जो रिमेन्स है उनको भारत में लाया जाए। हाँ, डिमांड है, बहुत टाइम से डिमांड, वो हुआ नहीं क्योंकि फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बढ़ गई थी वहाँ से, क्योंकि जफर वांटेड टू बी बैरिड इन हुमायूं के मकबरे में या कुतुब मीनार के पास में, उसका बैरिड होने का चांस है वो, क्योंकि एक बड़ा मशहूर उनका है भी ना कि वो कितना बदनसीब है जफर की दो गज जमीन ना मिली अपने कुके यार में, व्हाटएवर, कि मुझे दो गज की जमीन अपने अपने घर में नहीं मिली। आर यू अवेयर कि अटल बिहारी वाजपेयी वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी व्यू? अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गया जफर की कब्र पे? अटल जी भी तो गए हैं ना, आज ये राइटिंग वाले बता रहे हैं तो इनको नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे गया था। और जब मैं बता रहा हूँ कि सुभाष बोस उस जमाने में टाइम और था, सरकमस्टेंसेस अलग थी, उनके पास में पंजाब रेजिमेंट के ही फौजी उनके हाथ में आए थे जिसमें से 50-55-56% मुसलमान थे। जिस फौज में 50% मुसलमान हो उसका कमांडर जो है उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखेगा नहीं क्या? मैं आपको बताऊँ मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमान कम्युनिटी के लिए कितने अच्छे काम किए पिछले 4-5 साल में, जो बैठ के ये छुटबैया नोता जो लेक्चर दे रहे हैं आके ट्विटर पे उनके बारे में, सुभाष बोस के बारे में, उनको पता है? अपने गिरबार में जाकर देखो पहले, मैं आपको दिखाऊं आपके एग्जांपल, आप लोगों ने क्या किया 5 साल में, अच्छे काम किए, अच्छी बात है, सबका साथ सबका बहुत विकास होना चाहिए, वही सुभाष बोस कर रहे थे। और वो टाइम अलग था, वो टाइम ऐसा था ही नहीं। आप उसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग जज कर रहे हैं 47 के बाद के हिसाब से, 86 से 47 में हमारा, अब कल को आप बोलेंगे नेताजी जो थे वो तो चाइना के फेवर में थे, भैया चाइना से लड़ाई कहाँ थी हमारी इस टाइम पे? टाइम चेंज हो गया। आज मेरे दोस्त लंदन में रहते हैं तो आप मुझे बोलोगे कि मैं अंग्रेजों का गुलाम हूँ? नहीं है, अब ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं रहा ना, अब तो हमारे दोस्त हमारे यहाँ पे हैं, अब तो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो किसी भी चीज़ को जजमेंट देने से पहले आप उसका सर्कमस्टेंसेस, उसका टाइम, प्लेस सब नोट करके फिर जजमेंट देते। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सुभाष बोस ने जो भी किया उस टाइम उस सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल ठीक था और नेशनल इंटरेस्ट में था। अच्छा, और जो आपने वो बोला कि मतलब गुमनाम भगवान जी उनके फैमिली के अपने फैमिली के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे तो इसलिए वो घर नहीं गए, तब तक मतलब शिशिर बोस जो मतलब उनके शरद चंद्र बोस के जो बेटे थे वो तो तब थे ना, तो उनके साथ तो नेताजी का रिलेशन मतलब काफ़ी अच्छा था, तो उनके साथ नेताजी का कुछ मतलब लेटर या ऐसा कुछ नहीं मिला उनका कम्युनिकेशन? शिशिर कुमार बोस शरद बोस के 7-8 बच्चों में से एक बच्चा था। शिशिर बोस के बड़ा भाई अशोक नाथ, जिनकी लड़की हैं अपनी जयंती दीदी जो हमको सपोर्ट करती हैं, उनके आर्य उनके लड़के हमें सपोर्ट करते हैं। शिशिर बोस के सेकंड लड़के थे बड़े अपने चंद्र बोस के फादर, वो टोटली अपोज थे प्रियंका स्टोरी के। शिशिर बोस के सारे भाई बहन प्लेन क्रैश थ्योरी के खिलाफ में थे। शिशिर बोस जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं तो उसके बाद से उनका व्यू चेंज हो गया। शिशिर बोस की उनको नेताजी ने उस गाड़ी में चलाने के लिए इसलिए कहा था कि वो अनमैरिड आदमी था, 19 साल का लड़का था। अशोकनाथ बोस ने भी मदद करी है सुभाष बोस की घर से भगाने में, उसने ज़्यादा खतरा मोल लिया क्योंकि वो मैरिड आदमी था, पकड़े थे तो दोनों मियाँ बीवी को जेल में तंग किया जाता। सुभाष बोस की फैमिली में और लोगों ने सपोर्ट किया उनके भागने में, सिर्फ शिशिर बोस का नाम आता लेकिन मदद करने वाले और लोग भी थे। ठीक है, दूसरा है कि शिशिर बोस जो है इसको लेके ओपन नहीं था, उसका झुकाव गवर्नमेंट की तरफ को होना शुरू हो गया था, तो ही वॉज नॉट डीम्ड अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। खुल करके शिशिर कुमार बोस के सगे भाई बहनों ने उस पर एलिगेशन लगाया, मेरी बात छोड़िए, उसके खुद के सगे भाई बहनों ने एलिगेशन लगाए राइटिंग के अंदर उसके ऊपर। सिर्फ एक ही जो एक दो लोगों से उनका रिश्ता था गुमनामिया बाबा का, उसमें थे सुरेश चंद्र बोस जो नेताजी के बड़े भाई थे, मतलब शिशिर के भी चाचा काका चाचा थे, काका हो गए। हाँ,
तो सुरेश को अच्छा, मालूम था। और हाँ वो तो मतलब फिल्म में भी था वो वाला पार्ट, वो गुमनामी में। और जो मतलब दूसरे जो नेताजी के भतीजे थे जैसे अशोक बोस, तो उनके साथ उनका को नेताजी का कुछ मतलब लेटर देखिए, मिला, अभी लेटर वेटर ज्यादातर कुछ लोगों में मिला? उन्होंने उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, तो हमें सब दो ही के नाम मिल रहे हैं, एक तो उनका भाई बड़ा भाई सुरेश बोस, और दूसरा जिसको हल्का सा मालूम था वो डॉक्टर डीएन बोस, उनका जो उनका नेताजी का भतीजा था उसको मालूम था। ये दो का पता है मुझे, बाकी का अगर वो भी अब छुपा दिया क्यों नहीं बताया मुझे पता नहीं, लेकिन इन दो के अलावा मुझे और नाम नहीं पता, इन दो को तो मालूम था। अब कई बातें मैं कंफर्म कर सकता हूँ, जैसे कई बार हमें बोला गया कि कुछ बार उनको कुछ खाने को सामान आता था और वो खाने की चीज़ वो उनके घर से आया करती थी। अब लेकिन मेरे पास डिटेल्स नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको, आई कैन ओनली गिव यू डेटा विच आई कैन प्रूव। सो सबसे इम्पोर्टेंट उस जमाने जब वो एक्टिव हुए हैं तो उनका भाई सुरेश बोस था, तो सुरेश भाई से सुरेश बोस से कांटेक्ट में था। सुरेश बोस ने खोसला कमीशन में जाके पब्लिकली बोला कि वो मेरा भाई जिंदा है, तो मैं उसकी बात मानूंगा ना फिर बड़े भाई की। शिशिर बोस कांग्रेस पार्टी का आदमी था, उसकी बात का क्या माने हम लोग। और मतलब शरद बोस ने भी मतलब वो बंगाल एक अलग एक कंट्री शरद बोस की वो डेथ उसके 1950 में हुई है, शरद बोस ने खुल्लम खुल्ला बोला कि मेरा भाई नहीं मरा है, मेरा भाई चाइना के अंदर है, और ये चाइना वाली थ्योरी सिर्फ गुमनामी बाबू पे आती है, कहीं और नहीं आती है। तो शरद बोस का स्टेटमेंट भी पूरा फेवर में आता है, शरद बोस ने कभी नहीं माना वो प्लेन क्रैश में मारे उनके। मैंने बोला सिर्फ वही लोग फैमिली के जिनका लिंक कांग्रेस पार्टी से हो गया, वही आपका शिशिर कुमार बोस और उनकी मिसेस जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए और एमपी थे, मतलब जिस आदमी के खुद के भाई बहनों ने उसको डिसोन कर दिया, उससे आप क्या बात बोलो। उनके सगे भाई बहन ने, सगी बहन तो भी मरी चित्रा मैडम, कजन की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो सारे ही क्लोज थे। सगे भाई ने चिट्ठी लिख के बोला कि मेरे मतलब रशिया में गवर्नमेंट डजंट वांट टू नो दिस में अच्छा देखो, लिखा अब मैं आपको अभी है आपको आज बस अभी हो गया, क्योंकि एक इशू आपके एंड पे कि आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क क्लियर नहीं है, तो लोग हमारी बात ओके समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बाद में कभी अड्डा आएगा तब करेंगे, ठीक है। ऋषि और धीर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं करता हूँ, ठीक है, चलो बाय बाय। धीर हाय, हाय सर, हाय, नमस्ते नमस्ते, वेयर आर यू नमस्ते। लोकेटेड फर्स्ट? आई सर, आई डोंट नो इफ यू रिकॉल मी, बट वी हैव आई हैव आई रिकॉल योर ट्वीटेड, नेम एक्चुअली। Yes, so I have tweeted a couple of times to you and you have retweeted my tweet. So basically I discovered you in February or March through YouTube, you and the videos regarding where you were talking about Subhash Chandra Bose. Uske baad fir maine aapki book kharidi, Government Doesn't Want You to Know, and I got super interested in the subject. So currently I am a student. You read the book. In fact, after reading the book, I tweeted that and you had retweeted my tweet. So I'm getting the Hindi edition done of like Hindi will be slightly updated because it's like I am able to add new points. For example, you know, we've got a report from another expert, which is a foreign expert. I mean, he has given his opinion that there's something wrong with the DNA. Now this one is a foreign expert. By foreign, I mean somebody living in a Western country, reputed one. So once the report is out, I mean, when the book is out, I will tell the name. Mm-hmm. So we have added more. We have added more information in the Hindi edition because you know the new updates keep on coming. So because I wrote this book, you know, Chandu Chunai, keeping in mind that most people cannot read thick books. So government doesn't want to do this to the point precise. And our intention was, suppose you pick up book at airport, let's say in Delhi, and by the time you land in Bangalore, you should be able to read 30-40% at least. लोगों के पास में टाइम नहीं है ना, दो तीन सिटिंग में किताबें खत्म करना चाहते हैं कोई, और वो हर एक आदमी के पास में टाइम नहीं होता। आई थिंक इवन आई कंप्लीटेड द बुक इन विद इन 3-4 days और समथिंग, दैट वाज द आईडिया, बिकॉज़ नोबडी कैन रीड। इन फैक्ट देयर इज अ रिसर्च व्हिच शोस दैट मोस्ट पीपल डोंट रीड बुक्स, इफ द बुक्स आर थिक दे प्रोबब्ली रीड 10% एंड दे विल नॉट फिनिश द बुक। सो इंटेंशन वाज टू टेल यू एवरीथिंग, सो इन सिंपल प्लेन लैंग्वेज विदाउट फुटनोट्स, जस्ट टेल दैट होल स्टोरी, गिव ऑल द लॉजिकल आर्गुमेंट्स, पीपल विल अंडरस्टैंड। सो दिस एंड दिस कैन बी यू नो done in different languages also. So Hindi हम doing, बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो मोटी वाली किताब जो कनंड्रम जिसमें सारा पूरा हमने भर दिया, वो उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब हिंदी में तो मैं कर सकता नहीं। So I haven't read the this book you're talking, Kakandrum, but उसकी मैंने मूवी देख ली। नहीं वो नहीं वो मूवी देख ली। नहीं नहीं वो मैं बता आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट डजंट वांट टू नो दिस, अ वेरी कंसाइज समरी। हां इट्स नथिंग, द एक्चुअल स्टफ इज दैट कन्हंड्रम में आपको एक एक डिटेल में बांग्लादेश के बारे में सबके डिटेल में, और उसका लेवल ही अलग है।
फुटनोट एंड नोट डाल करके उसको फिर हमने वो लिखा ऐसे कि उसको पढ़ने वाला जो है हाई लेवल का कोई पढ़ेगा समझ में आएगा। तो बहुत उसमें बहुत कुछ है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हम लोगों ने, डिटेल में समझाया, डिटेल में एक चीज़ कौन कब कैसे आया किससे मिला क्या लेटर लिखे लेटर्स की फोटो कॉपी डाली हैं बातचीत बोली हैं उस जमाने के पोलिटिकल चीज़ को समझाया एंड दिस लॉट ऑफ स्टफ अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। इनफैक्ट दिस एंटायर स्टोरी अबाउट हिटलर वी एक्सप्लेन इन आई थिंक 4-5 pages वेरी पूरा कंसाइज समझा करके पूरा डाला, ऐसा नहीं इसमें तो एक लाइन लिखी सब है मुश्किल से इस किताब हिंदी में। तो अगर आपको है पढ़ने में अच्छा लगता तो आप यू विल लव कनंडम बिकॉज कुछ हुआ होगा बट टू गेट इट ऑल इन वन प्लेस विद ऑल प्रूफ्स इट वॉज अ बिग थिंग। तो फिर मैंने आपकी वो गुमनामी मूवी देखी जो आपके और आपके कलीग के ऊपर बेस्ड है and so last week or 2 weeks back I got a chance to be in a YouTube live with this historian called as Abhijit Chawda, aap unka naam agar aap jante ho, I think you were the one who had tagged me the other day na asking him yes. to you know yes yes to unke aise YouTube live session available mein. Anybody who wants me to you know come in for a you know for interview I'm available now, pehle nahi tha pehle mujhe kuch problem thi beech mein abhi main available agar wo mujhe Abhijit ji bolenge to main aa jaunga। In fact, I somebody has discover किया। So he is a historian, he is a physicist. तो वो podcast बहुत अच्छा करते हैं। बहुत करते हैं, बहुत simple language है, बहुत अच्छा presentation, बहुत अच्छा। उसका मेरा presentation नहीं है, मैं crude आदमी, मैं सीधा बस I can only answer question, that's all. I can give presentation real world. That is why my fault. My actually expertise lies not in making videos. I can actually give lectures in front of 400 people, 500 people with that is where that's my strength actually. That's I'm so eager to go out to do. This is not my strength. I'm very bad with this online thing and making videos. I can't do it. But Abhijit makes fantastic videos. I've seen he has done. So I would be very happy if he, for that matter, anybody. I'm usually available to anybody. I don't even ask them how many hits you get on your videos if you. So it's even I am a student. I am a student. I am an MBA student from IIM. आप हैं कहाँ? Location मैं भूल गया कहाँ? मैं Calicut में हूँ अभी. मैं campus में हूँ. IIM Kozhikode. Calicut में ओके सो राइट नाउ दिस इज माय हॉस्टल। हां बोलना यार, बुलाओ कभी, बुला ले मेरे को, मैं तो फिर इनफैक्ट वही तो मैंने जब आपको ट्वीट वगैरह किया सो आई वाज लुकिंग फॉर योर ईमेल आईडी डीएम वगैरह, मुझे चांस नहीं मिला करने के लिए। नहीं नहीं मैं आपको अभी मुझे आप दे देना, मैं आपको डीएम करवा दूंगा फिर आप, लेकिन अभी वो आपके योर दिस सेशन आफ्टर योर फ्री जस्ट लेट मी नो योर ईमेल और समथिंग आई विल रिक्वेस्ट यू जस्ट एक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना अपना इसका आप मुझे भेज के टैग कर देना, मैं फिर आपको विद इन विल फॉलो अप। एकता कपूर बोथ डेड एंड लाइव फाइनेंशियली हिट, सो सिर्फ क्रिटिकल की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिल्में चलती नहीं इस इन टॉपिक्स के ऊपर, किसी के पास फालतू का टाइम नहीं कि बैठ के 500 रुपये खर्च करके सुभाष बोस की फिल्म देखा जाएगा हॉल के अंदर, तो उसको चाहिए अपना ये नौटंकी वाला प्रोग्राम था। तो दैट कैन बी अ गुड मॉडल फॉर देम टू डिस्कस अंडरस्टैंड कि इफ आई एम आई हैव पर्सनली नॉट मेड मनी आउट ऑफ इट बट बिकॉज ऑफ मी नेताजी हैज बीन न्यूज एंड सो मच थिंग्स हैपन्ड सो प्रॉब्ली स्टूडेंट्स in IIMs they know they are into the habit of studying all the aspects of how things are marketed. We have done marketing, we have done changed the whole idea concept. The very fact in this age and time people like you and me are discussing Subhash Bose's death is a wonderful thing, isn't it? And that's because of what my friends and I have done last 20 years. So that is something you know can be discussed. Correct so even I'm available. jo mujhe bulayega main aa jaunga. उसमें
I have to go out and talk to people face to face and do my presentation, start correct, as soon as possible. You know, so correct. And I was hearing you for the last 2 months. So, आप एक viewer को बोल रहे थे कि हमें support नहीं मिल रहा किसी political party का, इसलिए हम इसको बड़ा नहीं कर पा रहे, वापस उसको limelight में नहीं लेके आ रहे हैं. So, I would suggest कि just go on do, because social media is super big right now since the last 2-3 years after Jio coming up. एंड टीयर टू टीयर थ्री में भी बहुत ज्यादा आप कनेक्ट हो सकते हो. सो ये अभिजीत छावड़ा या जो भी ऐसे जानी यूट्यूबर्स हैं उनके साथ अगर आप सपोज संजय जी ने मेरा लिया था उन्होंने बीच में करके मेरे दो तीन और अजीत भारती से मेरी बातचीत हुई थी करके वो ले लगे, लेकिन बीच में मेरा कुछ पर्सनल ट्रेजडीज हो गई और प्रॉब्लम हो गई तो मैं कर नहीं पाया कुछ. अभी हम लोग And sir, I also wanted to know about the update. I have heard one of your lectures, which was uploaded on YouTube, wherein you told that the BJP government, after Modi came in, they declassified certain files. And not all. So what do you have a say on, what is your say on this? Why or when do you see them, you know, declassifying all of that so that your research actually makes... I do not know. There was a view initially that they, somebody said they would do it at the right time. So right time hasn't come in 6 years. So probably they will take their own sweet time according to their own strategy, whatever they have not done that. So I will take it they have not done it. So if they have not done it, so the other way ki they took this issue, did something out of it and then left it because they probably have in their estimate, sir, I wanted to understand not worth the trouble. What is for them? Because I understand Congress for the last whatever number of years. Mentioned in the book also. We mentioned the book, but more details you'll find in a conundrum. But then the detail is same. The main thing is probably the biggest brand of India, which is sellable in Western countries. But that's what it matters. And it doesn't make a difference what sells in Africa for Indians actually. So the what Gandhi brand sells all over the world, especially in the Western countries and the entire elite class of India, be it from the business fraternity or journalist or bureaucrats especially and others, they all aspire to, you know, study there and settle down and send their children there out those countries. Gandhi is sellable there. Now, the moment you bring Subhash Chandra Bose out, this Gandhi brand will suffer big time. So that is something is not with the government doesn't want to, you know, especially the bureaucracy, which has an interest, deep interest, because इसमें से बहुत बड़ा बेसिकली वही ICS की चमचागिरी है कि और इनका लाइफ का पूरा वो घूम फिर के आता है कि मेरे को बच्चा सेटल करना है अमेरिका में अपना यूरोप में और वहाँ गांधी का नाम चलता है तो मैं क्यों बेकार पंगा लूँ सुभाष बोस के नाम पर. सुभाष बोस इज नेवर गोइंग टू बी फेमस पर्सन इन अमेरिका. सो व्हाई शुड आई पुट माय मनी ऑन सुभाष बोस एंड इट्स बेटर टू टॉक अबाउट गांधी जी एंड इवन दो दिस ऑल नॉनसेंस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट बट इट सेल्स इन दोस कंट्रीज बिकॉज द होल गांधीयन नैरेटिव शोज कास्ट यू नो द वाइट मैन इन गुड लाइट देयरफॉर सेलेबल इन वेस्टर्न कंट्रीज. You see a movie called Attenborough's movie Gandhi, which was funded by government of India. It shows the white man in good light on the whole. They were good people, nice people. Now they came here, they did something wrong, but eventually when they were asked to leave, they all left. Such decent people. That. So this is like famous in England, then it, you know, becomes famous at long. You know, after all, they're all mm-hmm. same, Australians, Americans. And over a period of time, you know, everybody wants to have peace. You know, this John Lennon song, you know, all sounds about... all we are saying give peace a chance, you know, imagine all the people and all. He says these are good things, we may not want this thing. People, you know, go up and beat up their own wives, but they want to sing John Lennon songs. So people want, this is a fashionable thing to talk about ecology and peace and all that thing, you know. So Gandhi in that sense has been very well marketed and it shows the, you know, Britishers in good light, so they had never had any objection to it. So it's become very well known and this Gandhi film has done wonders for them. So now this whole thing will crumble down if you bring Netaji thing out, that India's freedom did not happen because of somebody was, you know, going around and peacefully telling people to leave. No, it happened because somebody actually went out and shook hands with Hitler and others in Japan and all that, and that's how it happened. No, this is a story which is not sellable in America. Is this a real? Correct. The other one is sellable because it makes, you know, they're also happy. So that's a problem. So this is, so the Indian ruling elite does not want this thing to come out. And there are a lot of other complications. But sir, हाल ही में ये जो आपने factually correct statement बोला है कि it was not only because of Gandhi, it was because of other these factors where he got independence. Yes, Gandhi is a minimal role. That is a very clearly. Minimal. I have no reason to doubt the statement of Clement Attlee. It's a minimal role. Correct. मैं ये पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, मुझे experience, मुझे knowledge नहीं है. किसान भाई हमारे धरने बैठे हैं, ठीक है? Peacefully. वो धरने वरने से गवर्नमेंट का एक्ट वापस नहीं हो रहा 8 महीने से, जबकि गवर्नमेंट सारी गांधीवादियों की है.
तो एक गांधीवादी सरकार धरनेबाजी से अगर अपना एक्ट वापस लेने को तैयार नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि कोई अंग्रेज जो थे इतने शरीफ थे कि आप धरने बैठोगे वो अपना अपना अंपायर छोड़ देंगे जिससे पैसा उनका निकलता है अपना? चाइल्डिश फैंटेसी। धरने से कहाँ काम होता है? धरने से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5 पैसे की आपको रोटी नहीं देगी, आपको तो अंग्रेज क्यों छोड़ेगा आपको? मुझे बताइए क्या लॉजिक क्या उसके पीछे? दिस इज अ स्टोरी विच यू नो शोज देम इन गुड लाइट द ब्रिटिश, एंड बिकॉज इट शोज देम इन गुड लाइट इट इज प्रोपेगेटेड एवरीवेयर। कितने अच्छे लोग थे। आज आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कह रहे हैं कि वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। हमारी कंट्री ऐसी है कि हमारी कंट्री के लोग बैठ के ये बोलते हैं कि जापान ने यू नो वो कम्फर्ट वुमन यूज़ की थी कोरिया के अंदर, उनकी बड़ी चिंता होती है उनको बड़ी। अबे सालों हमारे हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने की थी वो तुम्हें याद है, जो चलाया था चकला सिस्टम यहाँ पे उन्होंने, कि हमारे यहाँ पे जो सेक्स उन्होंने स्लेव्स बनाए थी, आपको उनकी टेंशन नहीं है अपने लोगों की, आपको चिंता कोरिया की जापान की, कि वहाँ हिटलर ने वो ज्यूज़ को मार दिया उसकी उसका आपको बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है जो मेरे बंदे मारे उनकी तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि इनके आपने वाइट वॉश कर दिए सारे सिन, आपने कोई कंपनसेशन इनसे कभी नहीं मांगा। आज कह रहे हैं कि साहब हमारा फॉरन मिनिस्टर कह रहा है कि इंग्लैंड नोज अस लाइक वन कितने ट्रिलियन डॉलर्स एंड ऑल, क्यों पहले क्यों नहीं मांगा आप लोगों ने इनसे? आज भी मांगिए आप लोग, आपको देंगे आंसर अंग्रेज कि यू आर इन्वॉल्व इन द लूट विद अस ऑल ऑफ यू। हमारे तो 4000 आदमी यहाँ पे थे, बाकी सब तुम्हारे लोग थे लूटने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। उनके सारे आपने सेंस वाइट वॉश किए, आपने उनके सारे वॉर क्राइम्स कवर किए, आपने उल्टा उनको पैसा दिया। आपको पता है जब हमारे यहाँ जिन लोगों ने अंग्रेजों ने यहाँ पे नौकरियाँ की पुलिस में फौज में, इंडिया को गुलाम बना के रखा था, उनकी पेंशनें कौन देता था 47 के बाद में? हम देते थे। Oh my क्या, God. क्या क्या कहानियां सुना रहे हैं बैठ के लोगों को बैठ के, साला ये हो गया हमने भगा दिया। किसने भगाया? आपने जलियांवाला बाग में आप बैठ के उसको बदनाम कर रहे हो कि वो डायर ने गोली मारने का बोला, उसने गोली मारने को कहा था ना, मारी तो तुम लोगों ने, और जिन लोगों ने गोली मारी उनको तुमने सन पेंशनें दी हैं इंडिपेंडेंस के बाद में। जिन लोगों ने 1857 में अंग्रेजों को सपोर्ट किया उनके डिसेंडेंट को आप लोगों ने पेंशनें दी हैं। मैं फ्रीडम इंडियन उसकी बात कर रहा हूँ, अपने फ्री इंडिया की। अब आपकी बड़ी ईगो हर्ट हो रही है कि कोहिनूर का हीरा आपको नहीं मिल रहा वापस। यू आर पार्ट एंड पार्सल, यू आर कोलैबोरेटर्स ऑफ द ब्रिटिश राज ऑल ऑफ यू। आपको पैसे मांगे चाहिए कि आपने हमारे 2 मिलियन फौजियों को आप लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया, यू ओ अस कॉम्पनसेशन फॉर दैट, गिव अस द मनी। वो उन्होंने आपसे तो सूदा है, लड़ाई उनकी पैसा मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुझे क्या करना है उससे? हिटलर जो कर रहा है गलत कर रहा है, पर मैं उसका ठेका लूँ कि पहले अपनी कंट्री को देखूंगा? दैट इज अ होल थिंग। सुभाष चंद्र बोस वाज कंसर्न्ड विद हिज ओन कंट्री फ्रीडम, हिज ओन कंट्रीज बिकम, व्हाट वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन 1940-41-42-43? टू बिकम फ्री, नॉट टू सी कि भैया मेरे को नोबल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है, या मुझे वहाँ पे जापान में क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम करने के लिए वो बैठे हैं जादवपुर में बहुत सारे, जिसको बकचोदी कहते हैं यहाँ पे बंगला के अंदर, तो बहुत लोग बैठे हैं उसके लिए करने के लिए। अरे भैया पहले अपने कंट्री का देख, तेरी कंट्री में क्या हो रहा, तुम पहले आज़ाद हो गए। आज मैं देख रहा हूँ, आज वो पता नहीं कहाँ पे इसराइल में कोई इंडियन आर्मी के लोग गए थे 1918 में, उसके बैठ के ढिढोरे पीट रहे। और यार वो हुकुम के गुलाम थे साले, वो पैसा दिया तो वहाँ चले गए, पैसा दोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे वो लोग। उनकी तुम क्या, उनको वो देवर मर्सनरीज, माय ग्रैंडफादर वाज अ मर्सनरी, ही वाज आल्सो इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अपनी कंट्री तुम्हारी आज़ाद नहीं है, तुम बैठ के अंग्रेजों के गुलाम हो, तुम कहाँ से जा रहे हो दूसरों को उंगली दे रहे बैठ करके? तो पहले अपनी कंट्री की सोचो, हमें अपने को आज़ाद करना है, दैट वॉज द मेन फॉरमोस्ट रीज़न, मेन नेशनल इंटरेस्ट। और वो करने के लिए चाहे मेरे को सपोर्ट लेनी पड़े हिटलर की या तोजू की, मैं लूँगा। This is how a country performs. मुझको नोबल प्राइज़ नहीं चाहिए, मेरे को कि मैं बातें करूँगा अच्छी अच्छी भैया ये है उसको गाली दूंगा और मुझे नोबल प्राइज़ मिल जाएगा बाद में, वो भी नहीं मिला उनको। ठेंगा चाचा का नाम क्या था ना क्या बार नोबल पीस प्राइज़ में, नहीं मिला उसको। तो ऐसी बातें, तो ये दे हैव टू अंडरस्टैंड। सो आई हैव लॉट ऑफ डेटा विच बहुत सा मैं बताऊँगा नहीं आपको ऑनलाइन में, कि मैं चाहता हूँ कि दिखाऊँ लोगों को। मैं अमेरिका में गया तो लोगों ने मुझसे पूछा था, वहीं के लोगों ने, एक दो आ गए थे बाई चांस, ये आदमी तो उसके साथ में था, मैंने उनको 2 वीडियो दिखाए, मैंने कहा मैं तुम्हारे दिखाता हूँ वीडियो अमेरिकन के, देखो ये वीडियो तुम्हारे लोग बताएंगे तुम्हारे को कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, यू हैव प्रैक्टिस दिस पॉलिसी। अब हमें लेक्चर दे रहे हैं आप लोग सभी दुनिया में। अभी तुम्हारे अमेरिकन में और पाकिस्तानी में क्या तुम्हारी कॉमनैलिटीज़ हैं? बाकी अमेरिकन में और सऊदी में क्या क्या दोस्ती का क्या क्या ग्राउंड है, क्या कॉमन वैल्यूज़ हैं अमेरिकन की और सऊदीज़ की? वर्ल्ड की सबसे ओपन कंट्री, सबसे वर्ल्ड की सबसे क्लोज कंट्री है। नेशनल सिक्योरिटी आपके नेशनल इंटरेस्ट है। आपको पता कि अमेरिकन को नहीं मालूम कि सारे पाकिस्तानी गाली देते हैं अमेरिकन को,
उसमें क्या ओपन, उसमें क्या टॉप सीक्रेट है? एवरीबॉडी नोज कि इन पाकिस्तान इट इज़ वेरी कॉमन टू अब्यूज ज्यूज, इट्स वेरी कॉमन टू अब्यूज अमेरिकन्स। ओसामा बिन लादेन वहाँ से मिला था, और आप स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या उनके बारे में कि साहब ये हमारा एलआई है, सिक्योर क्या करें, मजबूरी करना, महात्मा गांधी नेशनल सिक्योरिटी में काम करना पड़ता है उनसे। तो वन हैज़ टू थिंक, ये मॉरलिटी के व्यू में सुभाष बोस को जज कर रहे हैं, और ये मॉरलिटी वाले वही हैं जो वो जाके लेक्चर देने जाते हैं जेयू के अंदर कि मेरे को बच्चे सेटल करने हैं अमेरिका में, कल को यूरोप में जाना है, चाहे सुबह शाम बैठ के यहाँ पे लाल सलाम करूँगा, लेकिन बच्चा सेटल करना यूरोप अमेरिका में, तब इनको याद नहीं है कि बच्चा सेटल करने के लिए क्यूबा भी है। सो दैट्स मॉरलिटी को साइड पर रखिए, ये मॉरलिटी वॉरलिटी नहीं चलती है नेशनल सिक्योरिटी में। पंडित जी ने भी नहीं फॉलो करी मॉरलिटी, उसने बोला उनके स्टेटमेंट हमने किताब में डाली है कि कश्मीर में मॉरलिटी कैन वेट, पहले नेशनल सिक्योरिटी आएगी हमारी। तो इट्स ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में 1940 में था फ्री होना। पहले हमारी कंट्री का इंटरेस्ट ये नहीं था कि भैया कि हमको जापान क्या कर रहा है वहाँ पे उसकी हम उसमें उंगली देने जाके दें, वो उंगली देने के लिए बैठे प्रोफेसर यहाँ पे बहुत सारे पॉन्टिफिकेट करने के लिए। ऐसे नहीं चलती नेशनल सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी विक्योरिटी, ऐसे नहीं होती भैया। तभी तो आप लोग अपने देखो, अपनी हालत देखो, अपने गिरे बांध में झांक के देखो तुम लोग क्या थे। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेटली वो सुभाष चंद्र बोस हैपन टू बी ऑन द साइड ऑफ द एक्सिस, एक्सिस लॉस्ट द वॉर, उनको मॉन्स्टर डिक्लेयर कर दिया गया और इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया उसको, एंड गांधी जी का नाम चलता है यूरोप अमेरिका में। और आज आप ट्रुथ निकाल दोगे तो गांधी ब्रांड खत्म होगा, गांधी ब्रांड खत्म होगा तो इनके ये जो गांधी ब्रांड से जो पैसा कमा रहे हैं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी जिनको फायदा पहुंचता है। नहीं तो जितनी वाहियात स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं सुबह शाम, हमारा प्राइम मिनिस्टर दे रहा है जाकर के ऑस्ट्रेलिया में जाके बोल रहा कि गांधी जी के दिखा रहे रास्ते चल के आप आतंकवाद को हरा सकते हैं। तो भैया आतंकवाद अगर हार जाएगा गांधी के रास्ते पे तो अजीत डोवल क्या करने बैठा हुआ यहाँ पे, फिर क्या बेकार पागलबंदी की बातें आप लोग बोले जा रहे हैं, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं दुनिया भर के। गांधी जब बोल गया फौज को डिसबैंड कर, डिसबैंड करो, उससे बड़ी ट्रिब्यूट और क्या होगी वो बताइए मेरे को, वो हमने दिया करंट टर्म में डिटेल दिया पूरा आपको, उससे बड़ी ट्रिब्यूट नहीं है गांधी जी को कोई, फौज को डिसबैंड कर दो आप लोग पक्का 100% नोबेल पीस प्राइज मिलेगा आपको, और देश जाएगा भाड़ में आपका उसके बाद। और इतना गलत काम ये लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जब जब देश में पूरा ये दिखाई दे रहा है कि लोग फौज में नहीं नौकरी कर रहे हैं, फौज में आपकी संख्या कम हो रही है अफसर की, अब बड़े बड़े शहरों में दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास लड़के लड़कियां लड़के तो फौज में नहीं जा रहे हैं, अफसर रैंक में नहीं जा रहे हैं, एसएसबी में नहीं जाते, आजकल सब मल्टीनेशनल नौकरी करते हैं, उसमें तुम कह रहे हो कि हम लोग यूथ में हम लोग गांधी वैल्यू प्रमोट करेंगे, तो मरवाओगे देशों क्या? और ये वैल्यू कहां तक प्रमोट करोगे आप लोग, कल को ब्रह्मचर्य भी लेकर आओगे आप लोग बीच में क्या? ये तो वैल्यू है ना, वैल्यू और क्या थी इनकी गांधी जी की, पहली वैल्यू उनकी नॉन वायलेंस अहिंसा, दूसरा ट्रुथ, तीसरा भ्रम चल रहा है, ये तीन टॉप वैल्यू है, स्वच्छता कोई उनकी टॉप वैल्यू में नहीं आता, तो कहाँ आप खत्म करेंगे आप लोग, आप क्या प्रमोट करना चाहते हैं, क्या मैसेज आप लोगों को देंगे आप लोग? तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि 4-5 साल में इलेक्शन में तो जीत जाएंगे, भैया तुम लोग जो पेड़ लगा कर जा रहे हो, पेड़ हमें नुकसान पहुंचाएगा कल को, कल को कोर्ट में केस कर देगा भैया कि जब सरकार की पॉलिसी अहिंसा की तो मुझे फौज में क्यों ज्वाइन करने को बोला जा रहा है। That is a policy. We have said it publicly. We have said it. राजनाथ सिंह ने पब्लिकली बोला कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे हमेशा के लिए। So it's a big problem. So this will create lot of friction, lot of problems in our country. So it's not very easy to get this Netaji truth out, unless there's a huge wave in favor of it. Because the plus point with the BJP, they have everything to gain from it if they play their cards right. So they can be persuaded. Congress will never do it because they have everything to lose. Communists will never do it, they have everything to lose. BJP has much to gain from it. But somehow right now, the system that they are controlling, that system is not in favor of it. Because all these, and most of the IAS officer and IFS officers, wo sab baith ke bhai apna bacha set karna hai America mein mujhe. Which is not wrong by itself. I have friends in America, there's no problem. They are more, in a sense, even after getting an American passport, they are more Indian than I am. Then it's like, but then we have to be mindful. You know, Bobby General जैसे लोग नहीं होने चाहिए हमारे country में, उस country में हमारे जैसे लोग. That's how it is. Okay sir, thank you so much. मुझे ये करके ना एक करके आप मुझे वो भेजो. Then मैं क्या करूँ? आपको Twitter पे tweet करूँ? Twitter में आप एक screenshot लगा दो इसका आज हमारे की बातचीत का. Just I'll know. I'll remember your face. Okay, thank you sir. चलो, thank you.
Bye-bye. See you. Rishi ji, hi, namaste. I love Namaskar. Your mustache and beard. Pura aapka main nahi to growth hi nahi itni tar main kya dikhu. Thank you sir. Ye ek liye aap 2-3 saal ki mehnat hai sir. अरे बहुत अच्छा, 2-3 साल भी लगा दूंगा तब भी नहीं होंगे मेरे ऐसे। ओके एंड सबसे पहले तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई मीन वी फॉलो ईच अदर ऑन ट्विटर सो थैंक यू सो मच सर जी सो इट्स अ रेयर प्रिविलेज फॉर मी टू बी फॉलोड बाय यू ऋषि जी अड्डा है हम तो बैठ के बातचीत कर रहे हैं कोई प्रिविलेज कुछ नहीं मतलब मेरी किस्मत है कि मैं 2-2.5 घंटे से बोल रहा हूं मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए कि दो लोग 1 घंटे में छोड़ देते हैं प्रोग्राम देखना मेरे हिट कम हो जाते हैं उल्टा तो okay. मेरे को फर्क पड़ेगा अगर मैं 1 घंटे बंद लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी भी इच्छा है लोगों से बातचीत करने की अब मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं काटूंगा आप देखो लेकिन मैं क्या करूँ 2-2.5 घंटे हो गए हैं नहीं नहीं ऑलरेडी 2 घंटे ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा तभी जब उसको घंटे 1.25 घंटे में खत्म करूंगा लेकिन अब आई नो बट स्टिल आई कीप ऑनिंग बट समवेयर हैव टू एंड एंड स्टिल और चाहता हूं हर एक से लंबी आई विल ट्राई टू कीप इट प्रिसाइज No, no, I'm not asking you to, like, short, to speak less, but I think I try to talk with people with as much as I can, but then still I have a time constraint, you know. And it is not in my interest to keep talking for 3 hours because people will not watch the video in a good numbers if they are, it goes on for 3 hours. This is not about you. This is a general thing I'm telling myself. तो अनुज जी मेरा एक 3-4 सवाल थे लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं खैर आपकी किताब तो नहीं पढ़ पाया तो क्या है कि मेरा काफी टाइम हो गया तो मेरा थोड़ा रीडिंग का हैबिट चला गया तो फिर संभव मैं आप एक काम करो मैं बता दूं उस दिन में ये आप ये सभी के साथ है मैं भी किताबें नहीं पढ़ता अगर आप हमारी दो मोटा मोटा दो किताबें एक है कनंड्रम वो बहुत मोटा कनंड्रम यस पढ़ने की वो बहुत वो वही देख के मेरे हौसले पस्त हो गए नहीं नहीं वो Not only it is thick, it is also very difficult to understand. Yeah. उसको मत. एक हमने किताब निकाली छोटी. Government doesn't want you to know this. Want you to know. वो भी देखा मैंने. वो किताब बहुत सिंपल है. साइज उसका बिल्कुल छोटा है. समझने में आसान है. आप उसको यहाँ से उठाइए. फ्लाइट में पकड़िए. और यहाँ से दिल्ली से आप कैलिकट लैंड करोगे आपकी किताब 70% खत्म हो जाएगी. आपके 2-3 सिटिंग में आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा. And it is purely fully enjoyable. तो जो नहीं पढ़ सकता मोटी किताब उसके लिए छोटी किताब निकाली उसमें है सब कुछ मेरा इंटरेस्ट था उसको जाने का आई एम टेलिंग यू इवन आई डोंट रीड बुक्स पीपल सेंड मी बुक्स आई टेल देम लुक आई डोंट हैव टाइम मेरे पास किंडल में इतनी बुक्स पड़ी है मैं नहीं पढ़ता हूं मैं अभी सुगाता बोस की किताब भी नहीं पढ़ पाया सुभाष बोस के ऊपर मैं भी आपकी मैं भी किताबें नहीं पढ़ता हां जी लेकिन मैंने कोशिश करी है चालू अभी हां जी तभी आजकल वैसे मैंने ये विक्रम संपत जी की ये बुक मंगाई थी हाँ, तो इसे अभी करीब यहाँ तक कंप्लीट कर पाया हूँ करीब 100-150 पन्ने करीब मैंने नहीं पढ़ी मेरे जबकि विक्रम जी मेरे दोस्त हैं उसके बावजूद मैंने नहीं पढ़ा किताब उनका हाँ जी वैसे विक्रम जी मुझे भी फॉलो करते हैं ट्विटर पे तो विक्रम जी हैज बीन वेरी सपोर्टिव विक्रम जी तो हाँ जी मैं एक्चुअली उस सवाल पर आने ही वाला था मेरा सवाल में इंक्लूडेड था एक्चुअली क्योंकि मेरा सवाल इसी से इंक्लूडेड था कि ये जैसे एक मार्वल यूनिवर्स होता है हम अगर आज के जनरेशन की बारे को देख के बात करें मार्वल जो यूनिवर्स होता है उसमें सारे सुपर हीरोज एक साथ आ जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि आप जैसे लोग जिन्होंने एक पूरी हिस्ट्री को फिर से रिविजिट किया और विद यू हैव सीन द एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स एंड यू हैव सीन मोर डॉक्यूमेंट्स देन एनीवन आई कैन काउंट ऑन दिस की आई कैन वाउच फॉर दिस कि आपने इंडिया में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितनी रिसर्च करी होगी आई डोंट थिंक किसी ने की होगी हाँ जी ऑन द इशू ऑफ हिज डेथ नॉट ऑन हिज अर्ली लाइफ बट ऑन द इशू ऑफ लाइफ एंड टाइम चंद्रचूर घोष इज वेरी गुड सो यू विल नो इन फ्यूचर आल्सो मोर अबाउट सो उनका जो कंसाइस है या और दूसरा रहा सवाल विक्रम संपत जी का तो उन्होंने सावरकर जी को पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ है 5 साल उन्होंने भी लगाए 8-10 साल 15 साल आपने भी इन्वेस्ट किए हैं तो मेरा एक सवाल यही था कि पहला सवाल मतलब जो इस सवाल से मैं दूसरे सवाल पर लीड करूंगा पहला मेरा सवाल ये था कि आपके हिसाब से 22 जून 1938 मेरे ख्याल से डेट थी तो उस मीटिंग में मुंबई में मेरे ख्याल से सावरकर जी और नेताजी मिले थे तो उस मीटिंग में क्या हुआ होगा सर क्या आपको क्या लगता है क्योंकि उसके 10 दिन बाद मुझे पता नहीं बिकॉज मैंने एक श्रीधर दामले जी हैं वो भी बहुत रिसर्च करते हैं शिकागो में उनसे मेरी बातचीत विक्रम से मेरी बातचीत हुई है मैं उनसे मिल चुका हूँ ही इज बीन वेरी काइंड एंड सपोर्टिव व्हाट आई हैव बीन डूइंग और मेरे एक और दोस्त हैं चिरायु पंडित उनकी किताब परसों रिलीज हो रही है को ऑथर हैं वो सावरकर के ऊपर किताब आ रही है वो मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर रिलीज करेंगे कल परसों की बात है आरएसएस प्रमुख भी वहाँ पर होंगे करके तो आई विल प्रॉब्ली गो देयर तो मेरे पॉइंट ये हो रहा है कि
मैं उन जिन जिन से मिला दोस्तों से उनसे मैंने पूछा, जो सावरकर में रिसर्च करते हैं वीर सावरकर पे, उनसे मैंने पूछा कि जो उनकी मीटिंग हुई थी उसका कोई सीआईडी रिपोर्ट वगैरह है, उसका डाटा चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट है नहीं कोई, या किसी ने एक्सेस नहीं किया। सो दैट्स नंबर वन। थोड़े बहुत स्ट्रे डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरा रिसर्च नहीं है एरिया सावरकर, मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लगे थे जो मैंने एक दो फेसबुक पे ट्विटर में डाले, उसमें से एक का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट 19 सुभाष बोस के भारत छोड़ने की बात है, बात का है, 41-42 के आसपास का है। और उसमें राजबिहारी जी का नहीं, इट इज बेसिकली दिस डॉक्यूमेंट इज बिटवीन टू टॉप लेवल पीपल ऑफ नेताजी पार्टी विच इज फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। इनफैक्ट द अदर पर्सन वॉज अच्छवी कामत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कामत वॉज सुभाष बोस लाइक डेप्यूटी, ही वॉज ICS officer who left ICS like Netaji, and he was a parliamentarian in Free India for many, many like decades to come. Very formidable figure. And he was very close to Subhash Bose. He was, and ek munjale ya munje kuch karke, I think both are Maharashtra. Haan, munje, haan. So, dono forward block ke jo Netaji ke bade khas lieutenant hai, wo aapas mein discussion kar rahe hai, to usko intercept kiya intelligence ne record ko. So, there he refers, now, this is after Subhash Bose left the country. This is after the so-called friction between Subhash Bose and Hindu Mahasabha. In this letter, he is referring, he is saying ki Savarkar has conveyed the message that wherever Subhash Chandra Bose would be, he will fight for the country's interest for his life. Okay. Now, please put this thing in perspective that top person of Netaji is telling another top person, this Savarkar is thinking that wherever he is right now, because nobody knew where he was, he will continue to fight for India's freedom. So it reflects very positively on Savarkar that he was saying all these things. Then the multiple other things which have little bit have come out. For example, you know, the 53, he gave an address, which I have put out the relevant portion of the his audio, the speech, which is audio recording is available. वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने हमारे फ्रीडम सर्कल के सारे जो लोग थे 1857 के बाद से उनको उन्होंने उनको याद किया कि जिन लोगों ने हम अपनी कुर्बानियां दी देश के लिए, वो उन सबको हम याद करते हैं क्योंकि देश आजाद, भारत आजाद होता है कुछ करके। ही हैज ओनली स्पेसिफिकली मेंशन नेताजी, बोला जितने भी हैं जन जो 1857 के बाद से देश के लड़े थे उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं, बट ही स्पेसिफिकली मेंशन ओनली सुभाष बोस ने। सो दैट इटसेल्फ टेल्स यू लॉट अबाउट व्हाट सावरकर एक्चुअली फेल्ट अबाउट सुभाष बोस। आई हैव नॉट रेड थिंग, बट मेरे ख्याल से ये दो तीन डॉक्यूमेंट जो हैं, तो सर ये सेम चीज तो रेसिप्रोकेट वहां से भी होती है, जब राजबिहारी बोस का एक इंटरसेप्ट जो रेडियो पर आया था, एक डायमेंशन, तो उन्होंने सावरकर का नाम लिया। एक तो डायमेंशन ये है कि नहीं, वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो अलग कहानी है, लेकिन यस राजबिहारी बोस का कॉन्टेक्ट उनके साथ में था, एंड राजबिहारी बोस वेरी क्लोज टू सुभाष चंद्र बोस। ऑब्वियसली राजबिहारी बोस ही सुभाष बोस को वहां लेकर आए थे। पंजाबियों से मिल रहा था, उनके पास जो फौजी आए थे, फौजी जिनसे POW से उन्होंने फौज बनाई है, वो सारे के सारे पंजाब रेजिमेंट के थे, उसमें से मेरे ख्याल से कम 50% मुसलमान थे। उन्होंने चूज नहीं किया, उनको ये लोग मिले फौजी जिनसे उन्होंने INA खड़ी करी है, उसमें बाय डिफॉल्ट 50% मुस्लिम्स हैं। उसके अलावा जो सिस्टम उनके हाथ में लगा था वहाँ पे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, तो आप कहीं जाते हैं आपके हाथ में जो आपके मटेरियल आता है, रिसोर्सेस आते हैं, उसके बेस पर प्लानिंग करते हो, हमने बड़ा ऑपरेशन करना है, बिजनेस में करना है, कहीं भी करना है, योर प्लानिंग विल बी बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू ना। उनके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हुए थे वो कांग्रेस के थे, मुस्लिम्स थे बहुत सारे, तमिलियंस थे, बाकी वो सब थे, उन सब में कहीं पे भी हिंदू महासभा फेमस नहीं थी। तो ऑब्वियसली ही कुड नॉट हैव गॉन ऑन रेडियो एंड मेक ब्रॉडकास्ट इन फेवर ऑफ हिंदू महासभा इवन इफ यू वांटेड टू। सो व्हेनेवर पीपल मेक यू नो सम कमेंट्स अबाउट नेताजी डूइंग दिस एंड दैट थिंग एंड मेकिंग दिस कमेंट हियर एंड देयर इन 42-43, दे फॉरगेट व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस लाइक इन दोज डेज, वो कहाँ ऑपरेट कर रहे थे, कहाँ नहीं कर रहे थे। और एक बड़ी कॉमन सी बात है जो खासकर हमारे बंगाली लोगों जो दोस्तों में बड़ी मशहूर है कि नेताजी ने सावरकर को क्रिटिसाइज किया इस कॉन्टेस्ट में कि साहब वो तो अपना ही फोकस थ्योरी पे चल रहे हैं, दूसरे की सुनते नहीं, इसीलिए उनको राइट है कि वो सावरकर को गाली दें सुबह शाम। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपको ये नेताजी का एक कमेंट अगर आपको ये राइट देता है उन पर अटैक करने को, तो सुभाष बोस ने तो महात्मा गांधी की पेंट खोली हुई है,
उसकी तुम भक्ति क्यों करते हो? वो लेटर मैंने देखा था जो आपने पब्लिश किया था, जो उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा था, वो उसके वो लेटर तो बहुत अच्छा है, वो तो वो लेटर तो बिल्कुल आपको समरी देता है पूरे केस के, लेकिन जो राज बेरी बोस को उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिखी सुभाष बोस, हां भाई को चिट्ठी लिखी, हां नहीं ये वो राजदारी का अलग है, अपने बड़े भाई को चिट्ठी में लिख के बोला कि अगर ये देश आजादी होने के मिलने के बाद महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पे चलेगा तो गड्ढे में जाएगा, तो सुभाष बोस ने रगड़ दिया महात्मा गांधी को बहुत बुरी तरह से अपने प्राइवेट लेटर्स में, ठीक है। तो सर एक सर ये तो ये चीज तो एस्टैब्लिश हो गई, कमेंट अगर उनके एक दो कमेंट सावरकर के खिलाफ में है, अगर उसके बेसिस पे उनको जस्टिफिकेशन मिल जाता है सावरकर को गाली देने में, तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि उसी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को रगड़ा है तो गांधी जी की भक्ति तुम लोग क्यों करते बंगाल में, ये बता दो मुझे। नहीं सर मेरा एक एक पॉइंट इसको आगे ले जाना चाहूंगा मैं, जैसे ये चीज एस्टैब्लिश हो गई कि गांधी का और नेहरू का रोल कितना मिनिमल है या कांग्रेस का रोल फॉर दैट मैटर कितना मिनिमल है, और हम 70 साल उसको निकल भी गए, आपने खुद ही कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, हमें आगे क्या देखना है, हमें नैरेटिव आगे के लिए सेट करना है, ये नैरेटिव की बात बहुत दिनों से चल भी रही है कि एक इकोसिस्टम हो नैरेटिव हो सर, और मुझे बहुत मतलब आई हैव अ वेरी हार्ट फीलिंग कि ये चार लोग जो आज की तारीख में हैं जिन्होंने जो एक काम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट या लोग मिलके इसको कोलैबोरेट करें, जिसमें एक आप हैं, एक मिस्टर अमीश त्रिपाठी हैं, एक मिस्टर विक्रम संपत हैं और एक संजीव सानिया जी हैं, क्योंकि ये एक जो पूरा जियो पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशल या जो भी आपका स्ट्रैटेजिक एक पूरा नैरेटिव बना के देना होगा इस कंट्री को फिर से, और वो उसको स्टार्ट करने का काम तभी हो सकता है जब आप हिस्ट्री को उस एंगल से देखें। इनमें से दो को तो मैं मतलब मिल चुका हूँ जानने वाली बात आप, पर वो बहुत मुझसे बहुत बड़े हैं मतलब स्टैचर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ठीक है, तो साथ काम करने का होता है जब बराबर के लोग होते, मेरी इतनी मार्केट में इतनी स्टैंडिंग अभी नहीं है, जब वो स्टैंडिंग आएगी तब देखी जाएगी। बाकी विक्रम जी सपोर्ट उन्होंने अपने हिसाब से जो कर सकते उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अमीश जी को मैं नहीं जानता, उनसे मिला नहीं, लंदन में आजकल, और हाँ जी नेहरू सेंटर में हल्की सपोर्ट करी उन्होंने आयरोनिकली नो इट्स नॉट आयरोनिकल, वहां पे वो अच्छी बात है, अच्छा जगह है, ही इज वेरी आई लाइक हिज बुक्स एंड ऑल दैट, ही वहां पे नेहरू सेंटर है, वहां पे ऐसा आदमी हो जो भारत के लिए काम करे तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट नथिंग आयरोनिकल अबाउट इट, ही रन्स नेहरू सेंटर इज वेरी फेमस इन लंदन बिकॉज़ दे ऑर्गेनाइज ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस एंड लिटरेचर प्रोग्राम फॉर इंडियन कल्चर एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट्स बट आई विल कीप ओनली थिंग कि मुझे अपना जरा वो इंक्रीज करना है अपना बेस फाउंडेशन सो दैट देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल, तो उसमें आपने इन चार का नाम दी, मैं तो और 10 का नाम गिनने को तैयार हूँ, विक्रम जी इज ऑलरेडी बैकिंग मी, दैट्स आई कैन अश्योर यू, वो तो मेरे साथ बैठ करके वो हम दोनों थे, हमारा डिस्कशन हुआ था दिल्ली में लिट फेस्टिवल में, विक्रम जी और मैं थे, शुभराष्ट्रा जी जो थी वो मॉडरेटर थी, और ये लॉर्ड अपने इंग्लैंड में जो है वो थे, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने पूरा मेरे को सपोर्ट किया सुभाष बोस वाले केस में, आई थिंक ही इज स्टिकिंग हिज नेक आउट, सो ही हैज डन ऑलरेडी सपोर्टेड, तो ही विल सपोर्ट, ठीक है, बट आई मेरा के बस यही पॉइंट था कि हमें जो स्टोरी लिखने की हम बात कर रहे हैं, जो एक रिवॉल्यूशनरी स्टोरी लिखने की बात कर रहे हैं, उसमें चूंकि जो की फिगर्स हैं उसमें से वन ऑफ द की फिगर्स को आपने चंद्रचूड़ जी ने रिसर्च किया हुआ है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एंड एवरीथिंग नाउ कम्स डाउन टू सुभाष जी ओनली, जब 47-48 तक कहानी पहुंचती है तो सारी चीजें अल्टीमेटली कम्स डाउन टू सुभाष जी, बट चूंकि सान्याल जी इस बारे में ऑलरेडी किताब लिख चुके हैं, आई थिंक ही इज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, जो कॉमन थ्रेड रही फ्रॉम 1867 टू 1900, उनका फैमिली हिस्ट्री है, सत्येंद्रनाथ सान्याल जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके चाचा शायद उनके दादाजी के मतलब ब्रदर थे वो सत्येंद्रनाथ सान्याल, तो वो तो मुझे पता था, वो भी साथ में थे सावरकर जी के साथ में वहां पे, और इनफैक्ट वो शायद अकेले आदमी हैं जो शायद दो बार काला पानी गए थे और वहां से वापस आए, तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, बट मेरा वही बोलने का था कि क्योंकि कारण क्या है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोगों ने रिसर्च करी हुई है, एंड यू आर वन ऑफ द पर्सन, यू आर करेक्ट, आई टेक योर पॉइंट, सो दैट इज देयर, बट द फर्स्ट यू नो द चैलेंज बिफोर मी, वी द होल केस हैज गॉन डोरमेंट बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड, सो वी नीड टू रिवाइव इट, एंड वी चंदूचू एंड आई हैव टू कम आउट इन द फोरफ्रंट, So probably that's why you're seeing more of my, you know, interactions with you like this and all. So we will continue to make, you know, so I understand your point. I'm working towards that direction. Yeah. Okay. So वो मैं करूँगा. हाँ जी. अगर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सान्या जी की कोई किताब लिखने वाले हैं इस बारे में, और शायद विक्रम जी की उनसे कोई बात चल रही है. तो अगर आप लोग collaborate कर सके तो मुझे बड़ा मतलब उस book के लिए I will be rooting for that book.
जिसमें एक एक यूनिफाइड स्टोरी हो। फिलहाल तो अभी वो चल रहा है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू सर। आप लोकेशन, आप हो किधर? आप? मैं सर वैसे तो पुणे रह रहा हूँ अभी। अभी पुणे में? हाँ जी, मैं बाकी रहने वाला मध्य प्रदेश इंदौर का हूँ। इंदौर का? आई थिंक हाँ जी, आप इंदौर आने वाले? मैंने देखा था। हाँ, मैं इंदौर जाऊंगा। मैं इंदौर अभी तक गया नहीं कभी। हाँ जी, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ। इंदौर में दिसंबर में जाऊंगा। पुणे भी आ चुका। पुणे में गया था। पुणे में कोविड वर्ड कंट्रोल में ना पूरा? अभी तो सब कंट्रोल में। हाँ, सब कंट्रोल में। पुणे आया हूँ मैं। पुणे अच्छी जगह। इनफैक्ट स्कूल्स आर ओपनिंग अप, फ्लाइट्स वगैरह थोड़ा रेगुलर हो गया साहब। कुछ फ्लाइट तो पहले ही चल रही थी, कुछ अभी नहीं ओपन। आई जस्ट वांट माय लेक्चर्स टू रिज्यूम। लेट्स सी। नहीं, वैसे अगले 15 दिन नहीं हो पाएगा क्योंकि शायद अभी एयरपोर्ट बंद होने वाला है। तो इफ यू प्लान समथिंग, प्लान आफ्टर लाइक आई डोंट प्लान पीपल, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट पीपल प्लान एंड दे इनवाइट मी। आई डोंट डू इट ऑन माय ओन। आई डोंट हैव दोस रिसोर्सेज कि आई कैन प्लान ऑन माय ओन। People will plan, yeah. They will organize and then they'll call me. I am expecting that after Diwali things will start moving, not before. Yeah, things will start moving. Definitely, sir. ठीक है। चलिए अनुज जी, thank you very much. All right. फिर आपसे दोबारा join करना अड्डे में तो बात करेंगे। बिल्कुल। Nice talking. Nice. ठीक है। Bye bye. हर्षवर्धन, hi, नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ, location बताइए कहाँ पे? सर मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मुरादाबाद में? अरे वाह। जी। बहुत। सर ऐसे बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ लेकिन पापा जी की जॉब यहाँ पे है। अच्छा। तो हम बहुत सालों से यहीं पे हैं और जहाँ तक मैं बताऊँ तो मुझे ये जो इश्यू है गुमनामी बाबा का, ये मुझे 2007 या 8 में मालूम पता चला था, जब मैं शायद 13-14 साल का बच्चा रहा हूँगा। तब हमारे एक दिन टीवी पे ईटीवी उत्तर प्रदेश एक शो आता है। हाँ। उस पर एक शो आता था कुछ तो है करके। हाँ। तो उसमें मैंने हमारी इतिहास की किताबों में था कि नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। मैंने कभी अपने पापा से पूछा था तो पापा ने कभी बातों बातों में बताया था कि बेटा उनकी तो डेथ नहीं हुई थी, वो फैजाबाद में गुमनामी बाबा करके थे, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले बताया था इस बारे में। तो मैंने, मुझे तो कभी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा वो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन एक बार जब हम लखनऊ अपने घर पे गए तो उन्होंने अशोक टंडन जी की गंगा पत्रिका में एक सीरीज छपी थी कि क्या नेताजी ही, मतलब वो क्या वो नेताजी ही थे करके, वो सीरीज 5। हाँ, वो सुभाष नहीं थे, वो नेताजी, नेताजी नहीं थे तो कौन थे? हाँ हाँ हाँ। तो उसकी 5वें चैप्टर की सीरीज, क्योंकि पापा भी तब बहुत छोटे थे, कम से कम शायद 18-20 साल के रहे होंगे, तो पापा ने वो पूरे ऐसे करके 5-6 उसके पन्ने फाड़ लिए सीरीज के। तो वो जब उन्होंने मुझे दिखाया, मेरा बड़ा तेज माथा ठनका। मैंने कहा इतनी बड़ी चीज हो गई है देश में और मतलब देश के लोगों को मालूम ही नहीं है। फिर उस बारे में मैं थोड़ा बहुत अपने पर्सनली रिसर्च करने लगा कि आए दिन मैं अखबार में से छांटता था कि छोटी छोटी खबरें निकलती थी कि गुमनामी बाबा से रिलेटेड कोई जाँच चल रही है, यूपी सरकार कोई कुछ कर रही है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। इवन मैंने आज तक पे आपको पहली बार देखा था 2013 में, आपने इंडियाज बिगेस्ट कवर अप आप लेकर आए थे। तो मैंने मतलब वहां से मुझे पूरा इश्यू पता चला। फिर बाद में 2014-15 में आपसे फेसबुक से भी जुड़ा, फेसबुक फ्रेंड भी हूं मैं आपका, और शायद कल ही भी मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि एक अशोक कुमार पांडे जी एक इतिहासकार हैं जो थ्योरी फ्लोट कर रहे हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। उसका पूरा वो सिस्टम देख लो, क्या पूरे सारे कांग्रेस के लोग बैठे हैं वहां पे, तो अपने हिसाब से वो। हाँ, पर उनकी चक्कर क्या है कि वो मुझे थोड़ा ये इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने किताब लिखी कि उसने गांधी को क्यों मारा था, वो गोटे के ऊपर उन्होंने कोई किताब लिखी है, उसमें उन्होंने सरकारी जितने रिकॉर्ड्स है उस पर उन्होंने किताब, उस पर पूरा डेटा लेके उन्होंने किताब लिख दिया। तो आजकल का यूथ जो है उन्हें बहुत फॉलो करता है, मतलब इवन मैं क्या कहूँ, मतलब जितने आपके लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग उनकी किताब का रिव्यू डाल के ये देखते हैं कि देखो इन्होंने कश्मीर नामा लिखा है और नेहरू पे लिखा है और गोटसे भी लिखा है। तो मतलब उनकी वो एक तरीके से ऐसे स्टेब्लिश, मतलब एक तरीके से स्टेब्लिश हो गए हैं कि वो अपनी बात को ये कह के थ्योरी दे रहे हैं कि जो गुमनामी बाबा वाली बात करता है वो सब के सब झूठे हैं। हाँ, तो वही है उनका, उन्होंने जिस आदमी का नाम नहीं वो भी एस्टैब्लिश है, तो उसमें तब आई कांट हेल्प इट, आई कैन ओनली ट्राई एंड मेक माय स्टोरी हर्ड। तो जितने मेरे रिसोर्सेज हैं, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज भगवान ने दी है, उसके हिसाब से मैं भी लोगों को जाके लेक्चर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे बाहर में करके। वो अपना उनका है, उनका एक सेट है, उनके लिए काम करना शायद आसान था कि उनके पास में एक सेट, एक वो पानी के बहाव के खिलाफ नहीं जा रहे, मैं पानी के बहाव के खिलाफ जा रहा हूँ। और मेरा है कि अपनी हर एक आदमी, भगवान वीकनेस होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं। मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है कि मैं पैसा नहीं कमा सका, पैसा अगर बनना बहुत जरूरी होती है किसी काम को बढ़ने में, आगे करने में, जब आप, और क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हो के लोग मुझे गाली देते कि पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, जबकि उल्टी कहानी है कि पैसा इसमें है नहीं कुछ करके। और कोई ऐसा, हम भी किताबें लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी किताबें को चेतन भगत की लाखों किताबें बिकती हैं, हमारी हमारे हर साल हमारे रॉयल्टी आ रही 50 करोड़ की, ऐसा कुछ भी नहीं होता करके।
वो एस्टैब्लिश हैं, वो उनके लिए बोल रहे हैं हमको ऑडियंस है, लेकिन धीरे धीरे हमारा ऑडियंस ही बढ़ रहा है करके। लेकिन कुछ सेंस में मेरा बहुत ज़बरदस्त मेरा वो रहा कि कोई और ऐसा ऑथर या एक्टिविस्ट नहीं होगा जिसको लोग बुला बुला के अपने पैसे में पूरे भारत में और पूरे अमरीका में बुला के लेक्चर करवा रहे हैं, तो मुझे लोग इज्जत देते हैं उस तरह की ना, नहीं तो कौन है सर। इवन बात ये, जैसे फेसबुक पे आप कुछ अपलोड करते हैं तो आप उसमें कमेंट का सेक्शन खुला रखते हैं कि अगर किसी को अगर आपसे कोई डिसएग्री है या आपसे मतलब रखता नहीं है बात अपनी, सहमति नहीं रखता, मतलब यहाँ पे भी तो क्या मैंने, मैं यहाँ पे भी कोई और आपको शायद मिलेगा नहीं जहाँ तक मुझे पता, किसी भी यूट्यूब में लाइव सेशन में लोग तो कमेंट के पैसा लेते हैं, मेरे ख्याल से कमेंट होता है यहाँ पे, कोई कमेंट आपको डालेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। मैं सुपर चैट ऐड कर रहा हूँ और मैं अभी जैसे आप पांचों को देख रहा हूँ, आपका तो मैं फेसबुक को जानता हूँ, बाकी मैं ऋषिकेश को, सिद्धार्थ जी को, आशीष को, किसी को नहीं जानता फेसबुक, यू आर नॉट माई फ्रेंड एज सच। तो मैं रैंडमली लोगों को पिकअप कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा हॉस्टाइल हो आती, और मैं तो ख्याल नहीं आप मुझे आकर के बोलिए, क्योंकि मुझे बिकॉज फैक्ट्स हैं, और दूसरा है कि भैया गाली देगा तो गाली खाएगा, मैं तो उसी में काम। नहीं नहीं सही बात है। तो अरे मुझे तो मुझे इवन व्हाट आई एम डूइंग एंड आई हैव ऑल द डेटा, ओनली थिंग कि वो मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोगों से संवाद रखूं, बातचीत करूं, और ये वही करेगा इस तरह का डिस्कशन पॉइंट कि खुल्लम खुल्ला पब्लिक से सवाल लेगा जिसको अपने अपने अपनी रिसर्च पे पूरा विश्वास है। अगर आप मुझे बोलोगे जो आपने पांडे का नाम लिया तो मैं उसकी पूरी पूरा डाटा निकाल के पूरा उसको उड़ा सकता हूँ। चलिए अकबर जी, जिस आदमी का सुगौतो बोस का नाम वो ले रहा है, वो कांग्रेस पार्टी का, उसके खानदान ने स्टेटमेंट दिए कि वो स्टूज है कांग्रेस पार्टी का, तो ही इज नॉट अ रिसर्चर, ही इज गिविंग एजेंडा फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अब वो अगर मेरे बारे में बोलना चाहेगा तो मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आप बोलें कि भैया कि आप मुझे, जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं आरएसएस बीजेपी का एजेंट है, आप मुझे बताओ कि पिछले 3 घंटे से मैं एक्यूज कर रहा हूँ बीजेपी को गांधी भक्ति के लिए, मैं कहाँ सा एजेंट उनका होगा, और एजेंट हो तो मैंने क्या उनका नए पैसे कौन से क्या मैंने सपोर्ट लिए फाइनेंशियल, या क्या सपोर्ट लिया, क्या उन्होंने मेरे को नौकरी दी, क्या उन्होंने मेरे को व्हाट काइंड ऑफ एजेंट आई एम कि आई गेट नथिंग आउट ऑफ देम एंड आई एम अटैकिंग देम एवरी डे, तो कहना आसान है। और आपने किताब पढ़ी नहीं है कि मैंने कहाँ सपोर्ट किया, मैं तो वही बातें बोल रहा हूँ ना, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। जी सर, कोई किताब ही नहीं पढ़ता है, मैंने कई लोगों को मतलब बकायदा जैसे फ्लिपकार्ट या जहाँ पे आपकी किताब मिलती है मैंने लोगों को लिंक दिया, तो किताब का मतलब कवर पेज लिख के कह रहे हैं कि अरे ये तो कुछ वैसी थ्योरी है, इन्होंने तो थ्योरी पे लिख दी अपनी किताब, इन्होंने एक पर्टिकुलर एक कमीशन बैठा उस पे इन्होंने किताब लिखी। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे, जिसको जिसका माइंड मेकअप हो चुका है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। जी सर, ये है कि मेरे पास तो सर आपकी इवन 3 किताब है। अच्छा, नेताजी रहस्य गाथा, ये आ गई शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था, और ये आपकी सबसे पहली किताब थी, ये मैंने पढ़ी। तो सर आपने सारे थे, अब एक चौथी आ जाएगी अपडेट, आपने ये गवर्नमेंट डजंट वांट टू नोटिस की किताब है, उसका हिंदी एडिशन अब चला गया प्रोडक्शन में, तो उसको अगले साल की शुरुआत में अवेलेबल कर, विच विल बी एन अपडेट इन अ सेंस कि आपको नमी बाबा वाली कहानी बिल्कुल क्लियर हम समझा देंगे और अपना एविडेंस वगैरह दे करके, और उसमें भाजपाइयों को फिर जूते मारे इसके अंदर मैंने करके, जो ये मुझे बोल रहे हैं उसका एजेंट है, आप बोल लो कितना एजेंट है, आपने मेरी किताबें 3 पढ़ी उसमें कहीं नजर आ रहा हूँ एजेंट किसी का, मैंने से किसी उल्टा सर मेरी एडुकेशन लगा रहे। जी सर, फेसबुक में हमारे हमारा आपको लग रहा है हाँ पसंद नहीं आता, मुझे गाली की दे भैया, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब आरएसएस का करेक्शन अगर नमी बाबा के साथ हो तो मेरी 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 फॉल्ट तो नहीं है ना उसमें, मैं तो आपको बता रहा हूँ कनेक्शन था, आज वाले डिसऑन कर दें तो मुझे उसे मेरी मेरी गलती नहीं है, लेकिन कनेक्शन था, मैं आपको हिस्टोरिकल फिगर डाटा दे रहा हूँ, मेरा रिसर्चर हूँ, मेरा काम आपको फैक्ट बताना है, मेरा काम अब वो फैक्ट उसके फेवर में जाए ना जाए मुझे फर्क पड़ता नहीं, मैंने कोई फैक्ट को टेस्ट नहीं किया किसी के लिए, खुल्लम खुल्ला बातें बोल था वो उसमें, वही जो मतलब जो मुखर्जी कमीशन में वो जो आया था कि जैसे आप आजकल डीएनए का बता रहे हैं कि उसमें से वो इलेक्ट्रोफेलोग्राफी गायब है, वो उसी चीज उसने वो मैटर मालूम नहीं, वो कह रहे कि उन्होंने तो डीएनए को वो कर दिया था कि डीएनए मैच नहीं हुआ, तो वो उसके उसी उस आधार पर बता रहे हैं। इवन मेरी मैं ऐसी वो एक्चुअली वो यहाँ नहीं हो पाएगा, वो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जो देता हूँ मैं वहाँ पे उनकी पेंट उतारता हूँ, जिसने मेरे अटेंड किया सेशन उसका मालूम है, फिर मैं आपको देता हूँ एक के बाद एक एग्जांपल कि कैसे रिपोर्टें चेंज होती हैं इस देश के अंदर। सर मेरे मेरे थोड़े दिन पहले खबर आई थी कोलकाता में पेपर मीडिया में सारे में आता है कि एक आदमी कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ था आज से कुछ 5-7 साल पहले, तो बॉडीज वॉडी आइडेंटिफाई करी है उन्होंने डीएनए से, उन्होंने तो जब बॉडी आइडेंटिफाई की उन्होंने डीएनए टेस्ट बॉडी, तो एक आदमी मर गया, उसके फैमिली वालों को कंपनसेशन मिल गया और उसकी बहन को नौकरी मिल गई रेलवे के अंदर,
अब सीबीआई वाले इंक्वायरी की तो पता लगा कि जो आदमी मर गया है जिसकी रिपोर्टें आ गई डीएनए की, वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है बैठ के अपनी, अब उसको अरेस्ट किया तो कह रही थी रिपोर्टें इसने, इन्होंने नकली रिपोर्ट ऑब्टेन कर ली। पॉइंट ये है कि वो कोई बंगाल में रिमोट जगह में बंदा रहने वाली फैमिली एक नकली रिपोर्ट डीएनए की ऑब्टेन कर सकते हैं सीएफएसएल से। यहाँ तो पॉलिटिकल लफड़ा नंबर वन है पूरे देश में। तो मैं ऐसे बहुत से एग्जांपल देता हूँ लोगों को, उनको समझ में आ जाए कि ये जो किताब में नहीं है, मतलब क्योंकि किताब में वो एक अच्छा लगता नहीं ना, थोड़ी सी आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें पब्लिक में जाकर के, तो पर उनको प्रेजेंटेशन में समझाता हूँ किसी को पता है ना, ये लोग सारे के सारे, उसका हमारा एडवांटेज ये कि हमें इस केस की डायरेक्ट समझ है। हमने मुखर्जी जस्टिस मुखर्जी से बातचीत करी, मैं मुखर्जी कमीशन के सामने था, मैं गवाह भी था, मैंने उस घटना को घटते देखा अपनी आंखों के सामने। ये लोग अखबारें पढ़ के मुझे बता रहे हैं उसके बारे में, भाई आई एम ए डायरेक्ट, आई हैव अ डायरेक्ट नॉलेज, यू डोंट टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। तो इनको जिनको पता ही नहीं जस्टिस मुखर्जी कमीशन क्या था, वो मुझे बैठ के बता रहे हैं कमीशन के बारे में। सर मेरे इवन केवल दो सवाल थे, एक तो आपने नेताजी रहस्य गाथा में एक प्लेन क्रैश के बारे में लिखा था, वो कुछ एयर आर्मी के कुछ लोग थे बहुत बड़े पदों पे थे, वो उनकी अचानक से डेथ हो गई थी जम्मू कश्मीर में कहीं पे प्लेन क्रैश में, जिसमें मतलब कहा जाता है कि शायद काफी अभी सुनो अभी आप जिस चीज को टच करते हो वो यू नो इट्स वेरी वेरी हाईली कंट्रोवर्शियल, वेरी आई विल नॉट वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ बिकॉज़ इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग यू आर टॉकिंग, आई हैव रिटन व्हाट आई हैव रिटन, मे बी द व्हेन राइट टाइम कम्स आई विल डू प्रॉपर सेशन ऑन दैट, यू हैव रेड, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग व्हिच यू डिस्कस। अब जो लोगों को समझ में नहीं आई वो बात, मैंने वो इतना लिख दिया, मुझे लगा था मैं फंसूंगा लिखने के बाद में। जब कोई किसी को समझ ही नहीं आया, लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट करूं। तो अभी जब टाइम आएगा तो मैं उसको फिर डिस्कस करूंगा, बट जो लिखा आई स्टैंड बाय इट, मैं उसको डिसओन नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है बिल्कुल सच लिखा हुआ, मैंने डाटा दिया आपको। जी सर मैंने नेट पे भी खोजा तो मुझे नेट पे भी उतनी इन्फॉर्मेशन मिली जितनी आपने किताब पे नहीं, वो नेट तो मैंने डाली इन्फॉर्मेशन, मेरी और किसी की नहीं। हाँ सर वो भी पता चला, वो आप ही इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उनकी फैमिली से बात कर चुका हूँ, वो जो लिखा वो ठीक लिखा। हाँ और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने आपने और चंद्रचूड़ सर ने सर शायद अपने चंद्रचूड़ सर का सर यूट्यूब चैनल था उस पे उन्होंने एक वीडियो डाला था जो पंडाराम किशोर के बड़े बेटे जी की थी। हाँ। जिसमें बता रहे हैं कि शायद जब इंदिरा गांधी की जब हटा दी गई थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रही थी तो सन 1978 या 1989 में वो एक एम्बेसडर कार में एक अकेले ड्राइवर के साथ जाके शायद गुमनामी बाबा से मिलने आई थी। मैं वही चीज पूछना चाह रहा था, क्या ये सच है? तो क्या मुझे नहीं मालूम, वो अगर वो मेंशन नहीं है तो वो मिश्रा जी वो बता सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे इन्फॉर्मेशन की वो मिलने आई थी, लेकिन जो मिलने आई थी वो उस समय प्रधानमंत्री थी, इट इज नॉट आफ्टर 78 नहीं और पहले होगा। अच्छा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जब वो मिली थी, जो मैं जो मुझे सोर्सेस ने बताया करके, जो मैं समझता हूँ ठीक है, उसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, वो मिलने गई थी, लेकिन जब मिलने गई थी तो प्रधानमंत्री थी, वो 78 वगैरह में नहीं थी। अच्छा अच्छा, अगर होगा तो वो नहीं बता क्योंकि वो बोल रहे हैं तो उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता नहीं, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शी मेट हिम व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है सर, बस और कोई सवाल नहीं था, और फिर अभी कभी आपके अड्डा लगता है उसमें सर तीन मुझे तीन घंटे से बोल रहे हो, तो अभी जो मेरे बंधु है ना इनको बात करते बंद कर दूंगा। चलो थैंक यू वेरी मच ऋषि, हाय नमस्ते, लोकेशन बताओ। नमस्ते जी, महाराष्ट्र में हो, कहाँ हो आप? जी महाराष्ट्र नासिक में हूँ। नासिक में, बढ़िया नासिक में। हाँ, तो पढ़ाई तो मेरी आईआईटी मंडी में चल रही है, बट फिलहाल तो घर पे है सर। आईआईटी मंडी, आप हिमाचल में? अरे वाह, मैं जी, हाँ, नासिक बचपन में गया था, मेरा वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन में मेरा कजन पोस्टेड था। अच्छा। आई बीन टू नासिक ओनली वंस एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग बॉम्बे से ट्रेन में गए थे नासिक, और मजा आ गया था, मतलब बहुत अच्छा, बारिश का मौसम, बहुत ही प्यारी सिटी है, रास्ता बहुत अच्छा है नासिक का वहां पे। यस, तो मैंने ओके सो श्योरली आई मीन कुछ अगर शो आपका कहीं अरेंज कर पाए तो नासिक में करेंगे, अगर मैं कॉलेज गया तो मंडी में भी। मेरा महाराष्ट्र में लेक्चर बहुत अच्छे हुए हैं, महाराष्ट्र में सब जगह कुछ वो संगम टॉक्स वगैरह पे भी कुछ अपलोड हुआ है। संगम को तो दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ था, मेरा टॉक यहाँ पे लातूर में बहुत अच्छा हुआ करके, मेरा नागपुर में अच्छा हुआ, पुणे में अच्छा हुआ, एक और मैं मेरा मराठी बुक है, मेरी किताब मराठी में भी है ना नेताजी वाली, वो अच्छा चली, तो मराठी एडिशन सही चली, वो अच्छा चला, वो हिंदी ज्यादा चलता है तो। और वहाँ मैंने नोट किया, कम से कम मैंने पूना में नोट किया कि पूना मुझे कई मामलों में कलकत्ता जैसा लगा, कलकत्ता में ना इंटेलेक्चुअल मतलब एक वो है, वो ठीक है बाद में लोग कम्युनिस्ट हो गए वो हो गया, लेकिन वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल
मजा आता है लोगों से बात करने तो पूना के अंदर भी वो फीलिंग है वो जाकर लोगों को समझ काफी है चीजों की। हाँ और मतलब एक इंटेलेक्चुअल बातचीत करने में करने में पूना मूना मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन और दूसरा ये मैंने देखा पढ़ने वढ़ने का मुझे पता नहीं बाकी मुझे नहीं मालूम। वैसे तो मैं बॉम्बे भी गया हूँ IIT बॉम्बे में भी गया लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अंदर लोगों में पढ़ने वढ़ने की अभी भी वो है लोग पढ़ते हैं अखबारें किताबें पढ़ते हैं जो कम हो गए ना तो वहाँ पढ़ते बढ़ते हैं पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करके तो मैं बड़ा खुश हूँ महाराष्ट्र से। मैं तो मेरे प्रोग्राम होते वैसे भी अच्छा लगता है बचपन में गए थे लेकिन मतलब मेरे लेक्चर वगैरह बहुत बढ़िया हुआ सबसे बड़े मेरा लातूर में अब तक मैं आज तक कभी इतना बड़ा लेक्चर अच्छा। कभी शायद YouTube पर है वो मैंने देखा था लातूर में शास्त्री जी चैनल का नाम याद नहीं है मेरे शास्त्री जी वाला हाँ शास्त्री वाला लेकिन जो नेताजी वाला था वो से बड़े स्केल पे था वहाँ पे दयानंद हॉल है उसकी दोनों फ्लोर पूरी भरती थी और लोग बाहर खड़े थे कम से कम 2000 लोग होंगे मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2000 लोगों के बीच में सारा शहर आ गया था बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने करवाया बड़ा मजा आनंद आता बड़ा और लोग को भी बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉयड बीइंग इन स्मॉल टाउन है करके क्योंकि वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं आपको हैदराबाद जाना पड़ता है क्योंकि लातूर इज सो यू नो समबट लाइक दिस थिंग कि आपको हैदराबाद जाइए फ्लाइट से फिर हैदराबाद से आपको वो ले गए वहाँ पर क्योंकि यू के नॉट डायरेक्टली गो देयर। औरंगाबाद प्रॉब्ली इज क्लोज बट औरंगाबाद इज लाइक लिटिल फार एंड फिर एक लेक्चर मेरा औरंगाबाद में था लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ करके। अच्छा ये लातूर में ऐसा क्राउड मिलना मतलब थोड़ा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होगा आपको। आई लाइक द स्मॉल टाउन बड़ा अच्छा लगा बाकी तो पुणे मुंबई का मुकाबला नहीं है वो जगह वो बड़े शहर है तो अच्छा लगता है। राइट तो मेरे कुछ सवाल थे मैंने पिछले साल ही आपकी कॉनंड्रम किताब पढ़ी थी तो खैर मेरा प्लान ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा उसको ना 4-5 महीने में पढ़ेंगे बट जब मैंने शुरू किया तो मैं रोक नहीं पाया 15 दिन में मैंने पूरा पढ़ डाला उसको बिंज रीड कर दिया बट उसमें दिक्कत ये हुई कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती इतना बड़ा अगर बुक है तो ना कुछ मिसिंग कुछ कंफ्यूजन आता है तो मुझे पूछना था आपसे कि वो PTSD वाला एक पर्सपेक्टिव आता है कि वो थोड़ा यू नो इमेजिनरी चीजें बोल रहे थे जैसे उन्होंने शायद इसमें कहा था कि वो जो जो बुक में लिखा वो लिखा। मैं आपको एक सिंपल एक सिंगल पॉइंट बताता हूँ मेरे सामने एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस लेवल की है कि प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मुझे एक व्यक्ति मिलता है वो जैसे गुमनामी बाबा ने बोला कि अब्राहम लिंकन का भूत जो है वो व्हाइट हाउस में आता है उन्होंने ऐसे बोला जैसे जैसे ये बिल्कुल सच है। अब इसको लेके मैं किसी प्रोफेसर के पास में जाऊं किसी इतिहासकार के पास में जाऊं या जज के पास में जाऊं किसी के पास अब बोलूं देखो जी ये है गुमनामी बाबा ने ये बात बोली थी कि अब्राहम लिंकन का भूत व्हाइट हाउस में आता है तो वो हंसेंगे बोलेंगे साइंस तो मांगता नहीं किसी चीज़ों को साइंस में तो कोई स्पेस ही नहीं है भूत का तो ये अब्राहम लिंकन का भूत कहाँ से आ गया वो तो 1865 में मर चुका है सब वो पागल होगा कोई। सो दैट इज वन वे बट इसका दूसरा देखने का स्वरूप ये है कि अगर मैं उनको ये बोलूँ कि रोनाल्ड रेगन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात बोली थी कि वो भूत वहाँ पे देखा है मतलब उसके घर के लोगों ने देखा है तो कहेंगे अच्छा रेगन साहब ने देखा था भूत तब इनका व्यू चेंज हो जाएगा। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति हमारी बनी थी उन्होंने आप गूगल सर्च कर लीजिए यूट्यूब में चले जाइए उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ये बात बोली है पब्लिकली कि राजस्थान में कोई महात्मा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है मतलब उस टाइम पे 10-15 साल पहले अभी भी आते हैं उन्होंने मुझे ऑलरेडी इंडिकेट किया कि आपके फ्यूचर में क्या होगा तो लोग कहना कि साहब हमारी राष्ट्रपति तो बड़ी मतलब बनने वाली है बड़ी आध्यात्मिक किस्म की औरत है तो आप समझ रहे हैं ना एक आदमी जिसका नाम पब्लिक को नहीं पता उसके बारे में अगर आप बोलोगे तो आप बोलेंगे कि पागल है वो दूसरा आदमी जो एस्टैब्लिश्ड है उसके नाम पर बोलेंगे तो वो बड़े तो बड़े आध्यात्मिक किस्म के आदमी फेस वैल्यू की बात आती है डबल स्टैंडर्ड्स हैं हिपोक्रेसी है क्योंकि भूत अगर नहीं है तो नहीं है साइंस अब चाहे वो रीगन बोले चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोले कि साइंस भूत को नहीं मानता लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में हर एक सेकेंड आदमी भूत का पिशाच को मानता है सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आदमी की शक्ल देखकर कि वो बोलेंगे कि हम तो मानते हैं हम तो नहीं मानते तो मैं उस जब इस तरह का दोगला एनवायरनमेंट हो तो मैं क्या करूँगा। हमने जो किताब लिखी है या हम जो बातचीत कर रहे हैं उसको मुझे डिफेंड करना है पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ यू नो एकेडमिक्स या कभी कोर्ट में जाने की नौबत ना आ जाए तो मेरे को तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में अपने आप को डिफेंड करना है अपनी रिसर्च को नहीं तो कल को आप ही मान लीजिए कोई भी आदमी जैसे आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं मान लीजिए कि मैं उसकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि गुलामी बाबा ने अब्राहम लिंकन के भूत के बारे में बोला था वो बिल्कुल ठीक बात है ये वो करके तो लोग मेरा आके फिर मजाक उड़ाएंगे पागल है पता नहीं क्या बैठ के भूत बातें कर रहा है भूत तो होता नहीं है साइंस नहीं है ये नहीं इतना टमकाना करके तो हम लोगों ने बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम लोग उसी बात को बोलेंगे जिसको कोर्ट कचहरी में मीडिया में और एकेडमिक सर्कल में एविडेंस के तौर पर माना जाता है।
मैं पैरानॉर्मल स्टफ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं, हो सकता सच हो, क्योंकि वही बात बहुत लोग बोलते हैं, टॉप के लेवल सभी लोग बोलते हैं, तो दैट इज व्हाई आई हैव वी हैव अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि किसी इंसान को अगर भूत नजर आते हैं, भूत देखता है, तो उसका साइकोलॉजिकल मतलब जो साइकोलॉजिस्ट का जो व्यू होगा वो यही होगा कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, राइट? सो दैट इज अनफॉर्चुनेटली द ओनली डिडक्शन आई हैव टू मेक. I cannot draw any other conclusion because if you want me to draw conclusion, then you will ask me to prove it. Ki yes, bhoot hota hai. How do I prove it? I can't prove it. It is beyond my capabilities. Right. तो paranormal वाला part तो ठीक है, अलग है, but उन्होंने कुछ चीजें कही थी जैसे वो माओ के समय वहाँ पे present थे और उन्होंने वो blood bath देखा था. मैं, हमने वो लिखा ना कि वो फिर वो Sagan principle आ जाता है कि भाई extraordinary claims require extraordinary evidence. I cannot overturn. क्या कुछ उनके travel records का कोई evidence है या कुछ चीजें हैं जो कह रहे हैं? And you are correct. They are very credible leads. But they are leads. They are not. They, unless until Chinese say so. Unless until I have a confirmed document from the government that I can't prove it also. That's the problem. It's a very good lead. किताब का नाम हमने लिखा रखा हमने conundrum Subhash Bose's life after death, which means it doesn't mean it means we are confirmed that he was Netaji. So it is a conundrum. Conundrum means a riddle. Netaji's life after his death is a riddle. So that is the meaning of the book. It does not mean, so we are sure he was Subhash Bose. But what he was doing, what happened to him beyond that period, etc., what all he said, why he did not come out, etc., it is all a conundrum for us. It's a riddle. Jitna hame possible tha, humne answer kar diya. Jitne option humko lage ki wo hum log public mein dal sakte, humne buffet ki tarah sabko dal diya. Samajhdar insaan jo hai, wo samajh jayega. Wo aap bhi samajh gaye honge. मैंने भूत वाली बात सपोर्ट भी कर दिया, उसका पोस्ट भी कर दिया मैंने. आप मेरे को मैंने आपको उल्टा इनडायरेक्ट एग्जांपल दी है. मैंने कहा सब मानते हैं इसको, अमेरिकन मानते, तुम किस खेत की मूली हो जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ हिंदुस्तानी वो मानते फिर. Discredit my entire research. Our focus is not what he was doing and why it didn't come out. Our focus is to find out who this man was, and we find there is evidence to support the view that he was Netaji. पहले वो government accept कर ले, फिर उसके आगे हम देख सकते हैं क्या किया था, कैसे किया. हाँ, records निकलेंगे कुछ होगा तो हम उसके बाद बाकी चीजें. Okay. और मुझे एक suggestion भी था. Suggestion in the sense मैं सोच रहा था काफी समय से कि इनके जो handwriting analysis है, वो नेताजी बोस का post 1945 तो public है. और आपके पास गुमनामी बाबा का भी है कि उन्होंने जो अपने बुक में सारा डाला हुआ है, तो एक ग्राफोलॉजी करके एक साइंस होता है जिसमें आप इंसान की हैंडराइटिंग पढ़ के. नहीं, वो इसी में आता है. नहीं नहीं, ऋषिकेश प्लीज अंडरस्टैंड, ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है ना, वो इट इज कोर्ट में माना जाता है, तो मुझे ग्राफोलॉजी की जरूरत नहीं आने की. वैसे वो उसने कर्ट ने किया वाला बात, कर्ट बैकेट ने किया, बट आई डोंट, वी डोंट नीड दैट. वी हैव गॉट तीन टॉप जस्ट टू अंडरस्टैंड. बट दूसरा ये है कि अभी उस पर इतनी डिबेट नहीं हो रही है, कल को डिबेट होती तो हम लोग फिर ये करके देखेंगे. बट हमने ऑलरेडी तीन टॉप एक्सपर्ट्स की हमने रिपोर्ट ले ली है, रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है, और किताब में हम लोगों ने सारा रिलेवेंट पोर्शन डाल दिया. कल को डिबेट होती है, कुछ होता है, हम बाकी चीज दिखा देंगे लोग. जैसे अशोक कश्यप जी ने हमको बने बड़े चार्ट बना के दिखाया था, ऐसे करके चार्ट पड़े बहुत सारे. अब वो चार्ट मेरे पास नहीं है, चंद्रचूड़ को दे दिए मैंने. वो चंद्रचूड़ को बोलूंगा किसी को, आपको अपने लाइव शो में दिखा दें कैसे उसने बना 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 के उन्होंने पूरा करा. बहुत अच्छा, क्योंकि उसको हम लोग किताब में नहीं डाल सकते, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े चार्ट है. बट यस, लेट अस सी. अब वो थोड़ा सा अभी बड़ा होगा ना इशू, बड़ा होगा, डिस्कशन होगी, तो हम लोग तब देख सकते हैं. मतलब वो एक्चुअली पूरे हैंडराइटिंग से वो इंसान किस तौर से गुजर रहा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो भी बता सकते हैं. वो कर्ट ने किया है, उसका कर्ट ने एग्जाम. अच्छा. कुछ उसके दिए, वो हमने किताब में डाले हैं, रेलेवेंट पेज में डाले. कर्ट ने करा है, और बिल्कुल करेक्ट किया उसने. बिल्कुल करेक्ट किया उसने. ट्रॉमा शमा सब निकाल दिया उसके अंदर. उसने ये तक निकाल दिया कि आदमी अपनी माँ से अटैच था. बहुत हाउ डज ही नो? यस कर्ट बैगेट ने कैसे माँ से अटैच. वो तो उसने क्लियर कर दिया कि वो ही सेम थे. वो
अशोक कश्यप ने कर दिया, अपने बीलाल कपूर जी ने कर दिया। ओके ठीक, मुझे इतना ही, इतनी चलो ठीक है, पढ़ते रहो बाद में और डिटेल और बाकी मिलना और बाद में सेशंस में आना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, थैंक यू, गुड इवनिंग। आशीष हाय, नमस्ते। अब मैं आप सिद्धार्थ और आपके बाद अब बंद करूंगा, मेरा 3 घंटा हो गया यार, 3 घंटे में ना मेरा ही नुकसान होता ना कि आशीष आपको, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अरे विश्वास क्यों नहीं हो रहा यार, अभी लाइव सेशन। मैं आपको ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। मेरे मोस्टली आंसर्स सर पहले ही मुझे आपकी किताबें पढ़ के मिल चुके हैं। बस एक ही मैं चीज जानना चाहता हूँ सर कि ऐसा कहा जाता है कि नेताजी 1962 में इंडिया में आ चुके थे, तो क्या चाइना से जब वॉर हुआ तो उसके बाद जो उनका चाइना को लेकर फीडबैक था या कुछ ऐसा उन्होंने किया जिसके कारण ये चाइना का वॉर जो इंडिया का चल रहा था वो रुका, उसके बारे में आज तक कभी नहीं पता चला कि चाइना ने वापस अपना ऑपरेशन क्यों रोका या वो लोग वापस क्यों गए। हमने किताब में कैलेंडर में हम लोगों ने सब डिटेल डाल दी इसकी, जितनी जो उन्होंने क्लेम किया, भगवान जी गुमनामी बाबा ने जो क्लेम किया, उसने ये बोला था कि 5-7 बातें, मोटी बातें बोली। उन्होंने बोला कि 1959 के आसपास चाइना ने जब पहली बार हम पे अटैक किया था उसमें 8-10 लोग मर गए थे, मुझे 59 के आसपास की बात है। तब गवर्नमेंट के एंड पे उन्होंने बोला कि एक टॉप सीक्रेट स्टडी बनी थी कि चाइनीज अटैक को कैसे थॉट किया जाए, मतलब ऑब्वियसली मिलिट्री में तो लोग रेडी थे ना उस बात को लेकर के। वो रिपोर्ट, उनका क्लेम था, वो रिपोर्ट लीक हो गई, पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान ने उसको सप्लाई कर दिया चाइना को। नाउ वी नो शायद ऐसा हुआ था, सही में रिपोर्ट टॉप सीक्रेट स्टडी हुई थी, क्योंकि उसमें जनरल पीएस भगत जो थे लेफ्टिनेंट जनरल, शायद उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी थी, क्योंकि उनकी लड़की ने अभी इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये बातें बोली, उनका कोई लिंक हमारे से नहीं है। जनरल पीएस भगत की लड़की ने ये बात बोली है कि मेरे पिताजी ने रिपोर्ट दी थी इस तरह की, तो वो उन्होंने गाला लीक हो गई, वो चाइना के हाथ लगी। और चाइना में उन्होंने, भगवान जी ने बोला था कि उनके चाइना में ना मतलब एक नहीं था, अलग 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 फैक्शन थे, हॉट मतलब कुछ हॉक थे, कुछ डोव थे, एंड ऑल दैट थिंग। वो कम से कम माओ को उस कैटेगरी में उन्होंने नहीं रखा था उन्होंने, लेकिन चाइना में एक हॉट हेडेड फैक्शन था, उसको उन्होंने इस्तेमाल करके 62 में उन्होंने पूरा इस्तेमाल करते हमारे पे चढ़ाई चढ़ाई। और उन्होंने ये क्लेम किया कि जब ये बात हुई है वो भारत में थे, वो बॉर्डर के इलाके में गए, वहाँ पे जी उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश किया, बिकॉज ही क्लेम दैट ही वॉज इन टच विद एनी हो, और इट वॉज हिज परसुएशन दैट बिकॉज ऑफ विच दे वेंट बैक सडनली ऑल ऑफ अ सडन, दैट ही हैज क्लेम्ड वेरी क्लियरली कि मैंने ये वैसे हुआ है करके। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इसके आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कम्युनिकेशन भेजा कि मैं भारत आना चाहता हूँ, क्योंकि शायद गवर्नमेंट का, उनके हिसाब से गवर्नमेंट को ये इंटेंशन उनको मालूम था कि वो भारत में नहीं है लेकिन जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि मुझे आंसर नहीं मिला। तो उनका ये दावा था कि 62 की लड़ाई में उनकी वजह से ही, प्रेशर से, उनके ही परसुएशन से चाइनीज ने पुल बैक किया, बिकॉज ही डिड नॉट, उनके हिसाब से शायद उनकी माओ से अच्छी, लेकिन चाइना में एक अलग 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 फैक्शन बने हुए थे कुछ, तो एक फैक्शन ने जो ना अपने आप डिसीजन लेकर के ये अटैक किया, उन्होंने ये बोला कुछ करके, सो दैट इज व्हाट ही क्लेम, वो हमने किताब में डाल दिया। मैंने नेताजी रहस्य गाथा पढ़ी हुई है सर, उसमें नहीं है ये जी, नेताजी रहस्य गाथा लिखी गई थी 2011 में, अभी हो गया 2021, और ये डाटा हमारे, ये जो मैं आपको किताब कनंड्रम बता रहा हूँ वो किताब लिखी गई थी 2000, आज से 2 साल पहले, तो वो पूरा जो भगवान जी का जो चिट्ठी पत्री लेटर बेटर हमारे अब हाथ लगा है, ये 11 में अवेलेबल नहीं था मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे उसमें 62 का, 65 की लड़ाई का, 71 की लड़ाई का, जो जो उन्होंने लिखा है हमने, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ी उसको, वो सब डाला हुआ, 71 का तो अभी जबरदस्त है, वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लोकेशन की आपकी, कहाँ पर आप? मैं ग्वालियर से हूँ सर, मध्य प्रदेश से। अभी ग्वालियर में? चलो बहुत बढ़िया, ग्वालियर भी मैं एक ही बार, यार मैं ग्वालियर में ट्रेन से निकला था, क्योंकि मुझे किला देखने का, खंडर का बहुत शौक है, तो ट्रेन से मैंने किला देखा था ग्वालियर का। सर भारत का 8वां बड़ा फोर्ट है, बहुत अच्छा है, मुझे तो वैसे ही शौक है देखने का, तो मुझे बड़ा अच्छा था, तो हम चाहेंगे सर, हम चाहेंगे, मैं काफी क्लब्स से जुड़ा हुआ हूँ, हम चाहेंगे कि आपके टॉक्स जो रहते हैं बुलाओ, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें। आज अभी आप फेसबुक में अभी भेजोगे, मैं परसों आपको बोलूंगा टिकट बुक करो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, अच्छी जगह है जी, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। सिद्धार्थ जी नमस्ते, देशमुख जी
नमस्ते लास्ट आपका डिस्कशन होगा जी जी आप से, अभी महाराष्ट्र से ही है जी नहीं मैं गुड़गांव से हूँ मैं वैसे okay. नागपुर बट योर नेम साउंड्स लाइक यू नो देशमुख सर यूजुअली इन महाराष्ट्र आई एम अ महाराष्ट्रियन फ्रॉम नागपुर नागपुर बट गुड़गांव में हूँ अभी कैन यू कीप द माइक्रोफोन क्लोजर टू योर माउथ श्योर श्योर आपसे सर एक साल पहले भी मेरी बात हुई थी ऐसी अड्डे पे Okay. और मैंने आपको एक चीज बताया भी था कि जो आपके पास जो लीड है कि जो गुरुजी थे आरएसएस के सर संघचालक जी वो नेताजी से जाके मिले थे उनकी चिट्ठी पत्री हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि वो जाके मिले भी थे उनसे और ये मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे ग्रैंडफादर से है बिकॉज माय ग्रैंडफादर सत्यपाल पटाई ही वॉज इन द टॉप ब्रास ऑफ द आरएसएस इन द 70s ही वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ युग धर्म एंड ही हैज वर्कड विद मतलब एम जी वैद्य वगैरह सब लोगों के साथ उन्होंने काम करा हुआ है तो उनके थ्रू मेरे को ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पता है कि वो जाके उस टाइम पे 1971 के आसपास बिफोर जस्ट 6 to 8 months बिफोर हिज डेथ जाके मिल के भी आए थे तो खैर मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसकी पुष्टि हो जाए ऑफिशियल तौर पर और सुदर्शन जी ने इसकी पुष्टि की थी लेकिन After he had retired as sir संचालक retirement के बाद उन्होंने पुष्टि की थी नहीं, उन्होंने पहले ही बोले जब वो सर संचालक था तब भी उन्होंने बात बोली थी बाद में वो रिपीट कर रहे होंगे लेकिन सर संचालक के होते होते उन्होंने बोला नहीं तो ये तो सबसे बड़ा फिर वो है ना जिससे कि बीजेपी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को मतलब के वो किया जा सकता है कि दे कैन बी पर्सुएडेड उनको पर्सुएड किया जा सकता है कि भैया आपने बोला लेकिन वो ऐसा है कि उनका अभी चक्कर है कि वो गांधी भक्ति का ऐसा वो माला जप रहे हैं कि उनको नजर कुछ नहीं आ रहा मैं यही बोल सकता हूँ मैंने तो उनको बताया सबको मैं जो जो मुझे मिला करके मैं तो संघ मुख्यालय भी गया था वहाँ पे उनसे बातचीत भी मेरी वहाँ पे हुई थी करके दे वर रिसेप्टिव दे लिसन टू एवरीबॉडी तो मैं जितने लोगों से मिला हूँ संघ के लोगों से या बीजेपी के लोगों से सबको मैंने बोला है बात का हमने काम तो लिख रहे हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लिख के बता रहे हैं उनके लेटर वेटर वहाँ से मिल गए हैं सारा डाटा क्लियर है कुछ करके तो आपको तो बोलना चाहिए अब वो ऊपर से चुप्पी साध के ऊपर से तो वो सिर्फ गांधी भक्ति कर रहे हैं कुछ कर ही नहीं रहे वो लोग तो प्रॉब्लम तो ये होगी ना कि अब ये कुछ भाजपा के डीएनए में चेंज आ गया कुछ करके फाइनेंशियल गेन के लिए आइडियोलॉजिकल वो डीएनए में बदल गया तो अब वो बेसिकली ये मूव टुवर्ड्स गांधी भक्ति इन अ बिग वे और मुझे वो बहुत डर लग रहा है कि वो जिस राह पे वो चल रहे हैं ये तो डर लगता है कि कल को वो महात्मा गांधी को विष्णु का अवतार ना डिक्लेयर करा देगा ये लोग इनके प्लानिंग और मास्टर प्लान की पहले गांधी जी की मूर्ति लगाएंगे यहाँ पे इधर अपने राजपथ में जी जी और इसमें एक और पहलू ये भी है मेरे एक बार चंद्रचूड़ जी से भी बात हुई थी ट्विटर के ऊपर कि ये सुभाष चंद्र बोस का और सरदार पटेल का इनका आपस में बहुत झगड़ा हो गया था 30s के अंदर और बहुत कोर्ट में भी केस चला था और क्योंकि सरदार पटेल के ब्रदर ने विट्ठल भाई पटेल ने कोशिश सरदार जी लोग क्या करते हैं लोगों ने कोशिश किया कि इसको दिखा करके सरदार पटेल में और सुभाष बोस में लड़ाई करवा करके आप जरा गुजरातियों बंगालियों में लड़ाई करवाओ लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे आपने आंसर दे दिया कि नेताजी सरदार पटेल के जो बड़े भाई थे उसकी और सुभाष बोस की बहुत अच्छी बनती सुभाष से बहुत बड़े थे वो इवन सरदार पटेल सुभाष बोस से 22 साल बड़े थे जी। तो विट्ठल भाई पटेल जो थे वो सुभाष बोस को बहुत प्रोटेक्शन दिया उन्होंने सपोर्ट किया जब वो एग्जाइल में थे काफ़ी यंग थे और विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार महात्मा गांधी के खिलाफ में मोर्चा खोला था कांग्रेस में जी। तो बेसिकली मुझे लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ भैया मैं 45 से पहले मैं नेताजी का और विट्ठल भाई पटेल का सपोर्टर हूँ हाँ 45 के बाद में जब नेताजी नहीं थे तब सरदार पटेल के सपोर्टर बन सकते क्योंकि वो उस टाइम ही वाज वेरी फार बेटर देन पंडित नेहरू लेकिन उससे पहले बट यू कैन नॉट मेक इट बोस वर्सेस पटेल द पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक फॉर सिंपल रीजन कि विट्ठल भाई पटेल जो है वो सुभाष बोस के साथ थे और उन्होंने गांधी के खिलाफ में मोर्चा उन्होंने मिलकर खोला पर क्या ये एक लिंक है जो कि हमारे आईएएस और जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं इस गवर्नमेंट लोग कर रहे होंगे हां बिल्कुल कर रहे हैं लोग बताने के लिए अगर आप ये निकाल के लाओगे कोई कांग्रेस के सपोर्ट में जो लोग हैं वो उसने आर्टिकल वोटे लिख के बोले हैं कि बीच में बोला आर्टिकल आया कि पीपल आर ट्राइंग टू फॉरगेट कि पटेल का रिलेशनशिप बोस से खराब था हाँ तो सबको मालूम है खराब था लेकिन आप ये क्यों बोलते हैं कि सरदार पटेल के बड़े भाई का रिलेशनशिप सुभाष बोस से बहुत अच्छा था और इतना अच्छा था कि दोनों ने मिलकर मोर्चा खोला है महात्मा गांधी के खिलाफ में जी तो वी हैव नथिंग आई मीन आई एम ओनली चूजिंग द एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर प्रॉब्लम हो जाएगी सर दूसरा
बट दैट इज हाउ इट इज. सरदार पटेल के रिलेशनशिप सुभाष बोस से अच्छे नहीं थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है मालूम. दूसरा चीज रिलेशनशिप उनके बड़े भाई से अच्छे थे बहुत. जी, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में एक जगह जिक्र किया गया है कि गुमनामी बाबा ने बाद में बताया था जब वो व्हेन ही वाज रिकाउंटिंग हिज एक्सपीरियंसेस कि जब वो बाहर गए थे तो ही वेंट विद द फुल नॉलेज ऑफ द इनर सर्कल ऑफ द कांग्रेस, है ना. तो ये इनर सर्कल में तो सारे बड़े लीडर्स होंगे. दैट इज व्हाट ही इंप्लाइड कि ऑल टॉप पीपल वर फुली अवेयर कि वो देश के बाहर जा रहे हैं और वो क्या बाहर से करना चाहते हैं. क्योंकि बाद में ये लोग ने एकदम से पल्ला झाड़ लिया कि ये बाहर की आर्मी हमको नहीं चाहिए, फॉरेन का सपोर्ट नहीं चाहिए. तो बेसिकली व्हाट ही वाज इंडिकेटिंग कि मैं इन लोगों की पूरी परमिशन से गया था, इनको मालूम था मैं बाहर जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ. जी सर, चलिए सर, दैट्स ऑल. बहुत सारा रहा, तीन बजकर के 10 मिनट हो गए, तीन घंटे हो गए मेरा रात को. अच्छा, आप में से लोग, मैं रात को ट्विटर स्पेसिस में आऊँगा रात को, ठीक है, 8-9 बजे के आसपास में. तो आप लोग वहाँ पर आइए, जो जिसको सुनने का टाइम होगा वो सिर्फ ऑडियो में होता है. तो ट्विटर स्पेसिस में रात को मैं आऊँगा. तो आज मैं संडे के दिन मैं दवा के बात करूँगा इस चीज के बारे में. तो 3 घंटे से ऊपर ये अड्डा हमारा चला है और बहुत बड़ा हो गया. मैं हमेशा प्लानिंग करता हूँ 1 घंटा बोलूँगा, लेकिन करते 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 क्योंकि आप लोग, मेरा ना मन नहीं करता ना, आप जैसे अभी भी आदित्य बैठे हुए हैं, मल्लियाबान है, विश्वास पहले आ चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, मैं सबको हटाना नहीं चाहता. लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि 3-3 घंटे बोलूंगा तो मेरे हिट्स बहुत कम हो जाएंगे यार, लोग 3 घंटा नहीं देख सकते प्रोग्राम. चलो, नहीं हुआ, आज संडे का अड्डा बहुत लंबा हो गया, दोबारा आप लोगों से मिलेंगे. थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते.